कहानी के स्टार्ट में सैनयुंग नाम का हाई स्कूल दिखाया जाता है जो कि चाइना के टॉप 3 स्कूल्स में आता है। बेसिकली इस स्कूल के 2 कैंपस हैं, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। नॉर्थ कैंपस के सारे बच्चे स्टडी पर फोकस करते हैं और साउथ कैंपस के सारे बच्चे स्पोर्ट्स पर। यहाँ पर 2 मेयर्स आपस में कचरे को लेकर लड़ाई कर रही होती हैं, जिनमें से एक नॉर्थ की होती है और एक साउथ की। और फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम काइशी है, जो कि हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है, और वो साउथ कैंपस बुक्स कलेक्ट करने के लिए जा रही होती है। अभी तक की ये सारी स्टोरी एक लड़की एक्सप्लेन कर रही थी जिसका नाम होंग है, जो कि नॉर्थ कैंपस की है। होंग सबको बता रही होती है कि अभी अभी काइशी साउथ कैंपस गई है। उनमें से एक लड़का कहता है कि मैं तो अब सिर्फ काइशी के लिए प्रे ही कर सकता हूँ कि वो उन शरारती लड़कों से ना मिले। तो होंग बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, काइशी बहुत स्मार्ट है और वो उन्हें संभालेगी। और फिर उन सबसे कहती है कि पहले तो हमेशा नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस से आगे होता था, लेकिन जब से ली ही नाम का लड़का आया है तब से साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस को बराबर की टक्कर देने लग गया है। सीन शिफ्ट होता है और हम ली ही को देखते हैं जो कि एक छोटे बच्चे से कह रहा होता है कि तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, तुमने प्रॉमिस किया था। और यहीं पर हमें ली ही के बारे में बताया जाता है कि ली ही बहुत ही स्ट्रांग है और वो स्पोर्ट्स में हमेशा सबसे आगे होता है और फर्स्ट रैंक पर आता है, और उसकी वजह से स्कूल को काफ़ी सारे मेडल्स और ट्रॉफीज भी मिले हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शरारती होता है। इसके बाद काइशी क्लास में बुक्स लेने के लिए आती है, जिस पर एक लड़का उसे बुक्स देकर वहां से जाने के लिए कहता है। काइशी सारी बुक्स काउंट करती है तो उनमें से 4 बुक्स कम होती हैं। फिर काइशी को उसके फ्रेंड होंग साउथ कैंपस से 4 लड़कों के बारे में बताती है और उनसे बच के रहने के लिए कहती है। काइशी समझ जाती है कि वो 4 बुक्स उन्हीं लड़कों के पास हैं, और वहीं पर उन 4 लड़कों में से एक लड़का काइशी पर नजर रख रहा होता है। काइशी उसे देख लेती है और फोन पर कहती है कि हाँ मैंने सारी बुक्स कलेक्ट कर ली, और फिर वहां से चली जाती है। वो लड़का ये सुनकर जल्दी से लीही के पास जाता है और उससे कहता है कि चीफ अभी नॉर्थ कैंपस की लड़की आई थी और वो सारी बुक्स कलेक्ट करके ले गई। तो लीही कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी बुक्स तो रेडियो रूम में है। यहीं पर ली ही का एक फ्रेंड उन सबको काइशी के बारे में सारी डिटेल्स देने लग जाता है कि काइशी क्लास 2 की मॉनिटर है और वो स्टडी में बहुत अच्छी है। वो कभी भी क्लास के लिए लेट नहीं होती और ना ही कभी जल्दी घर जाती है। वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ब्यूटीफुल भी है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे लव लेटर्स भी मिलते हैं, मगर वो उन सबको रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से सारा स्कूल उसे स्टूपिड मशीन कहता है जिसके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं। इसके बाद ली ही अपने फ्रेंड के साथ जल्दी से रेडियो रूम में जाता है बुक्स चेक करने के लिए। रेडियो रूम में पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि बुक्स तो वहीं पर है, और सोचने लग जाते हैं कि काइशी कौन सी बुक्स कलेक्ट करके गई है। तभी काइशी वहां पर आ जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम लोगों ने ये बुक्स स्टडी रूम में ही छुपाई होंगी, और मैं तो एक्टिंग कर रही थी। जैसे ही काइशी वहां से जाने लगती है तो ली ही उससे कहता है तुम होती कौन हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब मर्जी यहाँ पर आ और जा सकती हो। काइशी कहती है कि मेरा तुम लोगों से बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं, अभी मैं लेट हो रही हूँ इसलिए मुझे जाने दो। तभी ली ही का एक फ्रेंड काइशी के रास्ते में अपनी टांग करके उसे गिरा देता है, मगर जब ये ली ही देखता है तो वो उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से रेडियो ऑन हो जाता है और फिर सारा स्कूल उन दोनों के दरमियान होने वाली बातों को सुन लेता है। ली ही का फ्रेंड उससे कहता है कि चीफ ये क्या कर रहे हो, आप दोनों ने एक दूसरे को हक क्यों किया है, जिस पर ली ही उसे चुप होने के लिए कहता है। और फिर काइशी से कहता है कि तुम में किस चीज़ की अकड़ है, तुम तो हमेशा सेकंड आती हो, कभी भी फर्स्ट नहीं आई। काइशी कहती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरे ग्रेड्स और मार्क्स से, तुम अपनी ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दो, तुम्हें कपड़े पहनने का बिल्कुल तरीका नहीं। और फिर वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे जियो मिल जाता है और उससे पूछता है कि तुम रेडियो रूम में क्या कर रही थी, जिस पर काइशी हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रेडियो रूम में थी। तो जियो कहता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल को पता है, और तुम दोनों के दरमियान जो भी बातें हुई वो सारे स्कूल ने सुन ली है। काइशी शॉक्ड होकर क्लासरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ ली ही के फ्रेंड उससे बताते हैं कि अभी काइशी और आपके दरमियान जो भी बातें हुई वो रेडियो के थ्रू सारे स्कूल ने सुन ली है, और स्कूल फोरम पर हर कोई यही कह रहा है कि ली कितना वीक है, वो तो काइशी को भी नहीं संभाल सका, और ली ही तो जियो के बेबी फिंगर के बराबर भी नहीं। ये सब सुनकर ली ही को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसका एक फ्रेंड उसे रिलैक्स करते हुए कहता है कि चीफ रिलैक्स हो जाओ, अभी ये सब लोग आपको जानते नहीं, और जी यू तो हमेशा किताबों में गुस्सा रहता है और आप उससे आगे ही हो। यहीं पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ली एक फुटबॉल प्लेयर होता है और वो अपनी टीम के लिए मेंबर सिलेक्ट कर रहा होता है। तभी जी यू उसके पास आकर कहता है कि मुझे भी खेलना है, जिस पर ली कहता है क्या तुम्हें दौड़ना आता है। तो जी यू कहता है नहीं। ली कहता है तो फिर जाओ जाकर अपना होमवर्क करो, इस टीम में तुम्हारी कोई जगह नहीं।
ली ही बचपन से ही हमेशा बहुत ही तेज दौड़ता था और बहुत सारे मेडल्स जीत कर लाता था, जिसकी वजह से सारी लड़कियां ली ही को बहुत पसंद करती थीं। और वहीं पर जी यू हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था और सब टीचर्स उसकी बहुत तारीफ करती थीं, जिसकी वजह से ली ही बहुत जेलस होता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ली ही का फ्रेंड उससे कहता है कि हमें भी फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, शायद हमें भी अब पढ़ाई पर फोकस करना होगा। तो ली ही कहता है, तुम पागल हो गए हो, वो लोग सिर्फ रट्टू तोते हैं जो हमेशा पढ़ते रहते हैं, एक दफा उन्हें ग्राउंड में आने दे दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। इसके बाद नॉर्थ और साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स को ग्राउंड में दिखाया जाता है। ली ही का फ्रेंड उससे कहता है कि कायशी आपको क्यों घूर रही है, तो ली ही कहता है मैं हैंडसम जो हूँ। तभी कोच सभी बच्चों से कहते हैं कि आज तुम लोगों का फिजिकल एग्जाम है और तुम सबको इसमें अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि इसके मार्क्स तुम लोगों के रिजल्ट में ऐड होंगे। कोच की बात खत्म होने पर ली ही सर से कहता है कि हम नॉर्थ कैंपस की स्ट्रेचिंग में हेल्प करेंगे, जिससे कोई रूल भी नहीं टूटेगा और उनके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, जिस पर कोच मान जाते हैं। वहीं पर ली ही और उसके फ्रेंड्स खुश हो रहे होते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल होना स्टार्ट हो गया है। ली ही जानबूझकर कायशी की स्ट्रेचिंग में हेल्प कर रहा होता है और उससे बहस करते हुए कहता है कि ठीक से करो, तुम नॉर्थ कैंपस वाले कितने लेजी हो, और काउंटिंग करते हुए दो से आगे जाता ही नहीं, जिस पर कायशी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी नॉर्थ कैंपस का एक लड़का जिसका नाम हॉन होता है, वो उठ के बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग हमसे बदला ले रहे हो। तभी उन्हें कोच चुप करके एक्सरसाइज करने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। कोच के जाते ही नॉर्थ और साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स आपस में फाइट करने लग जाते हैं और ली ही का एक फ्रेंड हान को वीक कहता है, जिस पर हान को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें वीक कहने की। ली ही का फ्रेंड कहता है कि तुम्हें तो हमें थैंक्स कहना चाहिए कि हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। तो हान कहता है कि तुम हमारी हेल्प नहीं कर रहे बल्कि हमसे बदला ले रहे हो। अभी ये बहस चल ही रही थी कि तभी कैशी कहती है कि चलो हम एक मैच कर लेते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि कौन कितना वीक है। सभी बच्चे इस गेम के लिए मान जाते हैं और दोनों कैंपस के दरमियान मैच स्टार्ट हो जाता है। तभी कैशी को गेम में देख कर ली ही बोलता है कि तुम रहने दो, तुम एक लड़की हो, तुम्हें चोट लग जाएगी, जिस पर कैशी कहती है क्यों, क्या तुम डर गए हो मुझसे। और फिर मैच स्टार्ट हो जाता है और दोनों टीम्स बहुत अच्छे से खेल रही होती हैं। गेम के दौरान कायशी को बॉल लगने ही वाला होता है कि तभी जी यू उसे बचा लेता है, लेकिन इन सब में नॉर्थ कैंपस का एक मेंबर आउट हो जाता है। साउथ कैंपस को इतना अच्छा खेलता देखकर हान काफ़ी जेलस होता है और वो जानबूझकर फ्लोर पर पानी फेंक देता है, जिसकी वजह से ली ही का एक फ्रेंड आउट हो जाता है और साउथ कैंपस नॉर्थ कैंपस को चीटर कहने लग जाते हैं और फिर से दोनों कैंपस के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कायशी, जियो और ली ही को प्रिंसिपल ऑफिस में दिखाया जाता है और प्रिंसिपल उन तीनों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ नॉर्थ कैंपस की टीचर आ जाती हैं और ली ही से पूछती हैं कि क्या हुआ, तो ली ही कहता है कि ये हमें इंग्लिश के लिए चैलेंज कर रहे थे और हमारा मजाक बना रहे थे। तो टीचर कायशी से पूछती हैं कि क्या ये सच है, तो कायशी कहती है कि नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग तो बस मैच खेल रहे थे। प्रिंसिपल तीनों को 1000 times सॉरी लिखकर देने को कहते हैं, जिस पर ली ही हैरान होकर कहता है कि एक दफ़ा सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा। तो प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है, अब तुम 2000 times लिखोगे। इससे पहले कि ली ही कुछ और बोलता, प्रिंसिपल उन तीनों को अपने क्लासरूम में जाने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद कोच प्रिंसिपल से पूछते हैं कि क्या आप सच में नॉर्थ और साउथ कैंपस को मर्ज करना चाहते हैं, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। हम ली ही को देखते हैं जो सोकर उठता है और अपनी मॉम के पास जाता है जो कि एक्सरसाइज कर रही थी। ली ही उनसे ब्रेकफास्ट का पूछता है, जिस पर उसकी मॉम कहती हैं कि अपने डैड से पूछो। ली ही अपने डैड के पास जाता है और उनसे भी यही क्वेश्चन करता है, लेकिन उसके फादर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करते, जिस पर ली ही इरिटेट होकर कहता है कि डैड, मॉम ब्रेकफास्ट का पूछ रही हैं। मॉम का नाम सुनते ही उसके डैड जल्दी से जाकर ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर देते हैं, जिस पर ली ही इरिटेट होकर कहता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया है। इसके बाद जब ली ही तैयार होकर स्कूल जाने लगता है, तभी उसे बाहर जी यू मिल जाता है और हमें पता चलता है कि जी यू और ली ही दोनों नेबर्स हैं। ली ही जी यू को देखकर कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरे सामने खड़े होते हुए, जबकि तुमने मैच में चीटिंग की है। जी यू कहता है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं, तुम एक लड़की से कम्पीट कर रहे हो, उससे फाइट कर रहे हो। अभी ली ही कुछ कहने ही वाला था कि तभी जी यू ली ही के सर पर हाथ रख देता है और तभी उसकी मॉम बाहर आ जाती है। ली ही की मॉम उन दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हो, और मॉम के सामने तो ये दोनों ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि जैसे कि दोनों वाकई बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ली ही की मॉम उससे कहती है कि अब तुम्हें इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अब तुम जियो के साथ जो रहते हो। जियो ली ही की मॉम से कहता है कि आंटी, ली ही क्लास में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं।
जिस पर लीही की मॉम काफी खुश होती हैं। जीयू लीही की मॉम से कहता है कि आंटी मुझे लगता है कि आपको लीही को बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए, वहाँ जाकर ये और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। लीही की मॉम को जीयू का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो। लीही ये सब सुनकर बहुत इरिटेट होता है और कहता है कि अब हमें स्कूल चलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में कायशी के ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि चोरी छुपे कायशी के रूम में आता है और कुछ ढूंढने लग जाता है। तभी कायशी उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कायशी का भाई कहता है कि प्लीज मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स दे दो, वैसे भी वो नोट्स अब तुम्हारे किसी काम के नहीं। कायशी कहती है कि मैं तुम्हें वो नोट्स हरगिज़ नहीं दूंगी, तुम्हें खुद अपनी मेहनत से बनाने होंगे। ये सुनकर उसका भाई कायशी से जबरदस्ती नोट्स छीनने की कोशिश करता है, जिस पर कायशी जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मॉम ये देखे क्या कर रहा है, ये मेरे नोट्स चुरा रहा है। जिस पर कायशी का भाई डर जाता है और कहता है कि ठीक है नहीं देने तो ना दो, मुझे वैसे भी ये नोट्स काफी लोग हैं देने के लिए, और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद जीयू और लीही को दिखाया जाता है जो कि एक ही साथ घर से साइकिल पर निकलते हैं। घर से थोड़ा दूर जाने पर लीही जीयू से कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, जिस पर जीयू कहता है कि मुझे तुम्हें फॉलो करने का कोई शौक नहीं, और फिर अपना रास्ता चेंज कर लेता है और फिर उस रास्ते से जाता है जहाँ से कायशी और उसका भाई जाता है। जीयू कायशी के घर के बाहर चक्कर लगाना शुरू कर देता है और उसका वेट करता है। कुछ देर में कायशी अपने भाई के साथ बाहर आ जाती है। जीयू को देखकर कायशी कहती है कि व्हाट अ कोइंसिडेंट, आज हम फिर से मिल गए। जिस पर कायशी का भाई कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर ये कोइंसिडेंट रोज रोज कैसे हो जाता है, तुम हमें हर रोज इस टाइम पर कैसे मिल जाते हो। जिस पर कायशी और जीयू से कोई रिप्लाई नहीं करते और आगे चले जाते हैं। जिस पर कायशी का भाई खुद से कहता है कि जीयू तुम्हारी च्वाइस और टेस्ट तो बहुत ही खराब है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग में सभी टीचर्स से दोनों कैंपस को मर्ज करने के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए साउथ कैंपस में कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, जिसकी वजह से हमें नॉर्थ और साउथ कैंपस को मर्ज करना होगा। और मुझे लगता है कि दोनों कैंपस को मर्ज करने का डिसीजन अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस पता चलेगी और साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स को स्टडी की वैल्यू होगी। इसके बाद टीचर क्लासरूम में आती हैं और सबसे कहती हैं कि आज मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और उन्हें बताती हैं कि अब से नॉर्थ और साउथ कैंपस को मर्ज किया जा रहा है और साउथ कैंपस अब नहीं रहेगा, साउथ कैंपस के सभी स्टूडेंट्स नॉर्थ कैंपस में शिफ्ट हो जाएंगे और दोनों कैंपस एक साथ पढ़ेंगे। सभी बच्चे ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी कायशी उठती है और कहती है कि टीचर मैं इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों कैंपस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, हमारे गोल्स हमारे फ्यूचर्स और हमारे बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो हम उनके साथ कैसे रहेंगे, और इन सब से हमारी स्टडी पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। जिस पर टीचर सब बच्चों को रिलैक्स करते हुए कहती है कि ये स्कूल का डिसीजन है और हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, और कहती है कि मैं तुम लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे और अपना बेस्ट दोगे। इसके बाद टीचर साउथ कैंपस के चार स्टूडेंट्स का नाम अनाउंस करती है जो कि इस क्लास में आएंगे, जिनमें लीही और उसके तीनों फ्रेंड्स होते हैं। ये सुनकर तो पूरी क्लास हड़बड़ा जाती है। दूसरी तरफ लीही और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम उनके साथ कैसे मर्ज हो सकते हैं, हम तो बिल्कुल उनसे अलग हैं, हम उनकी तरह डंप और रटू तोते नहीं बन सकते। और भी कहता है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हम उनकी क्लास में ऐसे तो नहीं जा सकते, हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ का बॉस कौन है, नहीं तो वो हमें दबा देंगे और हम भी उनकी तरह डंप स्टूडेंट्स बन जाएंगे। जिस पर लीही उन सबको रिलैक्स करते हुए बोलता है कि हमें उन नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स को सबक सिखाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि हम किसी से कम नहीं। इसके बाद लीही और उसके फ्रेंड एक कन्वीनियंस स्टोर पर जाते हैं और वहां पर जाकर कोक वाली बॉटल्स को अच्छे से हिलाना शुरू कर देते हैं और फिर साइड पर जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद कायशी और उसके फ्रेंड्स वहां पर आते हैं और जैसे ही कायशी एक कोक की बॉटल उठाकर खोलती है तो सारी ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाती है। ये सब देखकर लीही और उसके फ्रेंड्स हंसना शुरू हो जाते हैं। तभी कायशी उन्हें देख लेती है और उसे उन सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और चिल्लाते हुए कहती है कि आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी होंग उसे रिलैक्स करते हुए कहती है कि हमारे पास इन सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, हमें अभी अपने पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। हान जियो से कहता है कि मुझे साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं और मैं इनसे बहुत नफरत करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लीही और उसके फ्रेंड्स ग्राउंड से आते हैं और अपने कपड़े रखकर नहाने चले जाते हैं। तभी हान वहाँ पर आता है और उन लोगों के सारे कपड़े चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। तभी लीही अपने फ्रेंड्स के साथ नहाकर बाहर आता है और देखता है कि उनके कपड़े वहाँ पर नहीं और उन्हें समझ आ जाती है कि उनके कपड़े जरूर किसी ने चुराए हैं और वो जल्दी से हान के पीछे भागते हैं। इसके बाद हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीही और उसके फ्रेंड्स हान के पीछे भाग रहे होते हैं।
तभी प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाते हैं और उन सबको डांटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे ग्राउंड में भागते हुए। तभी काफी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जमा हो जाते हैं जिनमें कायशी और उसकी फ्रेंड होंग भी होती है। होंग कायशी से कहती है कि ली ही कितना हैंडसम है। कायशी होंग से कहती है कि क्लास में तुम्हें ब्लैक बोर्ड तो नजर आता नहीं और यहाँ पर तो तुम्हें हर चीज काफी अच्छे से नजर आ रही है, और फिर उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। तभी प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद ली ही और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ कैंपस के स्टूडेंट्स से काफी ज्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं, और ली ही का एक फ्रेंड कहता है कि हमें उन लोगों से बदला लेना चाहिए। जिस पर ली ही कहता है कि मुझे पता है कि उन लोगों का हेड जियो है और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर ली ही अपने फ्रेंड से कायशी की क्लास में जाकर जियो की सीट पर ग्लू लगाने के लिए कहता है। ली ही का फ्रेंड जल्दी से जाता है और ग्लू लगाकर आ जाता है और कहता है कि फिक्र ना करो मैंने काम कर दिया है। इसके बाद वो चारों कायशी के क्लासरूम के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम में आ जाते हैं और जैसे ही कायशी अपनी सीट पर आकर बैठती है तो उसकी स्कर्ट चेयर के साथ चिपक जाती है और उससे चेयर से उठा नहीं जाता, जिस पर होंग उसकी हेल्प करती है लेकिन फिर भी कायशी नहीं उठ पाती। ली ही और उसके फ्रेंड्स ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने तो वो ग्लू जियो की सीट पर लगाई थी। ली ही अपने उस फ्रेंड की तरफ देखता है जिसने वो ग्लू लगाई थी और उसे बहुत ज्यादा डांटता है। क्लास के सभी स्टूडेंट्स कायशी को देख रहे होते हैं। इसके बाद कायशी होंग की हेल्प से नर्सिंग रूम में चली जाती है और वहां पर जाकर होंग से सीजर मांगती है और उससे अपनी स्कर्ट को काट देती है और चेयर से उठ जाती है। होंग कायशी से कहती है कि तुम तो इस तरह से बाहर नहीं जा सकती। तभी वहां पर नर्स कायशी को एक बैग देती है और कहती है कि ये तुम्हारे क्लासमेट जियो ने दिया है, जिस पर होंग कहती है कि जियो कितना समझदार है। दूसरी तरफ जियो नर्सिंग रूम के बाहर वेट कर रहा होता है और तभी वहाँ पर ली ही आ जाता है। कुछ देर में कायशी भी जियो का दिया हुआ यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आ जाती है और ली ही को गुस्से से देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ली ही कायशी को सॉरी बोलता है जिस पर कायशी उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, जिस पर ली ही कहता है कि मैं तुम्हें सॉरी कह रहा हूँ तो मुझे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकती। कायशी को ली ही पर बहुत गुस्सा आता है और उसे कॉलर से पकड़ के कहती है कि आगे से मुझसे दूर रहना क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वहाँ से चली जाती है। और जियो भी हंसते हुए वहाँ से चले जाता है। तभी नर्स ली ही को कायशी की स्कर्ट देती है और कहती है कि ये उसे दे देना। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स नॉर्थ कैंपस के क्लासरूम के बाहर खड़े होते हैं। तभी प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाते हैं और सभी को क्लासरूम में जाने के लिए कहते हैं। तभी ली ही और उसके तीनों फ्रेंड्स क्लासरूम में जाते हैं और देखते हैं कि उन्हें क्लासरूम की फर्स्ट सीट्स दी गई है, जिस पर ली ही बहुत इरिटेट होकर कहता है कि ये किसने किया, हम लोग आगे नहीं बैठ सकते। तो कायशी उठकर कहती है कि मैं मुनीतर हूँ और मैंने ही ये सब कुछ किया है और हमारी क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट ग्रेड्स के अकॉर्डिंग होती है। ली ही कहता है जो भी है मैं आगे नहीं बैठूंगा। तभी वहाँ पर कोच और टीचर आ जाती हैं और सभी स्टूडेंट्स को रिलैक्स करते हैं। कोच सभी एकेडमिक स्टूडेंट्स को अपने साथ बाहर ले जाते हैं और टीचर उन चारों स्टूडेंट्स को क्लासरूम में रुकने के लिए कहती हैं। और फिर टीचर ली ही और उसके फ्रेंड्स को एक बहुत ही फेमस चैंपियन की वीडियो दिखाती हैं और उन सबको पढ़ने के लिए इनकरेज करती हैं। इसके बाद सभी एकेडमिक स्टूडेंट्स क्लासरूम में आते हैं और हान देखता है कि उसकी सीट पर ली ही बैठा हुआ है। तभी टीचर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी सीट चेंज कर दी है और ली ही को कायशी के पीछे बिठाया है ताकि उसके ग्रेड्स इंप्रूव हो सकें। इसके बाद कायशी अपने फ्रेंड के साथ घर जा रही होती है। तभी वो एक शॉप पर एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस देखती है लेकिन जब वो उसकी प्राइस देखती है तो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कायशी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, जिस पर कायशी कहती है कि बस ठीक ही गया। तभी कायशी का भाई कहता है कि मुझे पता चला है कि ली तुम्हारी क्लास में है, जिस पर उसकी मॉम ली के बारे में पूछती है। तो कायशी का भाई मॉम को रेडियो रूम में होने वाली सारी बातें बता देता है। कायशी की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें उन स्पोर्ट्स स्टूडेंट के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो कायशी अपनी मॉम से कहती है कि ओके मॉम जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी, और फिर अपनी मॉम से पूछती है कि आप रीयूनियन पार्टी में कैसे तैयार होंगी और क्या पहनेंगी। तभी उसका भाई कहता है कि यस मॉम आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्यों ना आप पियानो बजाना सीख लें, जिस पर उसकी मॉम टॉपिक चेंज करते हुए कहती है कि अभी इसमें बहुत टाइम पड़ा है इसलिए इसके बारे में बात मत करो। और फिर से कायशी से कहने लग जाती है कि तुम्हें सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है और वैसे भी मेरी बेटी किसी से कम नहीं, जिस पर कायशी का भाई कहता है कि मॉम आप ये क्या कह रही हैं, क्या आपको पता नहीं कि आपकी बेटी किसी से कम है, आपकी बेटी तो हमेशा नंबर 2 पे रहती है और नंबर 1 पे तो जियो आता है। जिस पर कायशी को अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली ही और उसके फ्रेंड्स वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। तभी कायशी और जियो क्लास में आते हैं और साथ में टीचर भी क्लास में आ जाती हैं।
टीचर सभी स्टूडेंट से कहती है कि तुम लोगों का नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम न्यू सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि प्रीवियस सिलेबस को ही रिवाइज करेंगे। और फिर वो क्लास लेना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एकेडमिक स्टूडेंट्स तो बहुत ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स तो काफी बोर हो रहे थे। लेकिन कभी अपने स्नीकर्स को साफ करने लग जाता है तो कभी कैश की सीट के साथ खेलने लग जाता है। वहीं पर लीही का एक फ्रेंड जिसे काफी ज्यादा नींद आ रही थी वो अपने फेस पर एक अजीब सा मास्क लगा लेता है और फिर सो जाता है। लीही और उसके फ्रेंड्स उसे देखकर बहुत ज्यादा हंसते हैं। तभी टीचर उसके पास आती है और उसका मास्क उतार के कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं यहाँ पर इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ और तुम सो रहे हो, क्या तुम्हारे कोच ने तुम्हें यही सिखाया है? जिस पर लीही का फ्रेंड मना करता है। टीचर उसे बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी, और वहां से चली जाती है। वहीं पर हान को दिखाया जाता है जो कि लीही और उसके फ्रेंड्स के गंदे स्नीकर्स से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है। क्लास खत्म होने के बाद टीचर काशी को अपने ऑफिस से कुछ पेपर्स लाने के लिए कहती है और कहती है कि कुछ पेपर्स काफी भारी हैं तो तुम साथ में लीही को भी ले जाओ। काशी अपनी सीट से उठती है और लीही से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, जिस पर लीही उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, जिस पर जियू कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन लीही कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं मैं चलता हूँ। लीही काशी से कॉरिडोर में कहता है कि तुम इतनी सीरियस क्यों रहती हो, कभी चिल भी कर लिया करो। तो काशी कहती है कि देखो प्लीज मुझे इरिटेट मत करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तो इसलिए तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि तुम मुझे तंग मत करो और ना ही मेरे काम में इंटरफेयर करो। जिस पर लीही कहता है कि अगर मैं तुम्हें तंग करूं तो तुम क्या कर लोगी। काशी लीही को घूरती है और गुस्से से वहां से चली जाती है। काशी के जाने के बाद लीही मुस्कुराता है। दूसरी तरफ क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पर जियो कहीं बाहर जाने लगता है, तभी एक लड़की उसे पीछे से आवाज देती है और गलती से जियो के ऊपर गिर जाती है। वो लड़की जियो से कहती है आई एम सॉरी, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है, मैं तो हेल्दी खाना भी खाती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जिस पर जियो कहता है कि तुम्हें जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, तुम डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लो, और वहां से चले जाता है। वहीं पर लीही के फ्रेंड्स पीछे बैठकर वीडियो गेम खेल रहे होते हैं और साथ में हंस रहे होते हैं। उस लड़की को लगता है कि वो उस पर हंस रहे हैं और वो गुस्से से उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो। जिस पर लीही का फ्रेंड कहता है क्यों क्या हुआ, क्या हम लोग हंस भी नहीं सकते। वो लड़की उन्हें डर्टी स्नीकर्स बोलकर वहां से चली जाती है। लीही के फ्रेंड्स उठते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्नीकर्स को गंदा कहने की। जिस पर वो लड़की उनके स्नीकर्स उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है। वहीं पर हम काशी को देखते हैं जो कि अकेले ही सारे पेपर्स उठाकर क्लासरूम में लेकर जा रही होती है। तभी लीही उसके पास आता है और उससे सारे पेपर्स ले लेता है और कहता है कि मैं इतना भी एरोगेंट नहीं हूँ, एक जेंटलमैन हमेशा एक लड़की की हेल्प करता है। जिस पर काशी उसे हैरान होकर देखती है और स्माइल करती है। इसके बाद वो दोनों क्लास में आते हैं और देखते हैं कि सभी बच्चे डस्टबिन के पास जमा हुए हैं। लीही अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये स्नीकर्स किसने डस्टबिन में फेंके हैं, जिस पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि इस लड़की ने हमारे स्नीकर्स फेंके हैं। तभी हान वहां पर आता है और कहता है कि इन गंदे स्नीकर्स को डस्टबिन में ही होना चाहिए, जिस पर लीही को बहुत गुस्सा आता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है। लीही का एक फ्रेंड कहता है कि अगर हम तुम लोगों का सामान डस्टबिन में फेंके तो तुम्हें कैसा लगेगा। जियो लीही के पास आता है और कहता है कि प्लीज सीन मत क्रिएट करो, इस बात को यहीं पर खत्म कर दो, और जल्दी से उनके स्नीकर्स उठाकर उन्हें दे देता है। काशी उस लड़की से सॉरी बोलने को कहती है, वो लड़की सॉरी बोलती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। काशी लीही को भी सॉरी बोलने को कहती है, जिस पर लीही कहता है कि मैं सॉरी क्यों बोलूं? तो काशी कहती है कि तुमने अभी अभी डस्टबिन को नीचे फेंका है, जिस पर उसके फ्रेंड्स जल्दी से डस्टबिन उठा देते हैं और लीही भी सॉरी बोल देता है। काशी लीही से कहती है कि तुम लोग अपने स्नीकर्स मुझे दे दो, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी और कोई भी इन्हें हाथ नहीं लगाएगा, जिस पर लीही और उसके फ्रेंड्स अपने स्नीकर्स काशी के हवाले कर देते हैं। इसके बाद सभी बच्चे फिजिकल क्लास के लिए ग्राउंड में चले जाते हैं। काशी भी अपनी फ्रेंड और जियो के साथ ग्राउंड में जा रही होती है, तभी उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम जाकर रेस्ट करो, और वैसे भी नेक्स्ट क्लास में मैथ का टेस्ट भी है। तभी जियो कहता है कि तुम रेस्ट करो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी लीव एप्लीकेशन दे दूंगा, मगर काशी कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। तो जियो कहता है कि अगर तुमने ये वाली क्लास ली तो तुम्हारी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी और तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा टेस्ट मिस हो जाएगा और तुम्हारे मार्क्स भी गंदे आएंगे। वैसे भी तुम मुझसे सेकंड हो और अगर टेस्ट अच्छा ना हुआ तो तुम्हारे मार्क्स और भी कम हो जाएंगे। ये सब सुनकर काशी मान जाती है और रेस्ट करने के लिए चली जाती है। काशी अकेले क्लासरूम में रेस्ट कर रही होती है और कुछ ही देर में सभी बच्चे क्लासरूम में आ जाते हैं। तभी लीही का एक फ्रेंड देखता है कि उनका स्नीकर्स का बॉक्स अपनी जगह पर नहीं है।
तो वो काशी से पूछता है कि हमारे स्नीकर्स कहाँ पर हैं, जिस पर काशी हैरान होकर कहती है कि मैंने तो वो स्नीकर्स यहीं पर रखे थे। ली ही कहता है हमने तुम पर ट्रस्ट किया था और तुमने कहा था कि तुम हमारे स्नीकर्स संभाल कर रखोगी। काशी कहती है मेरा यकीन करो मैंने यही रखे थे। ली ही कहता है अगर तुम हमें पसंद नहीं करती तो साफ साफ बता दो, इस तरह की ट्रिक्स खेलने की क्या जरूरत है। काशी कहती है कि मैं इतनी बड़ी स्टूपिड नहीं हूँ कि तुम लोगों से बदला लेने के लिए इस तरह की ट्रिक्स खेलूं। तभी हान कहता है सही तो है, तुम लोगों के गंदे स्नीकर्स को गार्बेज में होना चाहिए। वैसे भी तुम लोग इस क्लास के तो हो नहीं, तो तुम्हारी गंदी चीजें इस क्लास में क्यों रहेंगी। तो मैं और तुम्हारी चीजों को वापस उसी जगह पर चले जाना चाहिए जहाँ से तुम लोग आए हो। तभी ली का एक फ्रेंड उसके कान में कुछ कहता है और वो चारों अपने स्नीकर्स ढूंढने के लिए क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। काशी हान के पास आती है और उससे कहती है कि अगर तुमने नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा किया तो मैं टीचर को तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। जियो भी काशी के पीछे चले जाता है। ली ही और उसके फ्रेंड्स गार्बेज में अपने स्नीकर्स ढूंढ रहे होते हैं। वहीं पर काशी साउथ कैंपस की तरफ जा रही होती है। जियो से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। काशी कहती है कि मुझे यकीन है कि हान ने वो स्नीकर्स साउथ कैंपस में रखे होंगे, और फिर वो दोनों जल्दी से साउथ कैंपस में जाते हैं और स्नीकर्स ढूंढने लग जाते हैं। तभी काशी के हाथ में चोट लग जाती है, मगर काशी इग्नोर करती है और फिर से स्नीकर्स ढूंढना शुरू कर देती है और फाइनली उन्हें स्नीकर्स मिल जाते हैं। वहीं पर ली ही और उसके फ्रेंड्स हान के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने हमारे स्नीकर्स कहाँ पर रखे हैं। तभी वहाँ पर काशी और जियो आ जाते हैं और कहते हैं कि हान ने तुम्हारे ये स्नीकर्स साउथ कैंपस में रखे थे। स्नीकर्स को देख कर ली ही बहुत खुश होता है और काशी और जियो को थैंक्स कहता है और साथ में काशी को सॉरी भी बोलता है कि उसने उस पर शक किया। काशी हान को पनिशमेंट में स्नीकर्स धोने के लिए कहती है। यहाँ पर ली ही सबसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग भी यही सोच रहे होगे कि मैं इन स्नीकर्स के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, और कहता है कि मेरे लिए स्नीकर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन स्नीकर्स को पहनकर मैं पहली दफा चैंपियनशिप में सेकेंड आया था और दूसरी दफा फर्स्ट आया था, और इसी तरह से मेरे फ्रेंड्स की भी इन स्नीकर्स से बहुत ज्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, और कहता है कि ये स्नीकर्स हमारे लिए किसी भी मेडल और ट्रॉफी से बढ़कर हैं क्योंकि ये हमारे लिए हमेशा लकी साबित हुए हैं। ये सब सुनकर काशी ली इसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने इन स्नीकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और मैं इन्हें अच्छे से संभाल नहीं सकी। इसके बाद हान को दिखाया जाता है जो कि पनिशमेंट में सभी के स्नीकर्स को धो रहा होता है। इसके बाद ली ही को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा होता है और उनसे काशी के बारे में बात करते हुए कहता है कि क्या वाकई हमारी क्लास मॉनिटर इतनी अच्छी है, आज तो उसने पूरी क्लास के सामने हम लोगों की साइड ली है। वो अपने सभी फ्रेंड्स से एडवाइस लेते हुए कहता है कि तुम लोगों का क्या ख्याल है। उनमें से एक दो फ्रेंड्स कहते हैं कि हाँ मुझे तो लगता है कि मॉनिटर काफी अच्छी है, लेकिन तभी उसका एक फ्रेंड कहता है कि मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। आखिर आज चीफ काशी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। जिस पर ली ही कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। यहाँ पर ये सभी फ्रेंड्स हंसी मजाक कर रहे होते हैं और क्लास में होने वाले इंसिडेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक फ्रेंड कहता है कि क्या वाकई हान हमारे स्नीकर्स साफ कर रहा होगा। तो एक फ्रेंड कहता है कि जरूर धोएगा, आखिर मॉनिटर ने जो कहा है उसे। तभी ली ही कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ, और वो बाहर आता है और देखता है कि काशी एक लड़के के साथ वहाँ से गुजर रही होती है। वो लड़का एक्चुअली में काशी का भाई होता है, लेकिन ली ही को इसके बारे में नहीं पता होता, और काशी का भाई उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहा होता है। ये सब देखकर ली ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा क्यूट लड़का आता है और वो भी यही कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। ली ही कहता है तुम्हें भी यही लग रहा है ना, तो वो लड़का कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। तभी ली ही उसकी आइसक्रीम लेकर खाने लग जाता है और उससे कहता है कि इतनी आइसक्रीम मत खाया करो, और फिर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काशी अपने भाई के साथ स्कूल पहुँचती है। तभी वहाँ पर ली ही आ जाता है और वो देखता है कि काशी फिर से उसी लड़के के साथ है। वो ये सब कुछ बहुत ही अपसेट होकर देख रहा होता है। काशी के जाने के बाद उसके भाई के पास एक लड़की आती है और वो उसे एक लव लेटर देती है और वो उससे कहती है कि ये तुम्हारे लिए है, बस तुम प्लीज इसे पढ़ लेना, बेशक बाद में मना कर देना। ली ही ये सब देख रहा होता है और कहता है कि ये तो प्ले बॉय है, ये एक टाइम पर बहुत सारी लड़कियों के साथ टाइम पास कर रहा है। काशी का भाई उस लड़की से कहता है कि अभी हम छोटे हैं, इसलिए हमें स्टडी पर फोकस करना चाहिए, और उसका लव लेटर वापस करके वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम ली ही को देखते हैं जो कि क्लासरूम के बाहर खड़े होकर काशी को गुस्से से देख रहा होता है और फिर क्लासरूम के अंदर जाकर बैठ जाता है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता और वो फिर से काशी के सामने आकर खड़े हो जाता है।
और कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल स्टडी पर फोकस नहीं कर रही, तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए और तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। काशी को ये सब बोलकर लेही वहाँ से चले जाता है। काशी को तो कुछ भी समझ नहीं आती कि लेही ने क्या बोला है और वो उसे इग्नोर करके हॉन्ग के साथ एंजॉय करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे प्लेग्राउंड में होते हैं और हॉन्ग काशी की एक्सरसाइज में हेल्प कर रही होती है। तभी वहाँ पर जियो आता है और कहता है तुम हटो, मैं काशी की हेल्प करता हूँ। यहीं पर ली ही ये सब देख रहा होता है और वो काशी को उसके भाई के साथ इमेजिन करने लग जाता है। तभी वो जोर से चिल्लाता है और कहता है रुक जाओ। ये सब देखकर सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे क्या हो गया है। ली ही को शाउट करते हुए देखकर काशी कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तभी ली ही को रियलाइज होता है कि ये उसकी इमेजिनेशन है और वो कहता है कि मेरा मतलब था कि तुम लोग गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हो। जिस पर काशी कहती है कि इतनी सी बात के लिए तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत थी, और तभी वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में ली ही और जियो को देखते हैं जो कि काशी के पास खड़े होते हैं और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम चले जाओ, मैं काशी की हेल्प कर दूंगा। अभी उन दोनों की बहस चल ही रही होती है कि तभी काशी उड़ जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी जियो का फोन रिंग करता है और वो फोन अटेंड करने के लिए बाहर चले जाता है। जियो के जाने के बाद ली ही काशी की बहुत केयर करता है और उसका बैंडेज चेंज करने लग जाता है, जिस पर काशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। लेकिन ली ही उसकी एक भी नहीं सुनता और उसका बैंडेज चेंज कर देता है और फिर उसे ब्राउन शुगर वाटर ला कर देता है और कहता है कि इसे पी लो, इससे तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस होगा। वहीं पर जियो भी उन्हें बाहर खड़े होकर देख रहा होता है और सैड होकर वहां से चले जाता है। काशी कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है, तो ली ही कहता है जब भी मेरी मॉम की तबीयत खराब होती है तो मेरे डैड मॉम को यही देते हैं। और फिर वो काशी से सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे तुम पर इस तरह से शाउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मुझे पता है कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन जिस लड़के को तुम डेट कर रही हो वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैंने आज सुबह ही देखा कि तुम्हारे जाते ही वो लड़का किसी और लड़के के साथ टाइम पास करने लग गया। काशी उसे बताने की कोशिश करती है कि वो लड़का असल में उसका भाई है, लेकिन ली ही उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी वहाँ पर काशी का भाई भागता हुआ आता है और कहता है काशी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। ये सब देखकर तो ली ही के होश ही उड़ जाते हैं। तभी काशी अपने भाई को ली ही से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि यही वो बैड बॉय है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। काशी का भाई बहुत ही हैरान होकर कहता है कि मैं बैड बॉय कैसे हो गया। सच जाने के बाद ली ही बहुत ही खुश होता है और कहता है कि तुम दोनों बहन भाई हो, जिस पर काशी कहती है कि हाँ ये मेरा छोटा भाई है। इसके बाद काशी उठकर अपने शूज पहनने लगती है, लेकिन तभी वो दोनों उसे शूज पहनाने लग जाते हैं। काशी उन्हें बहुत रोकती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक भी नहीं सुनते। इसके बाद ली ही और काशी क्लासरूम में जा रहे होते हैं और वो काशी से कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत ही हैंडसम है, जिस पर काशी उसे हैरान होकर कहती है कि अभी कुछ देर पहले तो तुम उसकी बुराइयां कर रहे थे। तो ली ही कहता है वो पहले की बात थी, अब तो और बात है ना। और फिर वो विंडो से काशी का क्यूक्यू कोड मांगता है। ये बात पूरी क्लास सुन लेती है और सभी उन दोनों को हैरान होकर देखने लग जाते हैं। तभी ली ही का एक फ्रेंड आता है और उसे एक्ट देते हुए कहता है कि तुम काशी की लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर नहीं कर रहे। ली ही वो एक्ट लेकर खा लेता है और कहता है अपना मुंह बंद रखो। तभी जियो काशी से कहता है कि बुक शॉप पर कुछ न्यू बुक्स आई हैं और वो हमारे सिलेबस में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, जिस पर काशी उसे हाँ कर देती है। ये सब देख कर ली ही बहुत ही हैरान होता है और कहता है कि जब मैंने उससे क्यूक्यू कोड मांगा तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब जियो ने उसे बुक शॉप पर जाने के लिए कहा तो वो मान गई। और इन सब चक्रों में एक ली ही के मुंह में फंस जाता है और वो खांसने लग जाता है। हमें ली ही और उसके दोस्तों को बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है। कुछ देर बाद ली ही और उसका दोस्त जाकर बेंच पर बैठ जाते हैं कि तभी एक लड़की आकर ली ही के दोस्त से कहती है कि तुम बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो, क्या मुझे तुम्हारा क्यूक्यू कोड मिल सकता है। ये सुनकर ली ही का दोस्त उसे अपना क्यूक्यू कोड स्कैन करके दे देता है, जो देखकर ली ही बहुत हैरान होता है और अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हारे लिए ये सब शेयर करना कितना आसान है। नेक्स्ट सीन में हम काशी और उसकी दोस्त को लाइब्रेरी में बैठे हुए देखते हैं। काशी की फ्रेंड उसे एक हॉरर बुक रेफर करती है और कहती है कि इसे रीड करो, ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो वहीं इस तरफ ली ही का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारे लिए ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, तुमने तो काशी से स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि अपना क्यूक्यू कोड दे दो और उसने तुम्हें मना भी कर दिया, जो कि बहुत ही शेमलेस बात है। तो ली ही अपने फ्रेंड से कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने ऐसा क्लासमेट होने की हैसियत से मांगा था। तो ली ही का फ्रेंड उसे कहता है कि पहले भी एक बार ऐसे हो चुका है जब सेकंड ईयर में तुम्हें एक लड़की ने पानी की बॉटल दी थी और तुमने उसकी इंसल्ट करते हुए उसे मना कर दिया था। तो ली ही का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें लड़कियों के मामले में थोड़ा कूल रहना चाहिए। ये सुनकर ली ही थोड़ा इरिटेट होता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ। इधर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि काशी अपने फ्रेंड को कहती है कि मुझे इस बुक को रीड नहीं करना। तो काशी की फ्रेंड कहती है अब तुम बुक क्यों रीड करोगी, तुम तो चैटिंग पर बिजी होगी ना।
ये सुनकर काशी अपने फ्रेंड से कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो ये सुनकर काशी की फ्रेंड उसे कहती है, तुमने अपनी क्यूक्यू आईडी लीही को दे दी है। ये सुनकर काशी उसे कहती है कि मैंने अपनी आईडी लीही को नहीं दी, और ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, जाओ जाकर लीही से पूछ लो। सीन शिफ्ट होता है और हम लीही को देखते हैं। लीही अपने फ्रेंड से कहता है कि उसने मुझे अपनी आईडी देने से मना क्यों कर दिया, मैंने तो उसे एज अ क्लासमेट होने की हैसियत से मांगा था। तो वहीं इस तरफ काशी की फ्रेंड से कहती है कि ये चैटिंग वगैरह छोड़ दो और बुक पढ़ो। तो काशी उससे कहती है, ये बकवास करना बंद करो, मैंने उसे अपनी आईडी नहीं दी है। तो वहीं इस तरफ लीही बहुत परेशान होता है, वो कहता है अगर काशी स्टडी में एक्सीलेंट है तो मैं स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट हूँ। कि तभी लीही के फ़ोन पर टीचर का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट के लिए लीही और काशी दोनों एक ही ग्रुप में हैं। लीही इस मैसेज को अपने फ्रेंड को दिखाता है जो कि लीही से कहता है कि मैं आपके लिए काशी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ और वैसे भी मैं इस काम में माहिर हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीही का फ्रेंड काशी की फ्रेंड के पास आकर बैठता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है, जो देखकर काशी की फ्रेंड कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम काशी की आईडी लेने के लिए आए हो। जिस सुनकर लीही का फ्रेंड कहता है, अरे वाह तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। फिर वो काशी की फ्रेंड से कहता है, चलो इन बातों को छोड़ो, आओ कैंटीन में जाके कुछ खाते हैं। और फिर जब वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू करते हैं तो लीही के फ्रेंड को पता चलता है कि काशी की फ्रेंड काशी से बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो काशी के फ्रेंड से पूछता है कि तुम्हारी और काशी की फ्रेंडशिप कैसे हुई थी। तो काशी की फ्रेंड उसे बताती है कि काशी मेरे बिल्कुल साथ वाली सीट पर बैठा करती थी, और काशी के पास अक्सर कभी बुक नहीं होती थी तो कभी पेंसिल नहीं होती थी, तो वो अक्सर मुझसे मांगा करती थी, जिसकी वजह से हम दोनों की क्लोज फ्रेंडशिप हो गई। लीही का फ्रेंड काशी के फ्रेंड से कहता है कि काशी तो बहुत ही ज़्यादा रूड है। जो सुनकर काशी की फ्रेंड कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ऊपर से रूड है लेकिन अंदर से बहुत ही स्वीट और क्यूट है। और ऐसे ही बातों में काशी की फ्रेंड काशी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लीही के फ्रेंड को दे देती है। जैसे काशी को लाइब्रेरी में जाना बहुत पसंद है, उसे बुक रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, वो स्टडी में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है लेकिन उसे स्पोर्ट्स खेलना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लीही का फ्रेंड कॉल के थ्रू लीही को सुना रहा होता है और बहुत ही खुश हो रहा होता है ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। काशी की फ्रेंड लीही के फ्रेंड से कहती है कि मैं काशी की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे हॉरर बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, जबकि काशी को हॉरर बुक्स रीड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर लीही का फ्रेंड कहता है, अरे वाह तुम्हें हॉरर बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, मेरे पास कुछ न्यू हॉरर मूवीज आई हैं जिनकी रेटिंग्स बहुत ही हाई है, हम दोनों चाहें तो एक साथ बैठकर देख सकते हैं। जो सुनकर काशी की फ्रेंड फौरन ही हाँ कर देती है। तो लीही का फ्रेंड काशी की फ्रेंड को बताता है कि मेरे जो बॉस हैं उन्हें भी हॉरर चीज़ों से बहुत डर लगता है। जो सुनकर काशी की फ्रेंड कहती है कि उन्हें देखकर तुम ये बिल्कुल नहीं लगता। लीही का फ्रेंड कहता है कि मेरे बॉस बहुत ही ज़्यादा डरपोक हैं और उन्हें हॉरर चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। सीन शिफ्ट होता है और लीही का फ्रेंड लीही को कॉल करता है। लीही अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या कह रहे थे। लीही का फ्रेंड लीही से कहता है, बॉस इन सब बातों को छोड़ें, और मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर दी है ना। जो सुनकर लीही कहता है कि अब मुझे समझ आई कि काशी ने मुझे अपनी आईडी देने से क्यों मना कर दिया, और वो जीहू के साथ लाइब्रेरी जाने के लिए क्यों रेडी हो गई, क्योंकि उसे बुक रीडिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम काशी उसके भाई को स्टडी करते हुए देखते हैं। काशी अपने भाई के फ़ोन पर आने वाली नोटिफिकेशन से बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और अपने भाई से कहती है कि नोटिफिकेशंस को बंद करो। जो सुनकर काशी का भाई उसे कहता है कि मेरी पूरी क्लास मेरे ग्रुप में ऐड है और मैं उनकी हेल्प करता हूँ, हर तरह सिंगल नहीं हूँ। काशी अपने भाई से कहती है, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। काशी अपनी मॉम को आवाज़ देती है और उन्हें कहती है कि इसने आज स्कूल से बंक किया था। जो सुनकर काशी का भाई कहता है, नहीं मॉम मैं तो पढ़ाई कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम लीही और उसके दोस्तों को उसी शॉप में देखते हैं जहां जीहू और काशी बुक्स लेने के लिए आने वाले थी। लीही उस बुक शॉप के ओनर को जाकर कुछ कहता है। कुछ ही देर बाद वहां काशी और जीहू आ जाते हैं। जीहू और काशी उस बुक ओनर से जाकर कहते हैं कि जो बुक हमने ऑर्डर की थी क्या वो आ गई है। उन दोनों की ये बात सुनकर बुक ओनर कहता है कि बुक अब तक मुझे रिसीव नहीं हुई है। तो तभी लीही वहां पर एक बुक लेकर आकर कहता है कि अरे वाह ये बुक तो बहुत ही कमाल की है, और वो बुक लाकर काशी को कहता है कि ये बुक मैंने पहले ही ऑर्डर कर ली थी और तुमने वैसे भी इसकी पेमेंट नहीं की थी। लीही काशी से कहता है कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसकी नेक्स्ट कॉपी 15 दिन के बाद आएगी। लीही की ये बात सुनकर जीहू काशी से कहता है कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, हम बुक ऑर्डर कर लेंगे, और ये कहकर वो किसी को फ़ोन करता है, फ़ोन पर किसी से बात करता है और कहता है, काशी तुम परेशान मत हो, मैंने ओनर से बात कर ली है और हमें ये बुक जल्द रिसीव हो जाएगी। उसके बाद जीहू लीही से कहता है कि तुम इस बुक को रीड कर सकते हो, इस बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे मार्क्स ले सकते हो। यही सब कुछ काशी भी उसे कहकर वहाँ से चले जाती है। इसके बाद बुकशॉप का ओनर लीही के पास आकर कहता है कि क्या मैं आप बुक्स बेच सकता हूँ। तो लीही उसे कहता है, बिल्कुल भी नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हम काशी और जीहू को देखते हैं। काशी जीहू का शुक्रिया अदा करती है उन बुक्स के लिए। जीहू काशी से कहता है कि तुम्हारे बाल बड़े हो गए हैं और तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। और फिर जीहू काशी से कहता है कि इन बालों को काटना मत, और काशी जीहू से कहती है, ठीक है मैं नहीं काटूंगी।
और तभी काइशी को टीचर का मैसेज आता है कि ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। काइशी जैसे ही टीचर के पास जाती है तो टीचर उसे बताती हैं कि जब से साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस मर्ज हुए हैं, हमारे हेड हम पर नज़र रख रहे हैं और वो यहाँ पर आकर रिजल्ट्स देखना चाहते हैं कि नॉर्थ और साउथ कैंपस के स्टूडेंट्स कैसे रह रहे हैं और उनकी स्टडी किस तरह से हो रही है। फिर टीचर काइशी से कहती हैं कि मैंने केमिस्ट्री के प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप्स बनाए हैं। काइशी जैसे ही ग्रुप में अपना और लीही का नाम देखती है तो वो टीचर से कहती है, नहीं नहीं टीचर, मुझे लीही के साथ ग्रुप में नहीं होना। टीचर काइशी से कहती है कि वो स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट है और तुम स्टडी में एक्सीलेंट हो, इसीलिए मैंने तुम्हें और लीही को एक ही ग्रुप में रखा है। काइशी अपने टीचर को मनाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी टीचर बिल्कुल नहीं मानती और वो वहाँ से चले जाती है। काइशी ग्राउंड में जाने के बाद अपनी फ्रेंड से कहती है कि क्या तुम्हें केमिस्ट्री ग्रुप के बारे में कुछ पता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। काइशी अपने फ्रेंड को केमिस्ट्री ग्रुप के बारे में सब कुछ बताती है और उसे ये भी बताती है कि उसने टीचर को समझाने की बहुत कोशिश की पर टीचर नहीं मानी। काइशी की ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है, अगर तुम्हारी बात टीचर नहीं मान रही लेकिन अगर लीही टीचर से ये बात करेगा तो हो सकता है कि टीचर मान जाए। अपने फ्रेंड का ये आइडिया सुनकर काइशी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे अपने फ्रेंड का ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और फिर काइशी की फ्रेंड काइशी को बताती है कि आज मैं लीही के फ्रेंड से मिली थी और बातों ही बातों में वो मुझसे तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैंने उससे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक खास इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। और वो खास इन्फॉर्मेशन ये है कि लीही बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, उसे हॉरर चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम केमिस्ट्री लैब में लीही और काइशी को एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देखते हैं। तो तभी वहाँ पर जीहू आता है। लीही जीहू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो जीहू लीही से कहता है कि मैं यहाँ का हेड हूँ और मैं चेकिंग के लिए आया हूँ। तभी टीचर जीहू से एक क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं जिसका आंसर जीहू बहुत ही अच्छे तरीके से देता है। ये सुनकर लीही कहता है कि इसमें क्या है, इस सवाल का आंसर तो मैं भी दे सकता हूँ। तो काइशी लीही से एक क्वेश्चन पूछती है और उसका आंसर देने के लिए कहती है। लीही अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका आंसर नहीं दे पाता। तो काइशी लीही से कहती है कि तुम मेरे ग्रुप से निकल जाओ। लीही काइशी से कहता है कि तुमने मुझे समझ कर रखा है, मैं तुम्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करके ही दिखाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। तभी क्लास टीचर काइशी को अपने पास बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि स्टोर रूम से जाकर कुछ सामान ले आओ। काइशी अपनी फ्रेंड को इशारा करती है और वो बाहर जाकर लीही से कहती है कि मुझे स्टोर रूम से कुछ चीज़ें लेकर आनी है, तुम भी मेरे साथ चलो। पहले तो लीही ये सुनकर हैरान होता है लेकिन फिर वो काइशी के साथ चले जाता है। लेकिन जैसे ही लीही और काइशी स्टोर रूम में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है। अंधेरे को देखकर लीही बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि तभी लीही के ऊपर एक मकड़ी गिर जाती है जिसको देखकर लीही बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और खुद के साथ साथ काइशी को भी बचाने लग पड़ता है। कि तभी काइशी की फ्रेंड भूत बनकर वहाँ पर आ जाती है और लीही उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। कि तभी वहाँ पर असली मकड़ी आ जाती है और उसको देखकर काइशी की फ्रेंड भी डर जाती है। लीही काइशी की फ्रेंड को देखकर कहता है कि ये क्या बदतमीजी है। लीही काइशी से कहता है कि ये तुम दोनों का प्लान था ना। काइशी कहती है कि हाँ ये हम दोनों का प्लान था लेकिन मुझे ये करना पड़ा क्योंकि तुम स्टडी में बहुत ही बुरे हो और मैं नहीं चाह रही कि तुम्हारी वजह से मेरी भी स्टडी पर इफेक्ट हो। इस सुनकर लीही को बहुत गुस्सा आता है और वो काइशी से कहता है कि तुमने मुझे समझ कर रखा है, मैं स्पोर्ट्स ग्रुप का हेड हूँ और अब देखना मैं तुम्हें प्रूव करके रहूंगा कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है। लीही की ये बात सुनकर काइशी अपनी फ्रेंड से कहती है, चलो अब देखते हैं कि ये आगे क्या करता है। नेक्स्ट सीन में हम लीही और काइशी को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ लीही काइशी को उस इक्वेशन को याद करके सुना देता है जिसे सुनने के बाद काइशी एकदम शॉक हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होती है। और तभी लीही को अपनी QQID देकर कहती है कि तुम मुझे ऐड कर लो। ये देखकर लीही बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, उसके फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर लीही काइशी को ऐड कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ काइशी को घर जाते वक्त लीही का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। इसे देखकर काइशी की फ्रेंड काइशी से कहती है कि तुमने तो अपनी आईडी देने से मना किया था तो फिर आज क्यों उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही हो। तो काइशी अपने फ्रेंड से कहती है क्योंकि हम दोनों एक ही ग्रुप में हैं इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी होगी और अगर वो स्टडी नहीं करेगा तो मेरे मार्क्स भी तो कम हो सकते हैं, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। सीन शिफ्ट होता है और हम लीही को अपने बिस्तर पर देखते हैं। लीही काइशी को मैसेज करने के लिए टाइप करता है लेकिन उस मैसेज को रिमूव कर देता है। कि तभी उसे काइशी का मैसेज आता है जिसमें हाय लिखा होता है। इस मैसेज को देखने के बाद लीही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे भी रिप्लाई करते हुए हाय कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम काइशी को देखते हैं जो अपने बचपन के फ्रेंड की पिक्चर को देख रही होती है और सोच रही होती है कि उसका फ्रेंड कैसा दिखता होगा, कहाँ होगा और किस कंडीशन में होगा। और वहीं हम लीही को खाना खाते हुए देखते हैं जो कि बहुत ही जल्दी जल्दी में खाना खा रहा होता है। लीही के पेरेंट्स लीही से जल्दी जल्दी खाना खाने की वजह पूछते हैं तो लीही अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे स्टडी करनी है। कि तभी लीही को काइशी का मैसेज आता है जिसमें एक बुक की पिक्चर होती है और वो लीही से कहती है कि इस बुक को जरूर रीड करना, इस बुक को रीड करने से तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस मैसेज को देखने के बाद लीही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। हम लीही को उसके पेरेंट्स के साथ डिनर करते हुए देखते हैं कि उसकी मॉम लीही से पूछती हैं कि तुम्हें किसका मैसेज आया था और तुम उतने नर्वस क्यों लग रहे हो। अपनी मॉम की ये बात सुनकर लीही कहता है कि मैं नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसकी मॉम लीही से कहती हैं तो फिर तुम इतनी जल्दबाजी में अपने रूम में क्या करने गए थे।
लीही अपनी मॉम से कहता है, मुझे मेरी क्लास मॉनिटर ने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स सेंड किए थे और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे मिस हो जाएं। लीही की ये बात सुनकर उसके डैड कहते हैं, लगता है हमारे बेटे ने झूठ बोलना भी स्टार्ट कर दिया है। तो लीही अपने डैड से कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। लीही की मॉम उसे कहती है कि हम तुम्हें बचपन से जानते हैं, तुम उन बच्चों में से हो जो सिर्फ स्पोर्ट्स में आगे हो सकते हैं और स्टडी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। अपने मॉम डैड की ये बात सुनकर लीही बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, वो अपना खाना लेकर रूम में चले जाता है। तभी हम देखते हैं कि जी अपना गार्बेज फेंकने के लिए जा रहा होता है कि लीही के डैड भी वहां पर आ जाते हैं और आकर जीयू से उसका हालचाल पूछना शुरू कर देते हैं और जीयू से उसके मॉम डैड के बारे में पूछते हैं। जीयू कहता है कि वो अब तक घर नहीं आए हैं। उसकी ये बात सुनकर लीही के डैड कहते हैं, लॉयर की नौकरी बहुत ही मुश्किल होती है। फिर वो जीयू से कहते हैं, क्या तुमने खाना खाया। जीयू कहता है नहीं। तो वो जीयू से कहते हैं, आओ हमारे साथ आकर डिनर करो। लीही की मॉम जीयू को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे बैठने के लिए कहती है कि तभी लीही भी वहां पर आ जाता है और आकर जीयू से कहता है कि मेरे डैड जब भी कुछ डिलीशियस बनाते हैं तो तुम भी खाने के लिए आ जाते हो। उसकी ये बात सुनकर लीही की मॉम कहती है कि गेस्ट के साथ हमेशा एहतराम से बात किया करो। तो लीही कहता है, मॉम मैं तो मजाक कर रहा था। जीयू लीही के डैड के खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और कहता है ये खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और फिर लीहू और जीयू एक दूसरे को खाना सर्व करते हैं जो देखकर लीहू के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हो। और फिर लीहू के डैड जीयू की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जीयू तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेता है। और फिर वो लीहू से कहते हैं, अगर तुम्हें स्टडी के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम जीयू से पूछ लिया करो। उनकी ये बात सुनकर जीयू कहता है, अंकल मैं हमेशा इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो तभी लीहू जीयू को बुक की पिक्चर दिखाता है जो उसे मॉनिटर ने सेंड की होती है। उससे पूछता है कि ये बुक कहाँ से मिलेगी, मुझे इस बुक को बाय करना है। जीयू इस बुक को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये उसी बुक की पिक्चर होती है जो जीयू ने काशी को सेंड की थी। और जब उसे पता चलता है कि काशी ने ये बुक लीहू के लिए मांगी थी तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। लीहू की मॉम कहती है, बातें बाद में करना, पहले खाना खा लो। खाने की दो चार बाइट्स लगाने के बाद जीयू कहता है कि मेरा पेट भर गया और वो वहां से चले जाता है। ये देखकर लीही की मॉम कहती है कि इसे क्या हुआ है। तो लीही कहता है, लगता है उसे भूख नहीं होगी। जीयू अपने रूम में आने के बाद काशी के पुराने मैसेज देखने लग पड़ता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां जीयू अपनी मॉम के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। जीयू की मॉम को एक मैसेज आता है, वो अपने बेटे से कहती है कि मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। और जीयू की मॉम खाना वहीं छोड़ कर चले जाती हैं जो देखकर जीयू अपसेट हो जाता है। कि तभी हमें वहां पर काशी को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली और अपनी आंट से मिलने आती है। काशी की आंट से कहती है कि तुम इतना लेट कैसे हो गई। तो काशी कहती है कि ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा था, इसी वजह से मुझे आने में देरी हो गई। काशी की आंट उसकी फैमिली के सामने अपनी बेटी की तारीफ करना शुरू कर देती हैं और कहती हैं, काशी तुम बहुत ज्यादा प्रीटी हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह जब वो यंग हुआ करती थी। और बातों ही बातों में काशी की आंट उसके डैड की इंसल्ट करना शुरू कर देती है कि तुम्हारे डैड के पास ना ही कोई अच्छा घर था और ना ही कोई बैंक बैलेंस। अपनी आंट की ये बात सुनकर काशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो पोलाइटली कहती है कि एक बड़े से घर में अकेले रहने से अच्छा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ छोटे से घर में खुशी खुशी रह सकूं। और वैसे भी अगर मेरी मॉम चाहती तो वो आपकी तरह किसी रिश्ते सादे से शादी करके हमारे लाइफ को सेट कर सकती थी। ये बात सुनकर काशी की आंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ईगो दिखाती हुई वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में काशी और जीयू के स्कूल का फर्स्ट डे दिखाया जाता है जहां क्लास टीचर आकर सभी स्टूडेंट से कहती हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो सभी स्टूडेंट्स अपना सर नीचे कर लेते हैं। तो फिर टीचर क्लास के टॉपर्स का नाम लेती है जिसमें काशी और जीयू शामिल होते हैं और फिर दोनों स्टेज पर आकर पूरी क्लास के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। काशी जीयू की तरफ देखकर कहती है कि तुम क्लास में फर्स्ट हो और मैं सेकंड, लेकिन मैं फ्यूचर में पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें बीट कर पाऊं और मैं तुम्हारी ओपोनेंट हूं। काशी की ये बात सुनकर जीयू बहुत ज्यादा हैरान होता है और स्माइल करता है। नेक्स्ट डे हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां कॉलेज की हेड सर्वे के लिए आती है जिससे उसे पता चल पाए कि दोनों कैंपस को मर्ज करने के बाद क्या रिजल्ट आए हैं। कॉलेज का प्रिंसिपल और सभी टीचर्स कॉलेज के हेड का वेलकम करते हैं और पूरे स्कूल का टूर कराते हैं। कॉलेज का प्रिंसिपल हेड से कहता है कि दोनों कैंपस को मर्ज करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट शो हो रहे हैं, स्टडी के हवाले से भी और स्पोर्ट्स के हवाले से भी। दूसरी तरफ हम काशी और लीहू को केमिस्ट्री लैब में देखते हैं जो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। लीहू काशी से उस बुक के लिए थैंक्स कहता है और कहता है ये बुक तो किसी नॉवल की तरह है। काशी कहती है हाँ ये बुक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लीहू कहता है अगर मुझे ये बुक पहले मिल जाती तो मेरे हर बार की तरह 30 मार्क्स ना आते। काशी उसे कहती है कि तुम्हें जीयू को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि ये बुक मुझे जीयू ने सेंड की थी। जीयू ये बात सुनकर लीही से कहता है मुझे उम्मीद है ये बुक तुम्हें हेल्प करेगी और तुम्हारे 30 के बजाय 31 मार्क्स आएंगे। कॉलेज की हेड और प्रिंसिपल राउंड लगाते हुए केमिस्ट्री लैब की तरफ आते हैं तो टीचर सभी स्टूडेंट से बोलते हैं कि आप अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दें। काशी लीहू से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए कहती है, उसे कहती है कि तुम बस मेरी तरफ देखो और पूरा एक्सपेरिमेंट मैं करूंगी। लेकिन लीहू ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में एक गलत केमिकल को आग लगा देता है जिसकी वजह से पूरे डेस्क में आग लग जाती है और देखते ही देखते वो आग पूरे कमरे में फैल जाती है जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स घबराकर वहां से भागना शुरू कर देते हैं और पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो जाता है। टीचर सभी स्टूडेंट्स को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन सभी स्टूडेंट्स वहां से भागकर बाहर चले जाते हैं कि तभी कॉलेज की हेड की नजर केमिस्ट्री लैब पर पड़ जाती है
और वो लैब में लगी हुई आग को देखकर डर जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात से खुश भी होती है कि सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स भागकर ग्राउंड में आ जाते हैं, लेकिन काइशी वहीं बेहोश हो जाती है। जब लीही को काइशी कहीं भी नजर नहीं आती तो वो भागकर केमिस्ट्री लैब में जाता है और काइशी की जान बचा लेता है। तभी कॉलेज का प्रिंसिपल और कॉलेज के हेड डायरेक्टर सभी स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि किसी को चोट तो नहीं लगी, तो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं हम सब ठीक हैं। काइशी लीही के पैर पर चोट को देखती है और वो उसे लेकर क्लीनिक में चली जाती है। फिर काइशी लीही के पैर पर बैंडेज लगाती है। लीही काइशी से कहता है कि सभी स्टूडेंट्स भागकर बाहर जा रहे थे, पर तुम्हें क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गई। लीही की ये बात सुनकर काइशी खामोश हो जाती है। तो लीही कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो बेशक मत बताओ। तो वो कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मेरे साथ पास में एक इंसिडेंट हो चुका है जब मेरी एक फ्रेंड ने मेरी जान बचाई थी और आज तुम्हें मेरी जान बचाई है। काइशी लीहू से कहती है कि मैं आज से पहले तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा समझती थी, लेकिन आज तुम्हें सबकी हेल्प करता देख मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो लीहू काइशी से कहता है मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा समझता था, लेकिन मैं गलत था, तुम बहुत अच्छी हो। ये कहकर दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं कि तभी वहां पर जीयू आ जाता है। काइशी और लीहू उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, तो जीयू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस बैंडेज लेने के लिए आया हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज की हेड आज के इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और प्रिंसिपल और टीचर्स से कहती है कि आपको बच्चों की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सभी टीचर्स क्लास में आकर बच्चों का हालचाल पूछते हैं कि तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। प्रिंसिपल स्टेज पर खड़े होकर कुछ कहने लगते हैं कि तभी काइशी खड़े होकर कहती है आज जो भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। काइशी की ये बात सुनकर जीयू कहता है कि केमिस्ट्री लैब का इंचार्ज मैं था और आज के एक्सीडेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर लीहू भी खड़े हो जाता है और कहता है मेरी गलती की वजह से वहां पर आग लगी थी, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। प्रिंसिपल तीनों को चुप करवाता है और बैठने के लिए बोलता है और सभी स्टूडेंट से कहता है आज जो भी हुआ वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, वो तो शुक्र है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को सेफ्टी रूल्स बताता है और उन्हें कहता है कि आपको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और फिर प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स की तारीफ करता है कि आप सब में टीम वर्क देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, आप सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के लिए तालियां बजाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम काइशी और उसकी फ्रेंड को कैंटीन में देखते हैं। काइशी के पैर पे मोच आई होती है जिसकी वजह से उसके पैर में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है कि तभी जीयू वहां पर आ जाता है और वो काइशी को कहता है कि लाओ दिखाओ तुम्हें क्या हुआ है, मैं चेक करता हूँ। जब जीयू काइशी के पैर को देख रहा होता है तो लीहू ये सब कुछ देख लेता है और वो थोड़ा सा जेलस फील करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काइशी अपने भाई का वेट कर रही होती है कि तभी लीहू वहां पर आकर काइशी को कुछ मेडिसिन देकर चला जाता है और तभी वहां काइशी का भाई आ जाता है। काइशी अपने भाई की इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं पता मेरे पैर पे चोट लगी हुई है। वो अपने भाई से कहती है कि इस बारे में मॉम को बिल्कुल मत बताना। उसका भाई कहता है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे। काइशी अपने भाई को थप्पड़ मारते हुए कहती है अब तुम मुझसे पैसे लोगे। घर जाने के बाद काइशी का भाई मॉम को आवाज देता है। उसकी मॉम जब काइशी के पैर में मोच देखती है तो वो कहती है कि ये क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ नहीं बस छोटी मोटी मोच है। और फिर जब काइशी का भाई लीहू के दिए हुए गिफ्ट को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक स्कर्ट है जिसके ऊपर एक फ्लावर बना हुआ है, जिसको देखकर काइशी का भाई और काइशी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ मेडिसिन और एक वीआईपी कार्ड होता है। ये वीआईपी कार्ड एक बुक शॉप का होता है जहां से काइशी बुक्स बाय किया करती है और इस कार्ड की मदद से उसे डिस्काउंट मिला करेगा। इधर हम देखते हैं कि काइशी का भाई उसे कहता है या तो फिर लीहू पागल है या फिर वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, अगर वो तुमसे प्यार करता है तुम भी उसे शादी कर लो। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और अपने भाई से कहती है तुम शादी कर लो उससे। तो उसका भाई कहता है कि मैं ऐसे शादी कैसे कर सकता हूँ। और तभी काइशी की मॉम स्प्रे लेकर आती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, तो वो कहती है नहीं दर्द नहीं हो रहा। जैसे ही वो स्प्रे लगाती है तो उसका भाई कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, वो कहती है हाँ थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। नेक्स्ट डे हम काइशी और उसकी फ्रेंड को एक शॉप में देखते हैं जहाँ काइशी लीहू के लिए कुछ गिफ्ट खरीद रही होती है। तो काइशी की फ्रेंड उसे कहती है मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गई हो, पहले तुम बहुत ज्यादा रूड हुआ करती थी लेकिन अब तुम बहुत ज्यादा स्माइल करती हो। काइशी अपनी फ्रेंड से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी फ्रेंड उसके हाथ में वो वीआईपी कार्ड देखती है और कहती है ये कार्ड तुम्हें लीहू ने दिया है। ये बात सुनकर वो स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम लीहू को क्लासरूम में देखते हैं जो केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है और वो उससे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहे थे। तभी काइशी आकर कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तो लीहू उसे कहता है कि नहीं मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। तो जैसे ही काइशी आगे आकर बैठती है तो लीहू उसके पास जाकर कहता है कि तुम मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो, प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। और फिर काइशी लीहू की हेल्प करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। काइशी लीही के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है और लीही काइशी को देखता ही रहता है, तो काइशी लीही को डांटते हुए कहती है कि मुझे घूरना बंद करो और आंसर्स पर ध्यान दो। सीन शिफ्ट होता है और हम काइशी की फ्रेंड हुआंग को देखते हैं जिसके पास लीही का फ्रेंड आकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं हॉरर मूवी देख रही हूँ। तो लीही का फ्रेंड कहता है कि मैंने भी इस मूवी को देखा है, ये बहुत ही कमाल की मूवी है। लीही का फ्रेंड हुआंग से कहता है कि हम दोनों क्लास फेलो हैं, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकती हो। उसकी ये बात सुनकर हुआंग बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है और उसे कहती है कि आज तक मुझसे ये बात किसी ने नहीं की। तो लीही का फ्रेंड कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगा।
और अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। इधर हम काइशी को देखते हैं जो अपने भाई से कहती है कि तुम किधर जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ, मैं घर जाकर तुमसे मिलूंगा। कि तभी वहाँ पर काइशी की फ्रेंड जुई आ जाती है जो उसे आकर कहती है कि मुझे तुम्हारा VIP कार्ड चाहिए क्योंकि मुझे कुछ बुक्स को बाय करना है और तुम्हारे कार्ड पर 10% डिस्काउंट है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। पहले तो काइशी बहुत ज़्यादा सोचती है लेकिन फिर उसके फोर्स करने पर उसे ये कार्ड दे देती है और उसे कहती है कि इसे यूज़ करने के बाद मुझे वापस कर देना। नेक्स्ट डे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीही अपने फ्रेंड से कुछ खाने के लिए मांगता है, उसका फ्रेंड उसे एक बिस्किट देता है। तभी टीचर लीही से कहती है कि खड़े होकर इस पैराग्राफ को रीड करो। लीही की प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसना शुरू कर देते हैं और फिर टीचर जीयू से कहती हैं कि तुम इस पैराग्राफ को रीड करो और जीयू उस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करता है और फिर लीयू कहता है कि इस पैराग्राफ को रीड करना इतना भी मुश्किल नहीं था। तो क्लास जैसे ही खत्म होती है काइशी अपने फ्रेंड से पूछती है कि मेरा VIP कार्ड कहाँ है। उसकी फ्रेंड कहती है कि वो कार्ड मेरे बैग में है लेकिन जैसे ही अपने बैग को चेक करती है तो वो कार्ड उसमें नहीं होता। काइशी उससे पूछती है तो उसे याद आता है कि उसने वो कार्ड बैग के अंदर रखा था और उसने वो बैग गार्बेज में फेंक दिया है। ये सुनकर काइशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भागकर गार्बेज के पास जाती है ताकि उस कार्ड को ढूंढ सके। इधर जीयू काइशी को ढूंढता हुआ उसी लड़की के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने काइशी को देखा है, तो वो कहती है कि वो किसी चीज़ को ढूंढ रही थी और वो शायद गार्बेज के पास गई है। उसकी ये बात सुनकर जीयू भी गार्बेज के पास जाता है जहाँ काइशी उस कार्ड को ढूंढ रही होती है जो लीही ने उसे दिया था। और फिर काइशी जीयू से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो उस कार्ड को ढूंढने में। जीयू काइशी से कहता है कि वो कार्ड इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काइशी कहती है कि वो कार्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कार्ड मुझे लीही ने दिया था। कि तभी वहाँ पर लीही आ जाता है जो जीयू और काइशी को एक साथ देख लेता है और बहुत ज़्यादा जेलस होता है और वो काइशी से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो काइशी उसे कहती है कि जो कार्ड तुमने मुझे दिया था मैं वो ढूंढ रही हूँ। लीही काइशी से कहता है कि तुमने मेरे कार्ड को घुमा दिया है, तो काइशी उसे रिप्लाई देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे कार्ड को नहीं घुमाया, मैंने अपनी फ्रेंड को दिया था क्योंकि उसे बुक्स बाय करनी थी। लीही काइशी से कहता है कि तुम मेरा कार्ड किसी को ऐसे कैसे दे सकती हो और उससे पूछता है कि जीयू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो काइशी लीही से कहती है कि ये मेरी हेल्प कर रहा है। लीही काइशी से कहता है कि तुम्हें मेरा कार्ड किसी को भी ऐसे नहीं देना चाहिए था। तो काइशी लीही से कहती है कि लेक्चर देना बंद करो और कार्ड ढूंढने में मेरी हेल्प करो। लीही इरिटेट होकर कहता है कि तुम्हें जीयू की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा और तुम चलो मेरे साथ यहाँ से, और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसको ले जाता है। और जीयू जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो उससे वही बैग नजर आ जाता है जिसके अंदर लीहू का कार्ड होता है और वो उस कार्ड को अपने पास रख लेता है। और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो काइशी की फ्रेंड उसके पास आकर कहती है कि ये कार्ड इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था। तो जीयू काइशी की फ्रेंड से कहता है कि जरूरी नहीं कि जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो दूसरों के लिए भी इंपॉर्टेंट ना हो। और फिर उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है अगर किसी से कोई चीज़ लेती हो तो उसको संभाल कर भी रखा करो, और फिर वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि लीही ने काइशी के हाथ को जोर से पकड़ा होता है तो काइशी भी उसके सर के बालों को नोचती है। तो लीही काइशी से कहता है तुम लड़कियां दूसरों के बालों को क्यों नोचती रहती हो। तो काइशी से कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने आगे से मेरा हाथ ऐसे पकड़ा तो मैं तुम्हारे सारे बाल नोच दूंगी। तो लीही भी काइशी को वार्न करते हुए कहता है कि अगर तुमने आगे से मेरी चीजें ऐसे किसी को भी दी तो मैं तुम्हारे साथ फिर से ऐसे ही करूंगा। तो काइशी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि उसकी दोस्त ने उससे ये कार्ड मांगा था और उसने उससे बुक्स लेने के लिए दे दिया था, और फिर उसको बताती है कि वो कार्ड ढूंढने के लिए गार्बेज के पास आई थी और जीयू वहां से गुजर रहा था तो मैंने उसे अपनी हेल्प के लिए बोल दिया। तो लीही काइशी से कहता है कि बस यही सच है। तो काइशी कहती है कि हाँ यही सच है। कि तभी काइशी वहाँ से जाने लगती है तो लीही काइशी से कहता है कि रहने दो मैं इस तरह का एक और नया कार्ड तुम्हें ले दूंगा। तो काइशी कहती है कि मैं कार्ड लेने के लिए नहीं बल्कि घर जा रही हूँ, अब क्या मैं घर भी नहीं जा सकती। तो लीही काइशी से कहता है कि रुको मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो काइशी लीही से कहती है कि नहीं मैं खुद चले जाऊंगी। लीही काइशी से कहता है कि अंधेरा होने वाला है ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन काइशी कहती है कि तुम मेरा पीछा मत करो मैं खुद ही चले जाऊंगी, लेकिन लीही फिर भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जीयू को देखते हैं जो जैसे ही घर आता है तो उसके डैड उससे लेट आने की वजह पूछते हैं। तो वो अपने डैड से कहता है कि मैं कुछ बुक्स बाय कर रहा था जहाँ मुझे टाइम लग गया। जीयू की मॉम उसे कहती है कि एटलीस्ट तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, हम तुम्हारे बारे में परेशान हो रहे थे। जीयू अपनी मॉम से कहता है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगा। जीयू के डैड उसे कहते हैं कि सिर्फ ध्यान नहीं रखना होगा, तुम्हें इस पर अमल भी करना होगा। कि तभी जीयू की मॉम कहती है कि पहले उसे खाना खा लेने दें। नेक्स्ट डे हम काइशी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे पता है कि कल जो कुछ भी हुआ था वो तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर किसी से कोई चीज लेती हो तो उसका ध्यान रखा करो। काइशी की बात सुनकर उसकी फ्रेंड उससे सॉरी कहती है और वहां से चली जाती है। कि तभी जीयू आकर काइशी का कार्ड उसे देता है जिसे देखकर काइशी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जीयू से पूछती है कि ये कार्ड तुम्हें कहां से मिला। जीयू से कहता है कि ये एक सीक्रेट है। काइशी जीयू का थैंक्स करती है तो जीयू काइशी से कहता है कि सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। तो काइशी अपने बैग से एक जूस निकाल कर उसे देती है और कहती है कि इस वक्त मेरे पास सिर्फ यही है। और फिर जीयू उसके सर पर अपनी फिंगर से हिट करता है जो लीही देख लेता है, और जैसे ही लीही अपनी सीट पर आकर बैठता है
तो वो काशी के सर पे फिर से हिट करता है और उससे पूछता है कि जियो तुमसे क्या कह रहा था। तो काशी लीही को बताती है कि वो मुझे मेरा कार्ड वापस कर रहा था। लीही काशी से कहता है तो क्या वो तुम्हें सिर्फ कार्ड दे रहा था। काशी लीही से कहती है कि हाँ, और इसी बात पर उन दोनों की फाइट होना शुरू हो जाती है। काशी अपनी चेयर को आगे करती है तो वही लीही उसकी चेयर को खींच कर पीछे कर लेता है और उनकी ये फाइट चलती रहती है कि तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं जो सभी स्टूडेंट्स को खड़े होने के लिए बोलते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि कल केमिस्ट्री लैब में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप सबको पनिशमेंट दे रहा हूँ। सभी स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स केमिस्ट्री लैब्स के सारे रूल्स लिखेंगे और सभी एकेडमिक स्टूडेंट्स इस बार स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे, जो सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये अनाउंसमेंट करके प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं और फिर उनकी क्लास टीचर उनसे कहती है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक एक्सरसाइज है और आप सभी स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और वैसे भी इस रेस को जीतना हमारी क्लास की इज्जत का सवाल है। कि तभी लीही का फ्रेंड खड़े होकर कहता है कि हमारे पास लीही जैसा चैंपियन है, हम इस रेस को जरूर जीतेंगे। तो लीही अपने फ्रेंड से बैठने के लिए बोलता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि शो ऑफ ना किया करो। टीचर कहती है कि सभी स्टूडेंट्स इस रेस के अंदर पार्टिसिपेट करें और अपना 100% दें। सीन शिफ्ट होता है और हम लीही और उसके दोस्तों को कैंटीन में बैठे हुए देखते हैं जहां लीही अपनी प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए ABCD याद कर रहा होता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि ये तो बहुत ही ईजी है, मुझे सारी याद हो गई है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं, चीफ ये जूनियर स्टूडेंट्स के लिए बुक है और आप सीनियर हैं। तो लीही कहता है तो फिर क्या हो गया, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना। कि तभी वहां पर ही आ जाता है जो कि लीही का कॉम्पिटिटर है जो उसके साथ हर रेस में कॉम्पिटिशन करता है और वो लीही से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस बार का कॉम्पिटिशन तुम जीत पाओगे क्योंकि तुम एक पढ़ाकू बच्चे बन गए हो जो ABCD याद कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर लीही अपने फ्रेंड से कहता है कि लास्ट ईयर का चैंपियन कौन था। तो उसका फ्रेंड कहता है कि चीफ आप ही चैंपियन हैं और फिर ये बात लीही अपने कॉम्पिटेटर को बताता है, उसे कहता है कि यहाँ का चैंपियन सिर्फ मैं ही हूँ। उसका कॉम्पिटेटर ही उसे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, इस बार अगर तुमने रेस में मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें डैड कहूंगा और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तुम मेरे कैंटीन का एक हफ्ते का बिल दोगे। ही उसे कहता है अगर तुम हार गए तो तुम साथ ही साथ टर्टल का ड्रेस भी पहनोगे, जो सुनकर लीही मान जाता है क्योंकि उससे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि इस रेस को मैं ही जीतूंगा। ही के वहां से जाने के बाद लीही के फ्रेंड उसे कहते हैं कि आपको पता है ना कि इस बार एकेडमिक स्टूडेंट्स भी हमारे साथ रेस में हिस्सा लेंगे जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा वीक हैं। अपने फ्रेंड की ये बात सुनकर लीही उसे कहता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं पार्टिसिपेट करने से पहले ही हार मान लूं। लीही कहता है मैंने प्रॉमिस कर दिया है, चाहे जो भी हो जाए मैं इस प्रॉमिस को पूरा करके रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम ग्राउंड का सीन देखते हैं जहां कोच सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। कोच सभी स्टूडेंट्स से कहता है कि आप में से 4 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे जिसमें से 2 गर्ल्स होंगी और 2 बॉयज होंगे, 2 स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स कैटेगरी से होंगे और 2 स्टूडेंट्स एकेडमिक सेशन से होंगे। उसके बाद कोच उन सबको स्ट्रेचिंग करने के लिए कहता है। लीही काशी से कहता है कि तुम मेरी स्ट्रेचिंग करो, तो काशी उसे कहती है कि मुझे स्ट्रेचिंग नहीं करनी आती। तो लीही उसे कहता है कि यह बहुत ही सिंपल है, मैं वहां जाकर बैठूंगा तो मेरी बैक की स्ट्रेचिंग करना। काशी जैसे ही जाने लगती है तो जियू काशी से कहता है कि तुम रहने दो मैं इसकी स्ट्रेचिंग करता हूं। और फिर जैसे ही लीही स्ट्रेचिंग के लिए कहता है तो फिर जियू बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी स्ट्रेचिंग करता है। इसके बाद कोच सभी स्टूडेंट्स की रेस की ट्रेनिंग करवाता है और ट्रेनिंग के बाद 4 स्टूडेंट्स को फाइनलाइज करता है। साथ ही साथ हम लीही को भी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि लीहू बहुत ही अच्छा एथलीट है। उसके बाद हम लीहू और काशी को बेंच पर बैठा हुआ देखते हैं। काशी लीहू से कहती है कि तुम इतनी अच्छी रनिंग कैसे कर लेते हो। तो लीहू से कहता है कि जिस तरह तुम अच्छी रीडिंग कर लेती हो उसी तरह मैं अच्छी रनिंग कर लेता हूँ, वैसे भी ये मेरा प्रोफेशन है। और फिर काशी लीही से कहती है तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में कभी नहीं सोचा। लीही कहता है कि नहीं मैंने कभी नहीं सोचा। और फिर लीही काशी से कहता है कि तुम मेरे बारे में इतनी परवाह क्यों कर रही हो, जो सुनकर काशी हंस पड़ती है और लीही से कहता है कि तुम फिक्र मत करो मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोचूंगा। इधर हम कोच को देखते हैं जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 4 स्टूडेंट्स को फाइनलाइज करता है जिसमें 2 स्टूडेंट्स गर्ल्स और 2 स्टूडेंट्स बॉयज होते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट्स रेस के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं कि तभी लीही की टीम की एक मेंबर सबको धोखा देकर वहां से गायब हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं क्योंकि रेस स्टार्ट होने में कुछ ही टाइम रह जाता है और तभी लीही को पता चलता है कि उसकी एक टीम मेंबर यहां पर मौजूद नहीं है, जो देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी काशी कहती है कि मैं उसकी जगह रेस में हिस्सा लूंगी। लीही उसे मना करता है क्योंकि काशी का पैर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। काशी लीही से कहती है कि टाइम बहुत कम रह गया है और हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि उस लड़की की जगह मैं रेस में हिस्सा लूं। लीही इस बारे में बहुत सोचता है लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो काशी को हाँ बोल देता है। और फिर जियू काशी से कहता है कि तुम्हें बहुत ही ध्यान से भागना होगा, ये लड़की क्लास 1 की बेस्ट रनर है और तुम्हें इसके साथ कंपटीशन करना है। और फिर फायर की आवाज सुनते ही रेस को स्टार्ट कर दिया जाता है। लीही की टीम रेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है लेकिन जैसे ही काशी की बारी आती है
तो वो कंप्लीट करने से पहले गिर जाती है। उसे देखकर ली ही अपनी रेस को छोड़ देता है और उसकी हेल्प करने लग पड़ता है। कि तभी कैशी उसे कहती है कि तुम्हें अपनी रेस को कंप्लीट करना चाहिए और फिर ली ही अपनी जी जान लगाता है लेकिन सिर्फ 2 सेकंड से इस रेस को हार जाता है, जो देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा अपसेट होते हैं। इवन के ली ही भी बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। हम कैशी और उसकी फ्रेंड हुआंग को देखते हैं जो क्लिनिक जाते हैं। वहां कैशी अपनी क्लासमेट जी को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसे कहती है अगर तुम रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी तो एटलीस्ट हमें बता ही देती, हम तुम्हारी वजह से इस रेस को हार गए। कैशी की ये बात सुनकर जी उससे सॉरी कहती है। तो कैशी उसे कहती है कि मुझे सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पूरी क्लास के सामने सॉरी कहना होगा। और फिर जी क्लास में आकर सभी स्टूडेंट से माफी मांगती है कि तभी ली ही उसे कहता है कि तुम्हें एटलीस्ट हमें बताना चाहिए था, आफ्टर ऑल हम सब क्लासमेट्स हैं और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर जी रोना शुरू कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैशी अपनी क्लास के ग्रुप में चैटिंग कर रही होती है कि तभी एक स्टूडेंट कैशी और ली ही की पिक्चर को शेयर करता है। और जब कैशी उस पिक्चर को देखती है तो एक स्टूडेंट कमेंट करता है कि ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। तो कैशी उस स्टूडेंट से स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है कि मुझे इस पिक्चर से कट ऑफ कर दो। और इधर इस मैसेज को जीयू भी देख लेता है जो देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। और जब ली ही इस मैसेज को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने बेड पर डांस करना शुरू कर देता है। और फिर ली ही भी इस पिक्चर को देखकर कहता है कि हम दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं और स्माइल करता है। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स भाग रहे होते हैं। तो कैशी अपनी फ्रेंड से पूछती है कि ये सब स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं। तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है मुझे नहीं पता, लगता है कि वहाँ ली ही कुछ कर रहा है। तो कैशी कहती है कि चलो आओ हम भी देखते हैं। कि तभी हम ली ही को टर्टल का ड्रेस पहने हुए देखते हैं और सभी स्टूडेंट्स ली ही की पिक्चर्स ले रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ली ही ने ये ड्रेस इसलिए पहना होता है क्योंकि उसने अपने कॉम्पिटिटर के साथ शर्ट लगाई होती है और वो उस शर्ट को हार जाता है। सभी स्टूडेंट्स के सामने आने से पहले ली ही मिरर में देखकर अपने आप से कहता है कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत टर्टल हूं। और जब ली बाहर आता है तो सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं और ही ली ही से कहता है कि एक अच्छा सा पोज मुझे तुम्हारी पिक्चर्स लेनी है। और फिर ही ली ही से कहता है कि तुम्हारे दोस्त नजर नहीं आ रहे, वैसे तो वो हर वक्त तुम्हारे साथ होते हैं लेकिन इस वक्त वो तुम्हारे साथ नहीं है, लगता है वो भाग गए हैं। कि तभी हम ली ही के फ्रेंड्स को आते हुए देखते हैं और ली ही के फ्रेंड्स आकर कहते हैं चीफ आप हमें बताए बगैर यहाँ आ गए, एटलीस्ट आपको हमें बताना चाहिए था, आप हमें छोड़कर कैसे आ सकते हैं और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम आपको कहीं भी अकेला छोड़ देंगे। और फिर ली ही उसके फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट पोजेस देकर सभी स्टूडेंट्स को एंटरटेन करते हैं। कि तभी वहां पर कोच आ जाते हैं जो सभी स्टूडेंट्स को डांटते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहां पर फोटोग्राफी करने के लिए आए हैं या फिर स्टडी करने के लिए। और फिर ली ही अपने कोच से सॉरी कहता है। कोच ली ही से कहते हैं कि जाओ और जाकर अपना यूनिफॉर्म चेंज करो और सभी स्टूडेंट्स की इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि आप सब अपनी क्लासेस में जाएं। जब ली ही अपने क्लॉथ चेंज कर रहा होता है तो वो अपने फ्रेंड से कहता है मुझे तुम सब पर प्राउड है, तुम सब ने मेरी हमेशा हेल्प की है। ली ही के फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और हर काम में आपकी हेल्प करेंगे। अपने फ्रेंड्स की ये बात सुनकर ली ही उन सबको गले से लगा लेता है कि तभी वहां पर कैशी की फ्रेंड हुआंग आती है जो कहती है कि जल्दी से मेरे साथ चलो। और जब ली ही भागता हुआ कैंटीन में आता है तो वो देखता है कि उसकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स वहां पर खड़े हैं जिनके हाथों में खाने की ट्रे है और वो सभी ली ही से कहते हैं बेशक हम ये मैच हार गए लेकिन हमें पता है कि तुम बहुत ही अच्छे प्लेयर हो और तुम्हारी वजह से ही हमारी क्लास का प्राउड है। और फिर सभी स्टूडेंट्स ली ही से कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, बेशक तुम मैच हार गए लेकिन हम क्लासमेट्स हैं और हर मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के साथ हैं। और फिर सभी स्टूडेंट्स एक एक कर ही के सामने जाते हैं और उसके टेबल पर उस ट्रे को रखते हैं जिसे देखकर ही को बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। और फिर हम कोच को देखते हैं जो ली ही उसके फ्रेंड्स को पनिशमेंट दे रहे होते हैं क्योंकि उन सब ने डिसिप्लिन को तोड़ा होता है। इधर हम देखते हैं कि काशी की फ्रेंड हुआंग उससे कहती है कि तुम्हारी और ली ही की पिक्चर के बारे में सभी स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं और सिर्फ क्लास के ग्रुप में नहीं बल्कि स्कूल के ग्रुप में भी सिर्फ तुम दोनों के बारे में ही बात हो रही है। कि तभी वहां पर ली ही आ जाता है, उसे देखकर काशी टर्टल वाले ड्रेस में उसे इमेजिन करती है और कहीं खो जाती है। ली ही उसे देखकर हाथ हिलाता है लेकिन कैशी सिर्फ हंसती ही रहती है। और फिर हुआंग उसे होश में लाती है और फिर कैशी ली ही से कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। ली ही उससे कहता है क्या तुम घर जा रही हो, तो वो कहती है हाँ। ली ही कहता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर ली ही कैशी को डिनर करवाने के लिए लेकर जाता है जहाँ जाकर कैशी सिर्फ ली ही को देखती ही रहती है
और हर बार स्माइल करती रहती है। ली ही काशी से कहता है कि तुम बार बार स्माइल क्यों कर रही हो, तो काशी कहती है मैं तो स्माइल नहीं कर रही। तो ली ही कहता है तुम झूठ मत बोलो, तुम मुझे बार बार घूर रही हो और स्माइल कर रही हो। उसकी ये बात सुनकर काशी हंस पड़ती है। काशी ली ही का थैंक्स करती है, उससे कहती है कि तुमने अपनी रेस को छोड़ दिया मेरी हेल्प करने के लिए, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तो ली ही उससे कहता है कि मेरे लिए रेस से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। तो काशी उससे कहती है बातें करना बंद करो और खाना ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लगी है। नेक्स्ट डे हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम हो रहा होता है। एग्जाम खत्म होने के बाद काशी ली ही और उसके फ्रेंड को उन दोनों की मार्कशीट देती है। मार्कशीट को देख कर काशी ली ही से कहती है मुझे तुम्हारे मार्क्स बताते हुए बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है, और वहाँ से चली जाती है। अपने मार्क्स देखता है तो उसे पता चलता है कि वो फेल हो गया है, और जब वो अपने फ्रेंड से उसके मार्क्स पूछता है तो वो कहता है मेरे भी इतने हैं, लेकिन जब वो चेक करता है तो उसके फ्रेंड के 92 मार्क्स होते हैं, जो देख कर ली ही बहुत हैरान होता है। और वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि तुम्हारे इतने मार्क्स कैसे आ गए, तो उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने सिर्फ बेसिक्स पर ध्यान दिया था और मैंने बहुत ही इजीली इस पेपर को सॉल्व कर लिया। उसकी ये बात सुनकर ली ही बहुत अपसेट होता है और जाकर बैठ जाता है, तो उसका फ्रेंड बोलता है चीफ क्या हुआ, आप थोड़े अपसेट लग रहे हो। तो ली ही उसे कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि मैं इस एग्जाम में पास हूं और अपने पेरेंट्स को खुश करूं। तो उसका फ्रेंड कहता है आप मेरी मार्कशीट ले जाएं और उन्हें दिखाएं, वो खुश हो जाएंगे। और जब ली ही घर जाकर अपनी मॉम को रिजल्ट दिखाता है तो उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और अपने हस्बैंड से कहती हैं कि हमारे बेटे ने टॉप किया है, उसके 92 मार्क्स आए हैं। लेकिन फिर ली ही कहता है कि ये मेरी मार्कशीट नहीं है बल्कि मेरे फ्रेंड शॉन की है। और जब उसकी मॉम उसकी मार्कशीट देखती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा मायूस होती हैं और वो कहती हैं कि एटलीस्ट तुम्हें पास तो होना ही चाहिए था। ली ही अपनी मॉम से कहता है कि मैं एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट हूँ और स्टडी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर ली ही के डैड कहते हैं अगर हमारा दूसरा बेटा होता तो हो सकता है कि वो क्लास का टॉपर होता। उनकी ये बात सुनकर ली ही बहुत ही ज्यादा मायूस होता है और वहां से उठकर अपने रूम में चला जाता है। ली ही जैसे ही रूम में जाता है तो उसे उसके फ्रेंड का मैसेज आता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एग्जाम में पास हूँ और अपने फादर को प्राउड फील करवाऊँ। ली ही की ये बात सुनकर उसके फ्रेंड के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि एग्जाम जाने में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है, स्टडी करके तो ली ही कभी भी पास नहीं हो सकता, हमें कोई जुगाड़ लगाना होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ली ही और उसके फ्रेंड्स एग्जाम में चीटिंग करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कौन कहाँ बैठेगा, और अगर उस दिन केमिस्ट्री वाले टीचर की ड्यूटी हुई तो हम कैसे चीटिंग करेंगे, और अगर मैथ वाले सर की ड्यूटी हुई तो हम फिर किस तरह चीटिंग कर सकते हैं। कि तभी वहाँ काशी आकर कहती है कि अगर प्रिंसिपल सर की ड्यूटी हुई तो फिर तुम लोग क्या करोगे, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और जब वो काशी की तरफ देखते हैं तो काशी ली ही का हाथ पकड़ कर उसे बाहर ले आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास जितनी भी पर्चियां हैं मुझे निकाल कर दे दो। तो ली ही सिर्फ उसे 2-3 पर्चियां निकाल कर देता है। काशी उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि बाकी सारी पर्चियां भी निकालो, तो ली ही बाकी सारी पर्चियां भी निकाल कर उसे दे देता है। ली ही काशी से कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है, मैं हर बार फेल हो जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एग्जाम को पास करूँ और अपने फादर को प्राउड फील करवाऊँ। तो काशी उससे कहती है क्या तुम सच में पास होना चाहते हो, तो ली ही उससे कहता है हाँ। काशी से कहती है तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इधर हम काशी उसकी फ्रेंड को लाइब्रेरी में देखते हैं। काशी की फ्रेंड उससे पूछती है क्या बात है तुम थोड़ी अपसेट लग रही हो, तो काशी उसे कहती है कि मुझे ली ही की हेल्प करनी होगी, वो इस बार एग्जाम में पास होना चाहता है और अपने फादर को प्राउड फील करवाना चाहता है। काशी की फ्रेंड उससे कहती है कि एग्जाम जाने में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है और इतने शॉर्ट टाइम में ली ही कभी भी तैयारी नहीं कर पाएगा। कि तभी वहां पर जीयू आ जाता है जो काशी से कहता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। काशी उससे कहती है कि ही इस बार एग्जाम में पास होना चाहता है और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जी उससे कहता है कि मैं भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इधर हम ली ही को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं कि तभी उसका कॉम्पिटिटर उसे कहता है कि साथ वाले कैंपस में एक नेशनल लेवल का कोच आया है और आज शाम को हम सब उसकी ट्रेनिंग देखने जा रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर ली ही कहता है कि लगता है कोई न्यू कोच आया है जो कि बहुत ही ज्यादा वेल ट्रेन्ड है। और उसके फ्रेंड्स कहते हैं चीफ हमने भी उस कोच के बारे में सुना है। और फिर हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहां काशी ली ही को मैसेज करती है कि आज इवनिंग क्लासेस हैं और तुम टाइम पर आ जाना। ली ही उसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि मुझे कुछ काम है मैं टाइम पर आ जाऊंगा, और वो वहां से चला जाता है। कि तभी हम ली ही उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो साथ वाले कैंपस में उस कोच की ट्रेनिंग देखने के लिए आए होते हैं। इधर हम देखते हैं कि काशी ली ही का वेट कर रही होती है, तो वहीं हम ली ही उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो इंटरनेशनल कोच की ट्रेनिंग देखकर हैरान हो जाते हैं। और वो इंटरनेशनल कोच की ट्रेनिंग देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत ही टॉप क्लास ट्रेनिंग करवा रहा है। और फिर ली ही अपने दोस्तों से कहता है कि हम यहां पर कुछ ही टाइम स्पेंड करेंगे
और फिर अपनी इवनिंग क्लास लेने के लिए चले जाएंगे कि तभी वहाँ पर कोच आ जाते हैं और कोच लीही और उसके दोस्तों को देखकर कहते हैं कि क्या तुम लोग भी ट्रेनिंग देखने के लिए आए हो। तो लीही और उसके दोस्त कहते हैं यस कोच, और फिर कोच उनसे कहता है कि चलो साइड पर हो जाओ, मुझे भी ट्रेनिंग देखने दो। इधर हम देखते हैं कि काशी लीही का बहुत देर से वेट कर रही होती है, लेकिन लीही अब तक नहीं आया होता और काशी को लीही पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर लीही उसके फ्रेंड्स और कोच इंटरनेशनल कोच की ट्रेनिंग को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं और उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। और फिर लीही अपने फ्रेंड से कहता है कि टाइम क्या हुआ है, तो उसका फ्रेंड कहता है चीफ अब तक तो इवनिंग क्लास खत्म हो गई होगी। और जब ये बात कोच सुनते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग क्लास बंक कर कर आए हो, जाओ और जाकर अपनी क्लास को अटेंड करो। और फिर वो उन चारों को वहां से भगा देते हैं। लीही भागता हुआ क्लास में एंटर होता है और वो काशी से कहता है कि मैं आ गया हूं। लेकिन काशी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उससे कहती है कि मैं क्या करूं। लीही काशी से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों लग रही हो। काशी लीही की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपना फेस दूसरी साइड पर कर लेती है। लीही काशी को देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं और जैसे ही काशी वहां से जाने लगती है तो लीही पीछे से उसके बैग को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही। काशी को लीही पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है और उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर वहां से चली जाती है। काशी की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो, तो वो उससे कहती है कि मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। और फिर हम लीही को देखते हैं जो जियो से जाकर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि काशी मुझसे गुस्सा क्यों है। तो जियो उससे कहता है कि इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद से पूछना चाहिए और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और फिर हम लीही को देखते हैं जो काशी को मैसेज करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसको मैसेज करने लगता है तो वो अपने मैसेज को इरेज कर देता है। इधर काशी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होकर बैठी होती है कि तभी उसका भाई आकर उससे पूछता है क्या बात है, तुम बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब लग रही हो। तो काशी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। उसका भाई कहता है लगता है तुम्हारी लीही से लड़ाई हुई है। लीही का नाम सुनकर काशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसका भाई कहता है मेरा शक बिल्कुल सही है, तुम लीही से फाइट करके आई हो। और फिर काशी अपने भाई से कहती है कि नेक्स्ट वीक हमारे एग्जाम्स हैं, लीही ने मुझसे कहा था कि वो इस बार एग्जाम्स में पास होना चाहता है और इसी सिलसिले में मैंने और जियो ने उससे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करनी थी, मैंने उससे मैसेज किया था कि इवनिंग क्लास में टाइम पर आ जाना, लेकिन उसने वो क्लास बंक कर दी और वो बहुत ही लेट आया, इसलिए मुझे लीही पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। नेक्स्ट डे हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां लीही काशी का वेट कर रहा होता है और जैसे ही काशी वहां पर आती है तो लीही उसे कहता है कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। उसकी इस बात का काशी कोई भी जवाब नहीं देती और फिर लीही काशी से कल के लिए सॉरी बोलता है कि वो टाइम पर नहीं आ सका था। काशी उससे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम बहुत ही लेट आए, तुम्हारे लिए पढ़ाई से ज्यादा मैच जरूरी है। तो लीही उससे कहता है कि मैं मैच खेलने के लिए नहीं गया था और ना ही इंजॉयमेंट करने के लिए, बल्कि मैं साथ वाले कैंपस में इंटरनेशनल कोच की ट्रेनिंग देखने के लिए गया था। लीही की ये बात सुनकर काशी उससे कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो लीही उससे कहता है तुमने मेरी बात सुनी ही कब थी। और फिर काशी उसकी स्टडी में हेल्प करती है। सीन शिफ्ट होता है और हम काशी और जियो को पी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए देखते हैं जिससे वो एग्जाम्स को आसानी से क्लियर कर सकें। क्लास खत्म होने के बाद लीही काशी से कहता है कि मेरी आज की परफॉर्मेंस तुम्हें कैसी लगी। तो काशी उससे कहती है पहले से बहुत बेहतर थी और मुझे उम्मीद है अगर तुम ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहोगे तो तुम पास जरूर हो जाओगे। और फिर लीही काशी से कहता है कि क्या आज शाम को हम दोनों डिनर पर जा सकते हैं। और फिर काशी उससे कहती है कि मैं आज रात को जियो के साथ लाइब्रेरी जा रही हूं, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने हैं। लीही उससे कहता है इट्स ऑलराइट, हम नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियो और काशी एक दूसरे के साथ स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लीही अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। इधर काशी जियो को एक क्वेश्चन सॉल्व करके देती है, उससे पूछती है क्या ये सही है। तो जियो उससे कहता है कि ये 100% राइट है। और फिर जियो काशी से पूछता है कि तुम लीही की हेल्प क्यों कर रही हो, तो वो उसे कहती है कि वो इस बार टेस्ट में पास होना चाहता है, वो अपने फादर को प्राउड फील करवाना चाहता है और वैसे भी लीही ने हमारी बहुत हेल्प की है, इसलिए मैं उसका एहसान उतारना चाहती हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ लीही अपने फ्रेंड से कहता है कि काशी मेरे साथ नहीं बल्कि जियो के साथ गई है। तो लीही का फ्रेंड उससे कहता है चीफ अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूं जिससे काशी आपके प्यार में पागल हो जाएगी। तो लीही उससे कहता है बताओ वो कौन सी टिप्स हैं। लीही का फ्रेंड शुआन उससे कहता है कि आप काशी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दें जिससे काशी आपको बहुत ही ज्यादा
क्लासेस देना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट डे जब कायशी क्लास में आती है तो वो लीही से पूछती है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, तो लीही उससे कहता है नहीं, जो देख कर कायशी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। इधर हम लीही के फ्रेंड को देखते हैं जो एग्जाम के ऑनलाइन आंसर फाइंड कर रहा होता है। तभी उसका दूसरा फ्रेंड उससे कहता है कि तुम कोई इशू मत क्रिएट कर देना, वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि लीही सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में प्रैक्टिस करवा रहा होता है, उन सबसे स्ट्रेचिंग करने के लिए बोलता है और वो कायशी से कहता है कि जरा ध्यान से स्ट्रेचिंग करो। लीही की ये बात सुनकर जी उससे कहता है कि वो स्ट्रेचिंग कर तो रही है, तुम उससे ऐसे बात क्यों कर रहे हो, तो लीही उससे कहता है कि तुम सामने आकर स्ट्रेचिंग सबको करके दिखाओ, और फिर जी उस सबके सामने आकर स्ट्रेचिंग करता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम कायशी की फ्रेंड हुआंग को देखते हैं जो शुआंग से पूछती है कि तुम्हारे फ्रेंड लीही को आज क्या हो गया है, वो इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहा है, तो शुआन हुआंग को अपना सारा प्लान बता देता है। इधर हम लीही के फ्रेंड को देखते हैं जो उससे कहता है कि चीफ आप कायशी को जितना ज्यादा इग्नोर करेंगे वो आपके बारे में उतना ही ज्यादा सोचती रहेगी, और फिर जब सडनली आप उससे बात करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होगी। इधर हम देखते हैं कि कायशी की फ्रेंड हुआंग उसे सारा प्लान बता देती है कि लीही तुम्हारे साथ एक गेम खेल रहा है जिसमें वो तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रहा है जिससे तुम उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सको और हर वक्त उसके ही बारे में सोचती रहो। जब कायशी को इस बारे में पता चलता है तो वो उससे कहती है अगर लीही स्मार्ट है तो मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। और फिर प्लान के मुताबिक जब लीही कायशी से कहता है कि उसने अपने होमवर्क को सॉल्व कर लिया है तो कायशी उससे कहती है कि अपने होमवर्क को इस साइड पर रख दो और यहाँ से जाओ। लीही ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इधर हम जीयू को देखते हैं जो लीही से कहता है कि कल हमारा एग्जाम्स है और मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से तैयारी करोगे और एग्जाम्स में पास होगे। कि तभी लीही का फ्रेंड उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड कर लिया है। सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जाम दे रहे होते हैं और एग्जाम खत्म होने के बाद लीही और कायशी एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। कायशी लीही से कुछ क्वेश्चन पूछती है जिसका जवाब लीही बिल्कुल सही देता है और कायशी उससे कहती है मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार तुम पास जरूर हो जाओगे। ये सुनकर लीही बहुत ही खुश होता है। इधर हम लीही और उसके फ्रेंड्स को बहुत ही ज्यादा खुश देखते हैं क्योंकि उन सब का एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ होता है। कि तभी वहाँ पर ही आ जाता है जो उन सबसे कहता है कि लगता है तुम सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ है और होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल तुम सबने जीयू और कायशी से ट्यूशन जुली है। उसकी ये बात सुनकर लीही को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उससे कहता है कि हमारा मूड बहुत ही अच्छा है और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी लिमिट में रहो। और इधर कायशी और जीयू एक दूसरे के साथ एग्जाम के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी कायशी को लीही का मैसेज आता है और वो अर्जेंटली उसे मिलने के लिए बुलाता है। कायशी जीयू से एक्सक्यूज करके वहाँ से चले जाती है और फिर कायशी लीही से आकर पूछती है कि क्या बात है, तुमने इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया है। लीही कायशी से कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। इसके बाद हम इन दोनों को पार्क में देखते हैं जहाँ ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ जीयू कायशी का वेट कर रहा होता है। कायशी और लीही इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा फन करते हैं। और फिर कायशी लीही से कहती है कि मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और फिर कायशी लीही से कहती है कि मैं बचपन में अपने डैड के साथ यहाँ आया करती थी लेकिन उनकी डेथ के बाद मैंने यहाँ आना छोड़ दिया, जो सुनकर लीही थोड़ा सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे लीही और उसके फ्रेंड्स नोटिस बोर्ड पर अपने मार्क्स देखते हैं और रिजल्ट देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन चारों ने इस एग्जाम को पास कर लिया होता है। कि तभी एक स्टूडेंट आकर लीही से कहती है कि प्रिंसिपल सर ने तुम्हें बुलाया है, जो सुनकर लीही सोच में पड़ जाता है कि आखिर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। और फिर प्रिंसिपल उन सबसे कहते हैं कि मुझे तुम चारों का रिजल्ट देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और उनसे कहते हैं कि एग्जाम्स में चीटिंग कर पास होना बहुत ही इजी होता है, जो सुनकर लीही और उसके फ्रेंड एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और फिर प्रिंसिपल उन चारों की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम चारों को गिल्टी फील करना चाहिए, एग्जाम में चीटिंग करने के बजाय तुम चारों को मेहनत करनी चाहिए थी। लीही प्रिंसिपल से कहता है कि हमने एग्जाम में चीटिंग नहीं की, तो प्रिंसिपल सर उससे कहते हैं कि मेरे पास इसके बारे में प्रूफ है। तो प्रिंसिपल सर उससे कहते हैं कि ये ईमेल अकाउंट तुम चारों में से किसी का है, जिसे देखकर लीही उनसे कहता है कि ये ईमेल अकाउंट हमारा नहीं है बल्कि इस ईमेल अकाउंट से हमें एक स्क्रीनशॉट सेंड किया गया था और मेरे फ्रेंड ने मुझे वो स्क्रीनशॉट दिखाया था लेकिन मैंने फौरन उस स्क्रीनशॉट को डिलीट कर दिया था। कि तभी वहां पर कायशी और जीयू आ जाते हैं जो प्रिंसिपल सर से उनके सिग्नेचर लेने के लिए आए होते हैं। कि तभी प्रिंसिपल सर उनसे कहते हैं
कि तुम 2 सेकंड वेट करो, मुझे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने दो। और फिर प्रिंसिपल लीही से कहते हैं कि मैं तुम सब की बात का कैसे यकीन कर लूं कि तुम लोगों ने इस एग्जाम में चीटिंग नहीं की है, और उस ईमेल को देखे बगैर ही डिलीट कर दिया था। प्रिंसिपल सर की ये बात सुनकर काशी उनसे कहती है कि सर, मुझे और जियू को इन सब पर यकीन है, इन्होंने एग्जाम में चीटिंग बिल्कुल नहीं की होगी। और फिर लीही प्रिंसिपल सर से कहता है कि सर, सच तो यही है कि हमने एग्जाम में चीटिंग नहीं की है, लेकिन अगर आप हमारा यकीन नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल सर को लीही पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और फिर लीही के फ्रेंड्स भी प्रिंसिपल सर से यही कहते हैं कि हमने एग्जाम में चीटिंग नहीं की, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, और हमें बताया जाता है कि जब लीही का फ्रेंड उसे वो मैसेज दिखाता है तो लीही उस मैसेज को फौरन डिलीट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लीही और उसके फ्रेंड्स को जिम में देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अपसेट होकर बैठे होते हैं, कि तभी वहां पर उनके कोच आ जाते हैं, जो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूं। लीही उसके फ्रेंड अपने कोच से पूछते हैं कि क्या आपको हम पर यकीन है। उनके कोच उनसे कुछ कहते कि तभी उनकी क्लास टीचर आ जाती हैं, और वो कहती हैं कि मुझे तुम चारों पर पूरा भरोसा है, और मुझे पता है कि तुम चारों ने इस एग्जाम में चीटिंग नहीं की है और अपनी मेहनत से इस एग्जाम को पास किया है। ये सुनकर लीही और उसके फ्रेंड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हम बैड बॉय हान को देखते हैं, जो पूरी क्लास को एक पेपर दिखाता है, जो कि एक एविडेंस होता है कि लीही और उसके फ्रेंड ने चीटिंग की है, और पूरी क्लास के सामने उन चारों के बारे में बुरा भला कहने लग जाता है। कि तभी वहां पर लीही और उसके फ्रेंड्स आकर उससे कहते हैं कि तुम अपनी लिमिट में रहो, अगर किसी बारे में पता ना हो तो उस पर कमेंट मत किया करो। कि तभी वहां पर काशी आ जाती है, और लीही काशी को देख कर बहुत ही ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि लीही को लगता है कि ये एविडेंस काशी ने हान को दिया है, और वो वहां से चला जाता है। और उसके फ्रेंड्स भी काशी से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जब काशी अपने डेस्क को चेक करती है तो उसमें वो पेपर नहीं होता, जिसे देखकर काशी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। और तभी हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट उस एविडेंस को पूरे स्कूल के ग्रुप में शेयर कर देता है, और हर कोई स्टूडेंट उसी बारे में बात कर रहा होता है। लीही और उसके दोस्तों को पूरे स्कूल के सामने बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील करनी पड़ती है, और हम ही को देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। और फिर हम जियू को देखते हैं, जो बैड बॉय हान की इंसल्ट करता है, उससे कहता है कि तुमने ये एविडेंस किससे पूछ कर उठाया था। और इधर हम देखते हैं कि लीही के फ्रेंड उससे पूछते हैं कि चीफ, अब हम क्या करेंगे। तो लीही उनसे कहता है कि मैं इस बात को प्रूफ करके रहूंगा हमने एग्जाम्स में चीटिंग नहीं की। और इधर हम देखते हैं कि काशी जियू से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है लीही और उसके दोस्तों ने एग्जाम्स में चीटिंग की होगी। तो जियू से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने चीटिंग की होगी। तो काशी उससे कहती है कि हम दोनों को मिलकर उन सब की हेल्प करनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम लीही को उसके रूम में देखते हैं, कि तभी उसे काशी का मैसेज आता है, और वो उसका कोई रिप्लाई नहीं देता, जो देखकर काशी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। तो काशी का भाई उससे पूछता है कि तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो। तो उसको स्कूल का पूरा सीन एक्सप्लेन करती है, जिसे सुनकर काशी का भाई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि लीही ने एग्जाम्स में चीटिंग की होगी, वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। नेक्स्ट डे स्कूल जाने के बाद काशी लीही से कहती है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो लीही उससे कहता है कि मैं बहुत गुस्से में था। तो काशी से कहती है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो, मैंने उस बैड बॉय हान को वो एविडेंस नहीं दिया था, बल्कि उसने मुझसे पूछे बगैर मेरे डेस्क से उठा लिया था। और वैसे भी कोई तुम्हारा यकीन करे या ना करे, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है, जो सुनकर लीही बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और फिर हम काशी और जियू को इस केस के बारे में डिस्कशन करते हुए देखते हैं, और जियू काशी से कहता है कि हमें इस केस को डीपली स्टडी करना होगा, और इस बात का पता लगाना होगा कि अगर वो ईमेल काशी के फ्रेंड का नहीं है तो फिर ये ईमेल किसका है, और किसने ये स्क्रीनशॉट पूरे स्कूल के ग्रुप में सेंड किया है। और इधर हम देखते हैं कि मैथ के सर कंप्यूटर लैब में कुछ नोट्स बना रहे होते हैं, कि तभी उन्हें पता चलता है कि प्रिंसिपल सर उनको बुला रहे हैं, और तभी वहाँ काशी और जियू आ जाते हैं, जो सर से कहते हैं कि क्या हम आपका कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो सर उन्हें अपना कंप्यूटर यूज़ करने के लिए दे देते हैं,
लेकिन उनसे कहते हैं कि इस फोल्डर को मत ओपन करना, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं। और फिर जियो और कायशी कंप्यूटर पर कुछ सर्च करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो ये पता लगा सके कि वो स्क्रीनशॉट किसने सेंड किया था और वो लीही को बेगुनाह प्रूव कर सके। और वही दूसरी तरफ हम लीही और उसके दोस्तों को देखते हैं। लीही अपने फ्रेंड से कहता है कि मेरे पास अपनी बेगुनाही प्रूव करने के लिए एक प्लान है और हम चारों को अपने एग्जाम्स दोबारा देने होंगे। और हम देखते हैं कि जियो उस ईमेल को हैक कर लेता है और उसे पता चलता है कि उस स्क्रीनशॉट को किसी और ने नहीं बल्कि ही ने सेंड किया था, जो कि लीही से बहुत ही ज्यादा जेलस होता है और इसीलिए उसने ये सब किया था। जी और कायशी उन आंसर्स के प्रिंट निकालते हैं जो ही ने लीही के फ्रेंड को सेंड की होती है, और जब वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सभी आंसर्स बिल्कुल रॉन्ग हैं और इन आंसर्स को पढ़कर वो कभी भी पास नहीं हो सकते थे। और वो इन प्रिंट्स को प्रिंसिपल सर के डेस्क पर जाकर रख देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम ही को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट्स के सामने लीही और उसके दोस्तों की इंसल्ट कर रहा होता है और उनसे कहता है कि इन चारों ने एग्जाम्स में चीटिंग की है और उनके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देता है। लीही और उसके फ्रेंड्स को ही की ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इससे पहले कि वो ही से कुछ कहते कि तभी कायशी वहां आकर कहती है कि तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए और उससे कहती है कि तुम में और लीही में यही फर्क है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो जबकि लीही दूसरों की फिक्र करता है और हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। उसने तुमसे शर्ट हारने के बाद टर्टल का ड्रेस भी पहना था और अब वो अपने पेरेंट्स को हैप्पी देखने के लिए एग्जाम्स में मेहनत भी कर रहा है और अच्छे ग्रेड्स भी लाने की पूरी कोशिश कर रहा है जबकि तुम एग्जाम्स में हर बार फेल होते हो। और फिर ही की अच्छी खासी इंसल्ट करती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल और टीचर्स को देखते हैं। टीचर प्रिंसिपल सर से कहते हैं कि सर ये सभी आंसर्स रॉन्ग हैं और अगर लीही ने इन आंसर्स को कॉपी किया होता तो वो कभी भी एग्जाम्स में पास ना हो पाता। इससे ये प्रूफ होता है कि वो चारों इनोसेंट हैं और उन्होंने एग्जाम्स में चीटिंग नहीं की है। प्रिंसिपल सर ये देखकर कहते हैं कि इससे ये तो प्रूफ हो गया कि उन्होंने एग्जाम्स में चीटिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस ईमेल को ओपन तो किया था ना। तो उनके कोच सर से कहते हैं अगर आप चाहें तो उन्हें पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उन सबसे अपोलोजाइज करना चाहिए, जो सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं उनसे अपोलोजाइज नहीं करूंगा। और फिर कोच थोड़ा सा गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सर रेडियो रूम में बैठकर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि लीही और उसके दोस्तों ने एग्जाम्स में चीटिंग नहीं की है और वो इनोसेंट हैं और मैं ये अप्रूव करता हूँ कि लीही और उसके दोस्तों ने इस एग्जाम को पास कर लिया है। उनकी ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि तभी एक स्टूडेंट आकर ही से कहती है कि प्रिंसिपल सर ने तुम्हें बुलाया है और फिर जी उन सबसे कहता है कि ही ने ही वो स्क्रीनशॉट सेंड किया था। और इधर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सर ही की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर लीही आ जाता है। लीही प्रिंसिपल सर से कहता है कि मैं और मेरे फ्रेंड्स एग्जाम्स को दोबारा देना चाहते हैं, जो सुनकर ही उसे कहता है कि प्रिंसिपल सर ने तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को पास कर दिया है, फिर तुम शो ऑफ क्यों कर रहे हो। ही लीही से बहुत ज्यादा जेलस होता है, उससे कहता है कि सभी अच्छी चीजें तुम्हारे साथ ही क्यों होती हैं। लीही उससे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बुरा नहीं हूँ और मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कायशी और लीही को देखते हैं। लीही कायशी से थैंक्स कहता है उसकी हेल्प करने के लिए और फिर वो कायशी से कहता है कि तुम्हें और जियू को वो एविडेंस कहाँ से मिला जिससे मेरी इनोसेंस प्रूव हो सकी। तो वो कहती है कि मैंने और जियू ने सभी स्टूडेंट्स के ईमेल को हैक किया था जिससे हमें पता चला कि ही ने वो सारे ईमेल सेंड किए थे, वो स्क्रीनशॉट्स भी ही नहीं सेंड किए थे। सीन शिफ्ट होता है और हम लीही को जियो का डोर लॉक करते हुए देखते हैं। जियो लीही से कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो लीही से कहता है मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए थी और ये कहकर उसके रूम में चला जाता है और जाकर उसके बेड पर बैठ जाता है। जियो उसे देखने लग जाता है तो लीही उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मेरी पैंट बिल्कुल साफ है। लीही उससे कहता है कि मैं तुम्हें डिनर में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। जियो उससे कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। तो लीही कहता है कि मेरी मॉम सूप बनाया है और मुझे पता है कि तुम जरूर आओगे। और जब लीही वहां से जाने लगता है तो वो जियो के डेस्क पर एक बुक को देखता है। लीही को लगता है कि ये कोई एडल्ट बुक है और वो ये देखकर उससे कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी इस तरह की बुक्स रीड करते हो। लेकिन जब वो उस बुक को ओपन करता है तो वो कोई एडल्ट बुक नहीं बल्कि एक कोडिंग की बुक होती है। और फिर जियो कहता है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो लीही उससे कहता है वाओ तुम कोडिंग भी सीख रहे हो। तो जियो कहता है इसी की मदद से मैंने सभी स्टूडेंट्स के ईमेल को हैक किया था। और फिर लीही कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। और फिर हम देखते हैं कि कायशी लीही की पिक्चर्स को देख रही होती है, उसकी पिक्चर को लाइक करती है जो देख कर लीही बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे कहता है कि कल मेरा बास्केटबॉल का मैच है
तुम देखने के लिए जरूर आना। इससे पहले कि काशी उसे मना करती, लीही उससे कहता है कि अब कोई बहाना मत करना। और फिर नेक्स्ट डे हम लीही और उसके दोस्तों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं कि तभी वहां पर काशी आ जाती है और वो लीही से कहती है कि क्या तुम मुझे बास्केटबॉल खेलना सिखाओगे। तो लीही उससे कहता है कि मैं बास्केटबॉल का चैंपियन हूँ और फिर वो स्टेप बाय स्टेप काशी को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देता है और काशी और लीही इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर जब लीही और काशी घर वापस जा रहे होते हैं तो लीही उससे कहता है कि आओ कुछ ड्रिंक्स पीते हैं कि तभी वहां पर एक सेलिब्रिटी की कार आकर रुकती है जिसमें से एक हैंडसम सा सुपरस्टार निकलता है। काशी उसको देखकर कहती है कि शायद ये जिंक्शी है। लीही उससे पूछता है कि वो कौन है। तो काशी उससे बताती है कि मेरी फ्रेंड हुआंग अक्सर इसके बारे में बात करती है और वो इसकी बहुत ही बड़ी फैन है। ये एक बहुत ही अच्छा एक्टर है और अभी रिसेंटली अब्रॉड से आया है। बहुत सारी लड़कियां जिंक्शी की फैन होती हैं और उससे ऑटोग्राफ ले रही होती हैं और लीही और काशी ये सब देख रहे होते हैं। और फिर हम जिंक्शी का फोटोशूट देखते हैं जिधर जिंक्शी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पोजेस देकर पिक्चर्स खिंचवा रहा होता है। और फिर हम जिंक्शी को देखते हैं जो अपने मैनेजर बवन से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ अपनी बचपन की फ्रेंड को ढूंढने के लिए आया हूँ और ये भी कहता है कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो वहीं हम काशी को देखते हैं जो अपना होमवर्क कर रही होती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि काशी बचपन में अपने फ्रेंड के साथ अपनी बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रही होती है। उसका फ्रेंड उसे एक विसल गिफ्ट करता है जो देखकर काशी बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर आग लग जाती है जो देखकर काशी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर काशी अपने फ्रेंड की दी हुई विसल को देखने लग जाती है और कहती है कि आज मुझे अपने फ्रेंड की इतनी याद क्यों आ रही है। और उधर हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में सिर्फ जिंक्शी के बारे में ही बातें हो रही होती हैं और हर कोई स्टूडेंट सिर्फ उसके बारे में ही डिस्कस कर रहा होता है। और फिर हमें जिंक्शी की ग्रैंड एंट्री दिखाई जाती है जिसे देखकर सभी लड़कियां बिल्कुल पागल हो जाती हैं। ये देखकर लीही और जीयू बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहे होते हैं। जिंक्शी सभी स्टूडेंट से कहता है कि मुझे अपने इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको अपना नाम बता देता हूँ। और जब वो वहां से जा रहा होता है तो वो काशी को देखने लग जाता है। लीही उससे कहता है कि तुम्हारी सीट पीछे है। क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां जिंक्शी के पास आकर उसका ऑटोग्राफ मांगती हैं जो देखकर लीही और काशी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और जब काशी क्लासरूम से बाहर जाती है तो जिंक्शी उसके पास आकर उससे कुछ कहता है कि तभी वहां पर बहुत सारी लड़कियां जिंक्शी का ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रही होती हैं। जिंक्शी ये देखकर काशी का हाथ पकड़ लेता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। ये देखकर लीही और जीयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। काशी और जिंक्शी भागते हुए जाकर एक रूम में छुप जाते हैं। जिंक्शी काशी के मुंह पर हाथ रख देता है। काशी गुस्से से उसे देखती है, उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो और मुझसे क्या कहना चाहते हो। उसके सवाल का जवाब देने से पहले जिंक्शी उससे पूछता है क्या तुम्हें याद है कि बचपन में एक बार तुमने एक बुक को चॉकलेट से खराब कर दिया था। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और फिर हम काशी और जिंक्शी को देखते हैं जो बुक रीड कर रहे होते हैं कि काशी एक चॉकलेट से उस बुक को खराब कर देती है और जिंक्शी काशी का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाता है और फिर उसे चॉकलेट खाने के लिए देता है। तो काशी से कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो जो कि बहुत ही मोटा हुआ करता था और अब तुम जो कि एक फेमस आइडल हो। और फिर जिंक्शी अपने हाथ काशी को दिखाता है जिसमें विसल और कैंडी होती है जो देखकर काशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो जिंक्शी से कहती है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़े हो। और फिर वो दोनों अपने बचपन का फेमस डांस स्टेप करते हैं और फिर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। जिंक्शी से कहता है कि मुझे तो ये डर था कि कहीं तुम मुझे भूल ना गई हो। काशी से कहती है कि हो सकता है मैं तुम्हें भूल जाती क्योंकि तब तुम बहुत ही ज्यादा मोटे थे और अब तो तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम और टॉल हो गए हो और बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो। और इधर हम लीही को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और काशी का वेट कर रहा होता है। और जैसे ही काशी वहां पर आती है तो लीही उससे कहता है कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। काशी उससे कहती है कि मैं और जिंक्शी लाइब्रेरी में थे। लीही उससे पूछता है क्या तुम जिंक्शी को जानती हो, तो वो उससे कहती है हाँ वो मेरे बचपन का दोस्त है और हम बचपन में साथ ही खेला करते थे लेकिन फिर वो अब्रॉड चला गया और फिर मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। और फिर हम देखते हैं कि लीही का फ्रेंड उससे जिंक्शी की पिक्चर्स दिखाता है और उससे कहता है कि ये बहुत ही फेमस एक्टर है और सभी लड़कियां इसके पीछे पागल हैं। उसकी ये बात सुनकर लीही थोड़ा सा जेलस होता है और उससे कहता है कि वो लड़कियां सच में पागल होंगी इसलिए इसके पीछे पागल हैं। और फिर शुआंग कहता है कि मुझे तो अब तक इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि काशी और जिंक्शी बचपन के दोस्त हैं
और एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अटैच हैं। उसकी ये बात सुनकर ली ही थोड़ा सा अपसेट होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इधर हम हुआंग को देखते हैं जो जिंगशी का ऑटोग्राफ ले रही होती है और उससे कहती है कि मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। और जब छुआंग उसे देखता है तो उसे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसका हाथ पकड़ कर उसे बाहर ले आता है। और वो हुआंग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी लड़कियां जिंगशी को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हो। तो हुआंग उससे कहती है, मैं जिंगशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती बल्कि उससे प्यार करती हूँ। उसकी ये बात सुनकर छुआंग बहुत ही ज्यादा इरिटेट होता है और वो उससे कहता है कि अभी तुम उसे जानती ही कितना हो, अगर उसे हॉरर मूवीज बिल्कुल पसंद ना हुई तो फिर तुम क्या करोगी। तो हुआंग उससे कहती है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं हॉरर मूवीज देखना बिल्कुल छोड़ दूंगी। उसकी ये बात सुनकर छुआंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और वो वहां से चला जाता है। और फिर हम लीही को देखते हैं। जैसे ही छुआंग उसके पास आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम क्लासरूम में गए थे, बताओ वहां क्या हो रहा है। तो वो लीही से कहता है कि मैं जैसे ही क्लासरूम में गया तो मैंने देखा कि सभी लड़कियां जिंगशी का ऑटोग्राफ ले रही हैं और मैं ये देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ और मैं यहाँ आ गया। उन दोनों को परेशान देखकर उनका दूसरा दोस्त कहता है कि जरा इन मजनुओं को देखो। ली ही जो कि काइशी के प्यार में पागल है और छुआंग जो कि हुआंग के प्यार में पागल है, और वो उन दोनों का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाता है। तो वहीं हम काइशी और जियू को देखते हैं जो अपना होमवर्क कर रहे होते हैं। जियू काइशी से कहता है, क्या तुम जिंगशी को जानती हो? तो वो उससे कहती है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। जियू से कहता है कि तुमने कभी मुझे बताया नहीं। काइशी उससे बताती है कि हम बचपन में एक साथ खेला करते थे लेकिन फिर वो अब्रॉड चला गया और फिर मेरी उससे कभी बात नहीं हुई, और जिंगशी मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। और इधर हम ली ही और जियू को देखते हैं जो कैंटीन में कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए आए होते हैं कि तभी वहां पर बहुत सारे लड़कियां आकर जिंगशी का ऑटोग्राफ लेना शुरू कर देती हैं, जो देखकर जियू और ली ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर हम ली ही और उसके दोस्तों को कैंटीन में खाना खाते हुए देखते हैं कि तभी वहां पर जिंगशी और काइशी आ जाते हैं। जिंगशी की सभी फैंस उसका ऑटोग्राफ मांगती हैं। ऑटोग्राफ देने के बाद वो उन सबसे जाने के लिए कहता है और आकर काइशी के पास बैठ जाता है। ये देखकर ली ही को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिंगशी से बहुत ज्यादा जेलस होता है और अपना खाना वहीं पर छोड़ देता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। और फिर हम जियू और काइशी के भाई को देखते हैं। जियू उससे कहता है कि ये नोट्स मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ लेकिन उससे पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। और फिर काइशी का भाई जिंगशी और काइशी के बचपन के बारे में सब कुछ जियू को बता देता है, लेकिन जब वो नोट्स को खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल खाली हैं, उनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो देखकर काइशी का भाई कहता है कि ये तो मुझे फूल बना गया। और फिर हम जियू को देखते हैं जो लीही के पास आता है, उससे कहता है कि तुम्हें जिंगशी और काइशी की स्टोरी पता है? तो लीही से कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, जिंगशी काइशी के बचपन का दोस्त है। तो जियू से कहता है कि तुम्हें पता है कि बचपन में उनके साथ क्या हुआ था? इसे सुनकर लीही थोड़ा क्यूरियस होता है और उससे पूछता है कि मुझे भी बताओ, और वो उससे पूछता है कि मुझे भी जानना है, तुम ऐसा क्या जानते हो जो मैं नहीं जानता। और फिर जियू लीही को उस आग वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। लीही उससे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद जिंगशी अब्रॉड चला गया था और फिर काइशी की उससे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई हैं? तो जियू से कहता है कि मुझे ये सारी बातें काइशी के भाई ने बताई हैं। और फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स क्लास में स्टडी कर रहे होते हैं और काइशी की फ्रेंड हुआंग बस जिंगशी को देखती ही रहती है कि तभी वहां पर प्रिंसिपल आ जाते हैं जो उससे कहते हैं कि वो कितना हैंडसम है ना। उनकी ये बात सुनकर हुआंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो जिंगशी के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो लेकिन ये एक स्कूल है और तुम्हें स्कूल में स्कूल वाला यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, और उसकी थोड़ी बहुत इंसल्ट करते हैं। लीही भी प्रिंसिपल सर की हाँ में हाँ मिलाता है और जिंगशी की इंसल्ट होता देख बहुत ही ज्यादा खुश होता है। प्रिंसिपल सर जिंगशी से कहते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है बल्कि स्कूल है, और जिस तरह कल तुम मॉनिटर का हाथ पकड़कर पूरे कैंपस में भाग रहे थे तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और फिर वो काइशी के पास आकर कहते हैं कि तुम्हें भी इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो वहां से चले जाते हैं। उनके वहां से जाने के बाद काइशी गुस्से से लीही की तरफ देखती है और लीही अपना टॉपिक चेंज करते हुए अपने फ्रेंड से कहता है कि हमारा बास्केटबॉल का मैच कब है। और फिर हम देखते हैं कि लीही जियू से कहता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए नहीं तो जिंगशी हमसे आगे निकल जाएगा, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जियू से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। तो लीही से कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि काइशी अपना सारा टाइम जिंगशी के साथ स्पेंड करे। उसकी ये बात सुनकर जियू कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ
लेकिन तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। और फिर हम ली ही को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। काइशी और जिंगशी भी वहीं पर मौजूद होते हैं। ली ही जिंगशी से बास्केटबॉल खेलने के लिए कहता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से बास्केटबॉल में हरा देता है। और फिर हम जियू को देखते हैं जो जिंगशी को नोट्स देता है, उससे कहता है कि ये नोट्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। काइशी जिंगशू से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। जिंगशू से कहता है कि रुको मैं भी आ रहा हूँ। तभी जियू और ली ही उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स तुम्हें एक्सप्लेन करने हैं। फिर हम जियू और ली ही को देखते हैं। ली ही जियू से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत ही ज्यादा मजा आया। और उससे कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी प्लानिंग इतनी जबरदस्त होती है। और उससे कहता है कि अगर हम इसी तरह एक दूसरे का साथ देते रहे तो हम जिंगशी को काइशी से दूर कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम जिंगशू को देखते हैं जो काइशी के घर आकर उसे उसकी मॉम को सरप्राइज देता है। और फिर हम काइशी जिंगशी उसकी फैमिली को डिनर करते हुए देखते हैं। और फिर जियू काइशी के भाई को कॉल करता है, उससे कहता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। काइशी का भाई उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, तुमने लास्ट टाइम भी मुझे फूल बनाया था। तो जियू उसे नोट सेंड करता है जिसे देख कर काइशी का भाई बहुत खुश होता है। उससे कहता है कि पूछो जो भी पूछना है। जियू उससे कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इस टाइम कहाँ है। तो वो जियू से कहता है कि इस वक्त हमारे घर में एक स्पेशल गेस्ट आया हुआ है जो काइशी से बहुत ही ज्यादा क्लोज है। उसकी ये बात सुनकर ली ही और जियू एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और फिर काइशी का भाई उनसे कहता है कि इस वक्त जिंगशी हमारे घर में आया हुआ है। उसकी ये बात सुनकर ली ही और जियू बस एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। ली ही जियू से कहता है कि मैं इसकी बात पर कैसे यकीन कर लूं कि इस वक्त जिंगशी उसके घर में मौजूद है। तो काइशी का भाई एक सेल्फी लेकर उन दोनों को सेंड करता है। जियू ली ही को वो सेल्फी दिखाता है। उस पिक्चर को देखने के बाद ली ही बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। और फिर हम काइशी और जिंगशी को देखते हैं। जिंगशी काइशी से कहता है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। इस मंथ मेरी एक मूवी का ऑडिशन है जिसके लिए मुझे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है और तुम्हें तो पता है कि मेरी इंग्लिश कितनी बुरी है। काइशी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। नेक्स्ट डे काइशी ली ही और जियू से जिंगशी की हेल्प करने के लिए कहती है। ली ही उसे साफ साफ मना कर देता है लेकिन जियू उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लीही उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। काइशी लीही से कहती है कि जिंगशी की फिटनेस के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए जियू मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और वो दोनों मान जाते हैं। ली को देखते हैं जो ग्रुप में चैटिंग कर रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि कल स्कूल में एक फंक्शन है और कोई भी स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आएगा। फिर वो अपने फ्रेंड चुआन को मैसेज करता है। मैसेज देकर चुआन लीही से कहता है कि कल की ड्रेसिंग सेंस के लिए मैं आपको टिप देता हूँ। और वो उससे कहता है कि आप उसी कलर का ड्रेस पहनकर आएं जिस कलर का काइशी ने पहना होगा। और फिर ली ही काइशी के भाई को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर कल किस कलर का ड्रेस पहनकर आ रही है। काइशी का भाई ली से कहता है कि मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे दूंगा लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। ली काइशी के भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे एक हफ्ते का कैंटीन का बिल दूंगा। और वो ली से कहता है कि मेरी सिस्टर कल ग्रीन कलर की जैकेट और ब्लू कलर की जींस पहनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम जिंगशी को देखते हैं जो कि तैयार हो रहा होता है कि तभी डोर लॉक होता है और वो भागता हुआ नीचे आता है और आकर डोर खोलता है और वो देखता है कि काइशी सामने खड़ी होती है। तभी वो देखता है कि काइशी के साथ साथ लीही और जियू भी आए होते हैं। लीही काइशी से कहता है क्या तुमने नोटिस किया, तुम्हारे और मेरे क्लॉथ्स बिल्कुल सेम है, इसे कहते हैं किस्मत कनेक्शन। जिंगशी लीही से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें किसने इनवाइट किया है। तो काइशी उससे कहती है कि मैंने इन दोनों को तुम्हारी हेल्प के लिए बुलाया है। और फिर हम देखते हैं कि लीही और जियू जिंगशी को बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं, कभी उससे पूछे बगैर उसके एप्पल्स खाने लग जाते हैं तो कभी उसका पानी उठाकर पी लेते हैं, जो देखकर जिंगशी को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और वो काइशी से कहता है कि मुझे इन दोनों की हेल्प नहीं चाहिए। काइशी जिंगशी से कहती है कि मैंने इन्हें तुम्हारी हेल्प के लिए बुलाया है। उससे कहती है कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारा ऑडिशन है, चलो तो मुझे अपने ऑडिशंस की कुछ लाइन सुनाओ। लेकिन जिंगशी को उसकी एक भी लाइन याद नहीं होती। फिर जियू उसे सारी लाइन सुनाता है जो देखकर जिंगशी हैरान हो जाता है। जियू जिंगशी से कहता है कि मैं तुम्हारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करूंगा और ली ही तुम्हारी फिटनेस को इम्प्रूव करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट डे जब वो तीनों जिंगशी के घर आते हैं तो जिंगशी ने बहुत ही ज्यादा अजीब ड्रेस पहना होता है। ली ही उससे देखकर कहता है कि क्या तुम अपने घर में ऐसे ही रहते हो। तो जिंगशी एक डायलॉग बोलता है, उससे कहता है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। और फिर हम देखते हैं कि जियू और ली ही जिंगशी को प्रैक्टिस करवाते हैं। ली ही जिंगशी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उससे पुलअप्स लगवाता है।
जो कि जिंशी से बिल्कुल भी नहीं लगाए जाते। और फिर हम कायशी को देखते हैं जो जिंशी को उसकी लाइंस याद करवा रही होती है और साथ ही साथ उसकी एक्सरसाइज करवा रही होती है। और जैसे ही जीव वहां पर आता है तो उसे अपनी सारी लाइंस भूल जाती है। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जिंशी की इंग्लिश काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है, उसका स्टैमिना भी पहले से बहुत बेहतर हो गया है। लीही उससे कहता है कि वैसे तो तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो, लेकिन घर में तुम बहुत ही अजीब तरीके से रहते हो। इतनी सी बात पर वो एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं कि तभी वहां पर काशी आ जाती है, जो आकर जिंशी से कहती है कि तुमने अपना कैसा हुलिया बनाया हुआ है। काशी जिंशी से कहती है कि अपने ग्लासेस उतारो। लीही उससे कहता है उतारो। काशी उससे कहती है कि अपने सर से भी इसको उतारो। लीही उससे कहता है उतारो। काशी लीही को मारते हुए कहती है कि मेरी बातों को रिपीट करना बंद करो। तभी जिंशी को उसके मैनेजर बवन की कॉल आती है और वो कॉल पिक करने के लिए वहां से चला जाता है। और फिर हम इन तीनों को घर जाते हुए देखते हैं। काशी उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों का घर पीछे है, तो वो कहते हैं कि हमें तो याद ही नहीं रहा। काशी कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम दोनों को 10 बार बताया था। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें घर तक छोड़ आते हैं। काशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने घर खुद चले जाऊंगी, और वो ये कहकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिंशी के मैनेजर के पास उसकी एजेंट मिस हुआ आती हैं और उससे कहती हैं कि मैंने सुना है कि जिंशी अपनी ऑडिशन की क्लासेस नहीं ले रहा। जिंशी की एजेंट उसके मैनेजर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं। इधर हम देखते हैं कि काशी जिंशी को स्टडी करवा रही होती है कि तभी डोर लॉक होता है। जिंशी भागता हुआ डोर के पास जाता है और वो देखता है कि बाहर उसकी एजेंट मिस हुआ होती हैं। काशी उसे डोर ओपन करने के लिए कहती है, लेकिन जिंशी उसे मना कर देता है। उससे कहता है कि डोर ओपन मत करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। मिस हुआ वहां से चली जाती हैं। उनके वहां से जाने के बाद जिंशी थोड़ा सा रिलैक्स होता है, तभी डोर दोबारा फिर से लॉक होता है और वो डर जाता है। काशी डोर को ओपन करती है तो वो देखती है कि सामने लीही और जीव होते हैं। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहां ये चारों बैठकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं और जिंशी की इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। और फिर जिंशी काशी से कहता है कि कल हम दोनों मूवी देखने चलते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है। उसकी आवाज सुनकर जीव और लीही उससे कहते हैं कि कल हमारे एग्जाम का रिजल्ट है, इसलिए काशी उसे मना कर देती है। नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। लीही अपना रिजल्ट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जब वो देखता है कि उसने इंग्लिश में टॉप किया होता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर हम जिंशू को देखते हैं जो काशी के पास आकर उसे अपना रिजल्ट दिखाता है और वो कहता है कि मेरे 48 मार्क्स आए हैं। काशी उससे कहती है कि तुम्हारे ये मार्क्स बहुत अच्छे हैं। और फिर जिंशी काशी से कहता है कि आज शाम को मैंने तुम्हारे लिए डिनर रखा है, तुम जरूर आना। उसकी ये बात सुनकर जी उससे कहता है कि मैं जरूर आऊंगा और लीही भी कहता है कि मैं भी जरूर आऊंगा। काशी उन दोनों की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जीव और काशी एक दूसरे के साथ बैठकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिंशी और लीही गेम्स खेल रहे होते हैं। काशी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए पिज्जा खा रही होती है और जिंशी भी गेम खेलते हुए पिज्जा खा रहा होता है कि तभी काशी की तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे आकर लीही से कहती है कि इस पिज्जा को मत खाना, ये पिज्जा एक्सपायर है। और फिर हम देखते हैं कि जिंशी की भी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। और फिर हम काशी को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर लीही से कहते हैं कि काशी पहले से बेहतर है। काशी लीही से पूछती है कि जिंशी कैसा है, तो लीही उससे कहता है कि जी उसके पास है। और फिर हम जिंशी और उसकी एजेंट को देखते हैं। जिंशी उनसे कहता है कि पहले मैं बहुत ही अकेला होता था, लेकिन अब मुझे खुशी है कि मेरे पास 3 दोस्त हैं। और फिर काशी को जिंशी के मैनेजर की कॉल आती है, उससे कहता है कि मिस हुआ आप तीनों को बुला रही हैं। और वो तीनों जैसे ही जिंशी से मिलने के लिए जाते हैं, मिस हुआ उनसे कहती हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि जिंशी के पास तुम्हारे जैसे अच्छे दोस्त हैं। और फिर ये तीनों जिंशी से मिलने के लिए जाते हैं। और फिर काशी जिंशी से उसका हालचाल पूछती है, उससे कहती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। जिंशी से कहता है कि मैं पहले से बेहतर हूं। तभी वहां पर नर्स आ जाती है जो कहती है कि सर आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया है। उसकी बात सुनकर जिंशी काशी से कहता है कि मेरे इंजेक्शन का टाइम हो गया है। तो काशी कहती है ओ मैं यहाँ से जाती हूँ। और जब नर्स जिंशी को इंजेक्शन लगा रही होती है तो जीव और लीही उसे बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं। जिंशी उन दोनों से काशी की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है और वो उन दोनों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों काशी के क्लोज रहने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हो। तो जीव उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, पॉइंट पर आओ। तो जिंशी उन दोनों से सीधा सीधा कहता है कि मैं काशी को बहुत पसंद करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर जीव कहता है कि वो तो मैं भी करता हूँ। तो लीही उन दोनों से कहता है कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ। जिंशी कहता है कि मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। तो जीव कहता है कि मैं उसका क्लासमेट हूँ और हमेशा उसकी स्टडी में हेल्प करता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर लीही उनसे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तुझे हक भी किया है। उसकी ये बात सुनकर उन दोनों को बहुत ही गुस्सा आता है और वो लीही को मारना शुरू कर देते हैं। लीही उन दोनों से कहता है कि मेरा फाइट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है कि तभी वहां पर काशी आ जाती है और उसके आते ही वो तीनों बहुत से ज्यादा इनोसेंट बन जाते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछना शुरू कर देते हैं। काशी बस उन तीनों को देखती ही रहती है और फिर वो उनसे कहती है कि जिंशी को रेस्ट करने दो और फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं।
और फिर हम लीही और जियू को अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हुए देखते हैं। लीही जियू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोडिंग में बहुत ही अच्छे हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लॉयर क्यों बनाना चाहते हैं और तुम उनसे इस बारे में डिस्कस क्यों नहीं करते। जियू कहता है कि मेरे पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं कि मैं उनसे अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर सकूं, और कहता है कि तुम मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो लीही उससे कहता है कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, इसलिए मैं किसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। जियू उससे कहता है कि तुम स्टडीज में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि जियू की मॉम उससे घर लेट आने की वजह पूछती है, तो जियू उनसे कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। जियू की मॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें लॉयर बनाना चाहती हूँ और ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहती कि तुम लीही जैसे दोस्तों के साथ अपना टाइम जाया करो। और फिर जियू भी अपनी मॉम से बहुत ही रूडली बात करता है और उनसे कहता है कि ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। जियू अपनी मॉम की वजह से बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और अपनी एग्जाम शीट पर उनके साइन खुद ही कर देता है। नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ टीचर सभी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एक फॉर्म देती है और उनसे कहती है कि ये फॉर्म आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर हम देखते हैं कि काइशी और हुआंग अपनी फ्यूचर यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर रही होती हैं। और फिर चुआन लीही से कहता है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। लीही उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता, तो चुआन उससे कहता है कि तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इसलिए तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ना मत। उसकी ये बात सुनकर लीही उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और फिर हम जियू को देखते हैं जो उस एप्लीकेशन फॉर्म को देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होता है। और इधर हम देखते हैं कि जिंगशी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है, वो अपने घर जा रहा है। जिंगशी जैसे ही घर पहुंचता है तो ये तीनों उससे मिलने आते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं। काशी जिंगशी को वो एप्लीकेशन फॉर्म देती है और जियू उससे कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए नोट्स लेकर आया हूं जो तुम्हें स्टडी में हेल्प करेंगी। जिंगशी काशी से पूछता है कि तुमने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोचा है, तो वो उससे कहती है कि मैंने बाइकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोचा है। और फिर वो दोनों जियू से पूछते हैं, तो जियू उनसे कहता है कि मैंने इस बारे में कुछ खास सोचा नहीं है अभी। और फिर वो सेम क्वेश्चन लीही से पूछते हैं, तो लीही भी उनसे यही कहता है कि मैंने इस बारे में कोई खास सोचा नहीं है, लेकिन मैं किसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में ही जाऊंगा। नेक्स्ट डे हम इन तीनों को स्कूल में देखते हैं जहां ये तीनों जिंगशी के ऑडिशन के रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। तो तभी वहां पर जिंगशी आ जाता है, तो ये तीनों उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा। तो जिंगशी कहता है कि अच्छा था। फिर ये तीनों उससे रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, तो जिंगशी कहता है कि मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वहां बहुत सारे एक्टर्स थे और कॉम्पिटिशन बहुत हाई था। उसकी ये बात सुनकर लीही उससे कहता है कि अपसेट मत हो, हमें पास्ट के बारे में नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और वैसे भी नेक्स्ट वीक हमारे एग्जाम्स हैं, हम चारों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स के साथ पास करना चाहिए। और वो चारों ग्रुप स्टडी करने के लिए मान जाते हैं और लीही की इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिंगशी और मिस हुआ को देखते हैं जो कि उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती हैं क्योंकि वो ऑडिशन में फेल हो गया होता है। जिंगशी मिस हुआ से कहता है कि मुझे एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मिस हुआ से कहती है कि तुम्हें अपनी स्टडीज को इम्प्रूव करना होगा और अच्छे मार्क्स लेने होंगे, ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जिंगशी टॉप म्यूजिकल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देख रहा होता है और वो देखता है कि मिनिमम क्राइटेरिया 60% मार्क्स का है और वो कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए इस पर मैं मेहनत करूंगा और अच्छे मार्क्स लूंगा। नेक्स्ट डे हम इन चारों को स्कूल में देखते हैं। जिंगशी काइशी से कहता है कि मैं अगले 2 हफ्ते के लिए स्कूल से लीव ले रहा हूं, जो सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और वो तीनों जिंगशी से लीव की वजह पूछते हैं। और फिर जिंगशी इन तीनों से कहता है कि मैं अगले 2 हफ्ते के लिए म्यूजिकल क्लासेस लेने के लिए जा रहा हूं और वैसे भी म्यूजिक ही मेरा पैशन है और मुझे एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी ये बात सुनकर वो तीनों भी उसे सपोर्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर हम देखते हैं कि कोच और क्लास टीचर लीही और जियू का एप्लीकेशन फॉर्म देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि टीचर जियू से कहती है कि तुमने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है वो एक कोडिंग यूनिवर्सिटी है, तो क्या तुम कोडिंग सीखना चाहते हो और क्या इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो जियू उससे कहता है यस मैम, मैं कोडिंग सीखना चाहता हूँ और मुझे कोडिंग बहुत पसंद है। जियू की मैम उससे कहती है क्या इस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को पता है। तो जियू उससे कहता है कि इस वक्त उनको नहीं पता लेकिन मैं उनको जल्द बता दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम कोच को देखते हैं जो लीही को डांट रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी का नाम तुमने लिखा है उसका मिनिमम क्राइटेरिया 65% मार्क्स का है और तुम एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट हो, तुम्हें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। लीही उनसे कहता है कि सर मैं मेहनत करूंगा और मैं इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। जियू और लीही अपने टीचर्स को मना लेते हैं और अपने दिल की सुनते हैं। और फिर हम लीही को काशी से इसी बारे में बात करते हुए देखते हैं। काशी लीही पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है लेकिन लीही काशी को समझा लेता है और उससे कहता है कि वो एक हाई लेवल एथलीट बनना चाहता है और इसीलिए उसका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम देखते हैं कि लीही श्वान से इस बारे में बात करता है, तो श्वान उससे बहुत ज्यादा नाराज होता है और उससे कहता है कि चीफ आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं और वहां से चला जाता है। लीही से जाता देख बहुत ज्यादा अपसेट होता है और वो अपसेट होकर क्लासरूम में आ जाता है। काशी उसका मूड ठीक करने के लिए उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देती है और लीही भी हंसना शुरू कर देता है। और फिर हम श्वान और उसके दोस्तों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। लीही श्वान से बात करने की कोशिश करता है लेकिन श्वान उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। लीही ये देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होता है। तो
काशी लीही से अपसेट होने की वजह पूछती है तो लीही उससे कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस तोड़ा है जिसकी वजह से छुआन मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां लीही और छुआन एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और लीही छुआन से कहता है कि मैं उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा जहां तुम लोगे। उसकी ये बात सुनकर छुआन बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर लीही काशी से कहता है कि छुआन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे कभी भी अपसेट नहीं देख सकता और वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। काशी लीही से कहती है कि छुआन की अपनी लाइफ है और तुम उससे कभी भी फोर्स नहीं कर सकते और वो लीही से कहती है कि छुआन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें उससे मनाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि लीही छुआन को मैसेज करता है लेकिन वो लीही के मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं करता। सीन शिफ्ट होता है और हम जीयू और उसकी मॉम को देखते हैं। जीयू की मॉम को ये पता चल जाता है कि जीयू कोडिंग में इंटरेस्टेड है और वो लॉयर नहीं बनना चाहता। जीयू की मॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उससे कहती है कि मैं और तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम लॉयर बनो और मैं नहीं चाहती कि तुम अपना कीमती टाइम इस तरह से वेस्ट करो। और वो जीयू से कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए तुम लॉयर ही बनोगे। जीयू उनसे कहता है कि मुझे लॉयर नहीं बनना, मुझे कोडिंग सीखनी है और एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है। उसकी ये बात सुनकर जीयू की मॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे दोस्तों की वजह से हो रहा है। और फिर वो जीयू से उसका फोन मांगती है और उससे कहती है कि आज के बाद तुम सिर्फ स्टडीज पर फोकस करोगे, लेकिन जीयू उनको अपना फोन नहीं देता और अपसेट होकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीही जीयू को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी ये बुक्स डस्टबिन में मिली थी। लीही उससे कहता है कि मुझे पता है कि ये बुक्स तुम्हारी मॉम ने फेंकी थी, तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम हुआंग और छुआंग को देखते हैं। हुआंग छुआंग से कहती है कि लीही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और उन दोनों के दरमियान सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करती है और उससे कहती है कि लीही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स को प्राउड फील करवाना चाहता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें भी लीही को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, इस टाइम उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। हुआंग की ये बातें सुनकर छुआंग मान जाता है और फिर हम छुआंग और लीही को देखते हैं। छुआंग लीही से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और लीही भी उससे अपना प्रॉमिस तोड़ने के लिए सॉरी बोलता है और ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। लीही छुआंग से कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और वैसे भी तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम्हारे लिए उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत ही इजी है और जरा सोचो तुम्हारी मॉम कितनी प्राउड फील करेंगी जब वो तुम्हें इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए देखेंगी। और फिर वो दोनों लाइब्रेरी जाते हैं जहां सारे फ्रेंड्स उनका वेट कर रहे होते हैं तो तभी वहां पर जिंक्शी आ जाता है जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर उसके बाद ये सभी ग्रुप स्टडी करते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। शिफ्ट होता है और हम जीयू की मॉम को देखते हैं जो उसे कॉल कर रही होती हैं लेकिन उनकी कॉल पिक नहीं करता तो वो लीही की मॉम के पास जाकर पूछती हैं क्या मेरा बेटा आपके घर पर है और फिर लीही की मॉम एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती हैं जो सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता और वो गुस्से में आकर जीयू का डेस्क चेक करती हैं और उन्हें पता चलता है कि जीयू ने हर जगह उनके साइंस खुद किए होते हैं जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। जीयू जैसे ही घर आता है तो उसकी मॉम उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती हैं, उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हैं और वो उससे कहती हैं कि मैंने तुम्हें कोडिंग सीखने से मना भी किया था और उन दोनों के दरमियान फाइट होना शुरू हो जाती है। जीयू की मॉम उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें लॉयर बनाना चाहती हूँ लेकिन जीयू लॉयर बनने से साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि ये मेरी लाइफ है और मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा और मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ। ये सभी बातें लीही और उसके पेरेंट्स सुन रहे होते हैं। जीयू अपनी मॉम से फाइट करने के बाद घर छोड़कर चला जाता है और उसकी मॉम बहुत ज्यादा अपसेट होती है और रोना शुरू कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि जीयू सीधा जिंक्शी के घर आता है और फिर जिंक्शी जीयू को समझाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए और अगर तुम उनसे बात नहीं करोगे तो तुम भी अपसेट रहोगे। और फिर हम देखते हैं कि लीही जीयू की मॉम को आग बताता है कि आपका बेटा एक फ्रेंड के घर पर है, आप प्लीज अपसेट मत हो। नेक्स्ट डे हम जीयू को स्कूल में देखते हैं जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता और वो कैंटीन में भी बहुत ज्यादा अपसेट होकर बैठा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जीयू की मॉम और लीही को देखते हैं। जीयू की मॉम से कहती है कि मैं अपनी बेटी का स्कूल ट्रांसफर कर रही हूँ जो सुनकर लीही की मॉम बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो उनसे कहती है अगर आप अपनी बेटी का स्कूल ट्रांसफर करेंगी तो उसकी स्टडी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट होगा। लीही की मॉम उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ भी सुने बगैर वहां से चली जाती है। हम इन तीनों को वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखते हैं और फिर लीही उन दोनों से कहता है कि जीयू की मॉम उसे किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना चाहती हैं, जो सुनकर लीही और जिंक्शी बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। और काशी उन दोनों से कहती है कि कल हमारा एग्जाम है और जीयू का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्रामिंग का कॉम्पिटिशन भी है। लीही उन दोनों से कहता है कि हम तीनों को मिलकर उसकी मॉम को ऐसा करने से रोकना होगा। नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम हो रहा होता है कि तभी जीयू की मॉम भी स्कूल में आ जाती है। लीही जीयू की मॉम को देख लेता है और वो काशी से कहता है कि मैं जीयू को लेकर उसके कॉम्पिटिशन में जा रहा हूँ, तुम दोनों जाकर उसकी मॉम को समझाओ और उसकी मॉम को यहाँ आने से रोको। और फिर हम देखते हैं कि काशी और जिंक्शी जीयू की मॉम को रोकने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां पर उनकी क्लास टीचर मिस लू आ जाती हैं जो जीयू की मॉम से कहती हैं कि जीयू ने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूं। लेकिन ये टाइम जीयू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसका स्कूल ट्रांसफर कर देंगी तो उसकी स्टडी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट होगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम लीही और जीयू को देखते हैं। लीही जीयू को लेकर उसके कॉम्पिटिशन की तरफ जाता है तो वहीं काशी जीयू की मॉम से कहती है कि जीयू को कोडिंग बहुत ज्यादा पसंद है, आपको भी उसे सपोर्ट करना चाहिए और आपको भी हमारे साथ उसका कॉम्पिटिशन देखने के लिए जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि जीयू का प्रोग्रामिंग का
कंपटीशन हो रहा होता है और वो अपने कंपटीशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर कायशी जियू की मॉम को लेकर आ जाती है। जियू जैसे ही अपनी मॉम को देखता है तो उसकी मॉम उसकी तरफ देख कर वहाँ से चली जाती है और जियू थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीही और कायशी जियू को कंग्रेचुलेशन कहते हैं क्योंकि उसने इस कॉम्पिटिशन को पास कर लिया होता है और फिर वो उससे कहते हैं कि तुम्हें फाइनल्स के लिए भी मेहनत करनी होगी। और फिर जियू लीही से अपनी मॉम के बारे में पूछता है तो जिंगशी उससे कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए। और फिर हम जियू और उसकी मॉम को देखते हैं। जियू की मॉम उससे कहती हैं कि इस बार तो तुमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारा स्कूल ट्रांसफर कर दूंगी। नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं और जियू बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। उनकी क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहती हैं कि आपके एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया है और आप अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और फिर वो जियू से कहती हैं कि स्टाफ रूम में आकर मुझसे मिलो। और फिर हम जियू और मिस लू को स्टाफ रूम में देखते हैं। मिस लू से कहती हैं कि तुम्हारे एग्जाम्स पहले से बहुत ही बुरे हुए हैं और तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन नहीं बल्कि सेकंड पोजीशन आई है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोडिंग बहुत ज्यादा पसंद है और आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान हो लेकिन ये दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहिए। उनकी ये बात जियू बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाता है और उनका थैंक्स करकर वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लीही और कायशी जियू का वेट कर रहे होते हैं। जियू जैसे ही क्लासरूम में आता है तो वो उससे पूछते हैं कि मिस लू ने तुम्हें क्यों बुलाया था। तो उन दोनों से कहता है कि मिस लू ने मुझे मेरा रिजल्ट बताने के लिए बुलाया था और वो कायशी को कंग्रेचुलेशंस कहता है क्योंकि वो फर्स्ट आई होती है। और वो कहता है कि मैं इस बार सेकंड आया हूँ, जो सुनकर कायशी और लीही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर लीही उन सबसे कहता है कि कल हमारा स्प्रिंग हॉलीडे है और कल हम सभी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, जो सुनकर सारे बहुत खुश होते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हम इनके पूरे ग्रुप को शॉपिंग करते हुए देखते हैं और ये सारे मिलकर अपने इस हॉलीडे को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर हम इन सबको कैफे में देखते हैं जहाँ ये ड्रिंक्स के लिए ऑर्डर दे रहे होते हैं। तो लीही कहता है कि मैं तो वही ड्रिंक पीऊंगा जो कायशी मेरे लिए ऑर्डर करेगी। उसकी ये बात सुनकर सभी लीही को देखने लग जाते हैं। कायशी जैसे ही ऑर्डर देने के लिए जाती है तो जी उसके पास आकर कहता है कि मेरा कोडिंग कंपटीशन के फाइनल राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया है, जो सुनकर काशी बहुत ज्यादा खुश होती है, उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। और फिर हम बैड बॉय हान को देखते हैं जो किसी से बात कर रहा होता है और कुछ बुरा करने के बारे में प्लानिंग कर रहा होता है। वो क्या करने वाला है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। पर हमें इतना आइडिया हो जाता है कि वो काशी और जिंगशी के पिक्चर्स के बारे में बात कर रहा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हुआंग और काशी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर जिंगशी आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं यहां आ गया। और फिर वो कायशी से एक फेवर मांगता है और उससे कहता है कि मुझे अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए तुमसे ट्यूशन चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हेल्प जरूर करोगी। और इधर हम देखते हैं कि कोच लीही और उसके दोस्तों को ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, उनसे कहते हैं कि 5 मिनट की ब्रेक कर लें। हुआंग चुआंग को मैसेज करती है, उसको बताती है कि मैं और जिंगशी इस वक्त कायशी के घर में हैं। और फिर चुआन लीही को हुआंग के मैसेजेस दिखाता है और उसको बताता है कि चुआन और जिंगशी इस वक्त कायशी के घर पर हैं और जिंगशी कायशी से ट्यूशन ले रहा है। उसकी ये बात सुनकर लीही वहां से भाग जाता है और वो सीधा अपने घर जाता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं ग्रुप स्टडी करने के लिए अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। और वो जैसे ही बाहर आता है तो जी उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उससे कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। जी उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उससे कहता है कि तुम बैग लेकर खाना खाने के लिए नहीं बल्कि किसी से ट्यूशन लेने के लिए जा रहे हो। तो लीही उससे कहता है कि मैं कायशी के घर जा रहा हूँ। और फिर लीही सीधा कायशी के घर जाता है और जाकर जिंगशी को तंग करने लग जाता है। जिंगशी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो लीही उससे कहता है कि यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिंगशी उससे कहता है कि मैं काशी से ट्यूशन लेने के लिए आया हूँ। तो लीही उससे कहता है व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी काशी से ट्यूशन लेने के लिए आया हूँ। तो काशी उससे कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें कब बुलाया है। तो लीही उससे कहता है कि तुमने खुद तो कहा था कि मुझे स्टडी के लिए जब भी तुम्हारी हेल्प चाहिए हो तो मैं आ सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि काशी का भाई हांशी उनकी पिक्चर्स ले रहा होता है। जिंगशी देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि हमारी पिक्चर्स लेना बंद करो, और उसको मारना शुरू कर देते हैं। फिर हम जिंगशी और लीही को स्टडी करते हुए देखते हैं। उन दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और वो दोनों सोना शुरू कर देते हैं कि तभी वहां पर काशी आ जाती है और उनसे कहती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर स्टडी के लिए बुलाया है ना कि सोने के लिए। लीही उसे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है और तुम्हारे फ्रिज में कुछ भी नहीं है, चलो हम बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। और फिर ये तीनों और काशी का भाई ग्रोसरी स्टोर जाते हैं जहाँ हम जिंगशी को देखते हैं जो छुप रहा होता है। तो लीही और काशी उससे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि यहाँ मेरे बहुत सारे फैंस हैं इसलिए मैं छुप रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जिंगशी और काशी का भाई बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं। तो लीही काशी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से ज्यादा पागल कौन है। तो काशी से कहती है कि दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। और फिर हम देखते हैं कि जिंगशी अपने खाने के लिए चीजें ले रहा होता है और लीही उसकी सारी चीजें उठाकर वापस रख देता है। जिंगशी उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो लीही उससे कहता है कि चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, तुम्हें पैसों को इस तरह से जाया नहीं करना चाहिए। जिंगशी कहता है कि ये इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है। शॉपिंग करने के बाद थक कर ये चारों घर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि काशी को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और उसके पेट से आवाज आ रही होती है, जो देख कर लीही बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर देता है। तो लीही उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाता हूँ। जिंगशी उससे कहता है कि सिर्फ तुम अकेले खाना नहीं बनाओगे बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ खाना बनाऊंगा। उन दोनों की बात सुनकर
पर काइशी और उसका भाई बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम दोनों बाहर हैं, तुम लोग जैसे ही खाना बना लो हम दोनों को बता देना, हम आ जाएंगे। लीही जिंगशी से कहता है कि मैं तुमसे अच्छा खाना बनाऊंगा, तो जिंगशी से कहता है कि मैं अब्रॉड से आया हूं और मुझे बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है, और कहता है कि देख लेना तुमसे अच्छा खाना मैं ही बनाऊंगा। लीही जिंगशी से कहता है कि शुगर किधर है, तो वो उससे कहता है कि मैंने सारी शुगर यूज कर ली है, जो सुनकर लीही को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लीही जिंगशी से कहता है कि तुमने शुगर जानबूझ के खत्म की है जिससे मैं इस कॉम्पिटिशन को हार जाऊं, और वो बस इतनी सी बात पर एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। काइशी का भाई ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो काइशी को आवाज देता है, और फिर काइशी आकर उन दोनों को रोकती है और फिर उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों क्यों फाइट कर रहे हो। तो लीही से कहता है कि जिंगशी ने सारी शुगर यूज कर ली है। काइशी उन दोनों से कहती है कि फाइट करना बंद करो और खाना जल्दी से कम्प्लीट करो। फिर हम देखते हैं कि काइशी का भाई उसे खाना टेस्ट करने के लिए कहता है और उससे कहता है कि बताओ किसका खाना सबसे अच्छा है। काइशी खाना टेस्ट करने के बाद कहती है कि लीही का खाना ज्यादा अच्छा है, जो सुनकर लीही बहुत ज्यादा खुश होता है और जिंगशी उसकी इस बात से अपसेट हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम जीयू को देखते हैं जो अपने कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि काइशी लीही के खाने की तारीफ करती है और उससे कहती है कि तुमने इतना अच्छा खाना बनाना किससे सीखा। लीही उससे कहता है कि मैंने ये खाना बनाना अपने डैड से सीखा है, वो मेरी मॉम के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेज बनाते थे और मैंने ये सारा खाना बनाना उन्हीं से सीखा है, मेरे डैड बहुत ही अच्छे कुक हैं। लीही के डैड के बारे में सुनकर काइशी अपने डैड को मिस करती है और अपसेट हो जाती है। तो लीही उससे कहता है कि अपसेट मत हो, मैं तुम्हारा हूँ ना। तो काइशी उससे कहती है कि तुम मेरे क्या हो, तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा कुक हूँ। उसकी आवाज सुनकर काइशी हंस पड़ती है और हम देखते हैं कि लीही काइशी के शोल्डर पर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो शोल्डर पर हाथ रखने लगता है तो काइशी का भाई उससे आवाज दे देता है। काइशी जैसे ही अंदर जाती है तो वो देखती है कि जिंगशी पियानो बजा रहा है, उससे इतना अच्छा पियानो बजाता देख काइशी बहुत ज्यादा हैरान होती है। और फिर लीही और काइशी जिंगशी के पियानो को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लीही जिंगशी से कहता है कि मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा पियानो बजाते हो। तो जिंगशी उससे कहता है कि मुझे भी इस बारे में बिल्कुल नहीं आइडिया था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो। जिंगशी लीही से कहता है कि मैंने आज पहली बार काइशी को किसी लड़के से इतना क्लोज होते हुए देखा है, और वो कहता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि काइशी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। और फिर लीही जिंगशी से कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम्हारी किस्मत में जो होगी वो तुम्हें जरूर मिलेगी। नेक्स्ट डे हम काइशी के भाई को देखते हैं कि तभी डोर नॉक होता है और वो जैसे ही जाकर डोर को ओपन करता है तो वो देखता है कि सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं और वो उनको देखकर डर जाता है और डोर को बंद कर देता है और भागता हुआ आकर काइशी को इस बारे में बताता है। और वो जैसे ही सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने काइशी और जिंगशी की पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर लीक कर दिया है, जो देखकर काइशी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम जिंगशी के घर का सीन देखते हैं जहां बहुत सारे रिपोर्टर्स जिंगशी का वेट कर रहे होते हैं। जिंगशी काइशी को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम अपने घर पर ही रहना और बाहर बिल्कुल मत जाना। कि तभी काइशी और उसके भाई को कुछ आवाजें आती हैं और वो जब जाकर विंडो को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सामने लीही होता है। लीही उन दोनों से पीछे वाले गेट से बाहर आने के लिए कहता है। वो तीनों जैसे ही बाहर आकर वहां से जाने लगते हैं तो रिपोर्टर्स उनको देख लेते हैं। रिपोर्टर्स की तरफ देखकर लीही काइशी को उठा लेता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। और फिर हम काइशी उसके भाई को लीही के घर पर देखते हैं जो इस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। काइशी लीही से कहती है कि ये सब कुछ किसने किया होगा। लीही काइशी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जिंगशी की टीम इस बारे में पता कर रही है और जल्द ही हमें उस पर्सन के बारे में पता चल जाएगा। कि तभी जीयू काइशी को कॉल करता है, उससे कहता है कि ये सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है और कौन है जो तुम्हारी पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। और जीयू से कहता है कि मैंने तुम्हें एक पिक्चर सेंड की है। काइशी जैसे ही उस पिक्चर को ओपन करती है तो वो देखती है कि उसकी फैमिली और जिंगशी उस पिक्चर के अंदर होते हैं, लेकिन जिस पिक्चर को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया होता है वो एडिट की होती है, उस पिक्चर में सिर्फ काइशी और जिंगशी होते हैं। और फिर हम बैड बॉय हान को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि बैड बॉय हान ही करवा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिंगशी और मिस हुआ को देखते हैं जो जिंगशी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती हैं और उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती हैं और उससे कहती हैं कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, और उससे कहती हैं कि तुम्हें पता है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो और तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल रखना चाहिए। जिंगशी उनसे कहता है कि मैं ऐसे अपने फ्रेंड्स के घर खाना खाने के लिए गया था, इस पिक्चर को मेरे फ्रेंड्स ने अपलोड नहीं किया और वैसे भी ये पिक्चर एडिट की हुई है। मिस हुआ जिंगशी को समझाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा और आगे से एहतियात करनी होगी। जिंगशी मिस हुआ से सॉरी बोलता है, उनसे कहता है कि मैं आगे से वही करूंगा जो आप कहेंगी। इधर हम देखते हैं कि काइशी इस इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है, तो लीही उसके पास आकर उसे समझाता है और उससे कहता है कि हमें ऐसी सिचुएशन में अपसेट नहीं होना चाहिए बल्कि हमें इस सिचुएशन का मुकाबला करना चाहिए। कि तभी काइशी का भाई उसे आवाज देता है, उससे कहता है कि जल्दी इधर आओ। हांगशी काइशी को उसकी और जिंगशी की पिक्चर्स दिखा रहा होता है जो रिसेंटली अपलोड हुई होती है। उन पिक्चर्स को देखकर लीही काइशी को घूरना शुरू कर देता है, तो काइशी उससे कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ये पिक्चर्स फोटोशॉप से एडिट की हुई है और वैसे भी इस टाइम में हांग के साथ थी। हांगशी उन दोनों से कहता है कि कोई काइशी को बहुत ही डीपली फॉलो कर रहा है और हमें जल्द ही पता लगाना होगा कि ये सब किसने किया है। और इधर हम जिंगशी को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि काइशी के घर का एड्रेस सभी रिपोर्टर्स को पता चल चुका है और वो बहुत ही तेजी में वहां से निकलता है। उसका मैनेजर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कुछ नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। तो वहीं इधर ये तीनों जीयू के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते
होते हैं वो इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और फिर काशी जिंशी को कॉल करती है लेकिन उसकी कॉल पिक नहीं करता। काशी देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होती है तो लिही उससे कहता है कि हो सकता है वो बिजी हो, तुम उसे बाद में कॉल कर लेना। तभी काशी को जिंशी के मैनेजर की कॉल आती है और उसको बताता है कि जिंशी तुम्हारे घर की तरफ गया है जहां बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं और तुम लोगों को उसकी मदद करनी होगी। उसकी ये बात सुनकर वो तीनों भी काशी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो तीनों जैसे ही काशी के घर के करीब पहुंचते हैं तो सारे रिपोर्टर्स उनको देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसी बीच हांशी और काशी को भी बहुत सारी चोटें आती हैं कि तभी वहां पर जिंशी आ जाता है और सारे रिपोर्टर्स इन तीनों को छोड़कर जिंशी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और फिर हम इन तीनों को काशी के घर पर देखते हैं जहां लीही काशी के सर पर लगी चोट का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। लीही काशी के बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है। काशी उसे अपनी इतनी केयर करता देख बहुत ज्यादा खुश होती है और काशी उससे थैंक्स बोलती है। तो लीही कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। कि तभी काशी को जिंशी का मैसेज आता है और वो उससे सॉरी कहता है। उसे कहता है कि मैं जल्द ही उस पर्सन का पता लगा लूंगा जिसने ये सब कुछ किया है। और फिर हम जिंशी को देखते हैं जिसे उसके मैनेजर की कॉल आई होती है और उससे कहता है कि मिस हुआ इस टाइम हॉस्पिटल में है, जो सुनकर जिंशी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जिंशी अपने मैनेजर से उनसे मिलने के लिए कहता है तो उसका मैनेजर उसे मिलने से मना कर देता है और उससे कहता है कि मिस हुआ तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है और वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। उसकी बात सुनकर जिंशी थोड़ा अपसेट हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि काशी लीही से कहती है कि रात बहुत हो गई है अब हमें सोना चाहिए। तो लीही भी काशी के साथ उसके रूम में जाने लग पड़ता है। तो काशी उससे कहती है कि तुम मेरे रूम में नहीं बल्कि हांशी के रूम में सोओगे। काशी जैसे ही अपने रूम में जाती है तो लीही भी वहां पर आ जाता है। उससे कहता है कि हम दोनों तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं और तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और हम यहीं पर सोएंगे। काशी इन दोनों को वहां से बाहर निकाल देती है। तो लीही हांशी से कहता है कि कोई बात नहीं हम बाहर सोकर भी उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और फिर हम लीही को देखते हैं जो इसी बारे में सोच रहा होता है कि ये सब कुछ किस पर्सन ने किया होगा। तो हांशी उससे कहता है कि रात बहुत हो गई है तुम्हें सो जाना चाहिए। तो लीही उससे कहता है कि मैं 100% श्योर हूं कि वो शख्स हमारी क्लास में से ही कोई है। तो हांशी उससे कहता है कि हो सकता है तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो पर इस टाइम सो जाओ। तो वहीं दूसरी तरफ हम काशी और उसकी फ्रेंड को देखते हैं और वो दोनों भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। काशी अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये सब कुछ जिसने भी किया है हमें जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे हम मिस हुआ को देखते हैं जो अपनी असिस्टेंट से कहती है कि मुझे जिंशी से बात करनी है। तो वो उनसे कहती है कि जिंशी इस टाइम लाइव स्ट्रीम कर रहा है, जो सुनकर मिस हुआ हैरान हो जाती है। और फिर हम जिंशी को लाइव स्ट्रीम करते हुए देखते हैं जो अपने सभी फैंस और फ्रेंड्स को सॉरी बोलता है। उसकी इस लाइव स्ट्रीम को मिस हुआ भी देख रही होती है, उसके सभी फ्रेंड्स भी ये लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं, यहाँ तक के बैड बॉय हान भी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है। और फिर जिंशी अपने सभी फ्रेंड्स को थैंक्स बोलता है और कल वाले इंसिडेंट के लिए मिस हुआ को सॉरी भी बोलता है। उसकी लाइव स्ट्रीम के बाद लीही काशी से कहता है कि एक सेलिब्रिटी की लाइफ बहुत ही टफ होती है। कि तभी काशी को जिंशी का मैसेज आता है, उससे कहता है कि हमें पता चल गया है कि इन सबके पीछे कौन है। जियो को भी इस पर्सन के बारे में पता चल जाता है और वो इन दोनों को कॉल कर कहता है कि इन सबके पीछे बैड बॉय हान नहीं बल्कि उसके साथ कोई और भी है। और फिर काशी और लीही उस पर्सन से मिलने जाते हैं, उससे जाकर कहते हैं कि तुम्हें इन सभी पिक्चर्स को डिलीट करना होगा और पब्लिकली अपोलोजाइज करना होगा नहीं तो हम तुम्हें अरेस्ट करवा देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हम जिंशी और बैड बॉय हान को देखते हैं। जिंशी उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करता है और उससे कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। हान उससे कहता है कि सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स की अटेंशन तुम्हें मिलती थी और इसलिए मैंने ये सब कुछ किया जिससे तुम्हारी इमेज खराब हो सके। हान उससे कहता है कि मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहता था लेकिन उस पर्सन ने मेरे फोन को हैक कर लिया था और मुझे ब्लैकमेल किया था इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। हान अपने किए पर बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है और वो जिंशी से माफी मांगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो मॉनिटर को भी कॉल कर उससे माफी मांगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंसिपल हान और उसके पेरेंट्स को देखते हैं। हान के पेरेंट्स उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसको बहुत इंसल्ट करते हैं और वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि हम हान का स्कूल ट्रांसफर कर रहे हैं, जो सुनकर हान बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और रोना शुरू कर देता है और अपने प्रिंसिपल से कहता है कि मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं अपना स्कूल ट्रांसफर कर दूं। नेक्स्ट डे हम लीही और काशी को जिंशी के घर पर देखते हैं जहां काशी उन दोनों के लिए खाना बना रही होती है। तभी वहां पर जियो भी आ जाता है। लीही जियो से कहता है कि आज खाना जरूर खाकर जाना क्योंकि आज खाना काशी बना रही है, जो सुनकर जियो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और जब काशी खाना लेकर आती है तो वो उन तीनों से कहती है खाओ, तो वो तीनों कहते हैं कि हमें भूख नहीं है। काशी उन तीनों पर बहुत गुस्सा होती है और उनसे कहती है कि चुपचाप खाओ। लीही कहता है कि पहले जिंशी इस खाने को टेस्ट करेगा। तो जिंशी काशी से कहता है कि तुमने ये खाना बनाया है पहले तुम टेस्ट करो। काशी जैसे इस खाने को टेस्ट करती है तो उसका टेस्ट बहुत ही बुरा होता है और काशी कहती है कि ये तो बहुत ही बुरा बना है। वो तीनों कहते हैं कि हमें तो बहुत ही भूख लगी है। और फिर जिंशी काशी से पूछता है कि तुम्हें भूख लगी है, तो वो कहती है हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। और फिर वो चारों अपने लिए नूडल्स मंगवाते हैं। और फिर काशी जी से पूछती है कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग कैसी जा रही है, तो वो कहता है कि बहुत अच्छी है और मैंने स्टडीज पर भी बहुत फोकस करना शुरू कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें बीट कर दूंगा और फर्स्ट पर आ जाऊंगा। और फिर काशी उन तीनों से कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हान ने किया है। नेक्स्ट डे हम मिस हुआ को देखते हैं जो जिंशी से मिलने आती है और उससे उसके फैंस के कुछ लेटर्स देती है और उससे कहती है कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। तो जिंशी उनसे कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ दिनों तक एक कॉन्सर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे हम इन सबको स्कूल में देखते हैं और हमें पता चलता है कि आज इनके न्यू सेमेस्टर का फर्स्ट डे है। और फिर क्लास स्टार्ट होते ही टीचर उनसे कहती है कि आपके इंटर कॉलेज एग्जामिनेशंस में सिर्फ 6 मंथ्स रह गए हैं और ये 6 मंथ्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको इन 6 मंथ्स में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी, अपने टीचर की बात को सभी स्टूडेंट्स
बहुत ही गौर से सुन रहे होते हैं। और फिर हम जिंक्शी और काशी को देखते हैं। जिंक्शी बहुत ही अपसेट होता है क्योंकि मिस हुआ चाहती हैं कि वो अपने म्यूजिक पैशन को फॉलो करने के लिए अब्रॉड चला जाए और वहीं पर स्टडी करे। जिंक्शी काशी से कहता है अगर तुम्हें स्टडी करने के लिए बाहर जाने का मौका मिले तो क्या तुम जाओगी, तो वो कहती है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वो उससे कहती है कि वैसे तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, तो जिंक्शी उससे कहता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा और वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कोच और लीही को देखते हैं। कोच उससे कहते हैं कि एक हफ्ते बाद तुम्हारा रेसिंग का बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन है जिसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी और अपने स्टेमिना और अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना होगा, तो क्या तुम तैयार हो। तो लीही अपने कोच से कहता है यस सर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर हम काशी को स्टडी करते हुए देखते हैं कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही देखती है तो सामने लीही होता है। और फिर ये दोनों एक पार्क में जाते हैं जहाँ लीही ने काशी के लिए एक सरप्राइज अरेंज किया होता है। और फिर लीही काशी को एक गिफ्ट देता है और उस गिफ्ट को देखकर काशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर ये दोनों इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम काशी की फैमिली को देखते हैं। काशी की मॉम अपनी शादी की पिक्चर्स को देख रही होती हैं और अपने बीते पलों को याद कर कर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। उन्हें खुश देखकर काशी और हांशी भी बहुत खुश होते हैं। और फिर हम जिंक्शी और उसके मैनेजर को देखते हैं। जिंक्शी अपने मैनेजर से कॉन्सर्ट अरेंज करने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ हुआंग को एक मैसेज आता है। उसे पता चलता है कि जिंक्शी बहुत ही जल्द एक कॉन्सर्ट कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स उस मैसेज को देखने लग पड़ते हैं। तभी वहां पर जिंक्शी भी आ जाता है और ये सारे उससे इस बारे में पूछते हैं। तो जिंक्शी कहता है कि ये बिल्कुल सच है, मैं बहुत ही जल्द एक कॉन्सर्ट कर रहा हूँ। और फिर वो काशी से कहता है कि तुम कॉन्सर्ट में जरूर आना। तो काशी कहती है मुझे कुछ काम है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कॉन्सर्ट में जरूर आओगी। उसकी बात सुनकर लीही बहुत हैरान होता है। और फिर हम लीही उसके कोच को देखते हैं जो लीही को ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी स्पीड पहले से कम हो गई है। तो लीही उससे कहता है कि सर मैं मेहनत करूंगा और अपना 100% दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम जियो और उसकी मॉम को देखते हैं। जियो की मॉम उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के कॉन्सर्ट पर जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर जियो की मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अपने टाइम को वेस्ट मत करो। जियो उनसे कहता है कि मेरे क्लोज फ्रेंड का कॉन्सर्ट है और मुझे वहां जाना चाहिए, लेकिन जियो की मॉम उसे वहां जाने से रोक देती है। उसे कहती है कि अपने रूम में जाकर स्टडी करो। जियो उनकी बात सुनकर अपसेट हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है। और फिर हम काशी और हुआंग को देखते हैं। हुआंग कॉन्सर्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। और फिर हम कॉन्सर्ट का सीन देखते हैं जहां जिंक्शी काशी से कहता है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूं, तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है और तुम मेरी हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहोगी। और उससे कहता है कि मैं जहां भी जाऊंगा हमेशा तुम्हें मिस करूंगा। उसकी ये बात सुनकर काशी उसे देखने लग पड़ती है। और फिर जिंक्शी काशी के लिए एक बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग गाता है। सभी फैंस जिंक्शी के सॉन्ग को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन काशी वहां से चली जाती है। तो वही दूसरी तरफ हम लीही को उसके कोच के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं कि तभी उसे छुआन का मैसेज आता है और वो लीही को जल्दी से कॉन्सर्ट में आने के लिए कहता है। लीही उसका ये मैसेज देखकर वहां से निकल जाता है। इधर हम जिंक्शी को पियानो प्ले करते हुए देखते हैं और वो फ्लैशबैक में अपने और काशी के मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। और फिर हम जिंक्शी और काशी को देखते हैं। जिंक्शी उससे कहता है कि मैं बहुत ही जल्द अब्रॉड जा रहा हूँ म्यूजिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जो सुनकर काशी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जिंक्शी थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो काशी उससे कहती है कि तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करने के लिए अब्रॉड जरूर जाना चाहिए। और फिर हम लीही को देखते हैं जो भागता हुआ आकर अपने फ्रेंड्स से पूछता है कि काशी कहाँ है। तो वो उससे कहते हैं कि वो अंदर है, कि तभी वहां पर काशी भी आ जाती है। लीही काशी से पूछता है कि तुम और जिंक्शी अंदर क्या कर रहे थे। तो काशी उससे कहती है कि जिंक्शी हम सबको छोड़कर बहुत ही जल्द अब्रॉड जा रहा है, जो सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। और वो लीही से कहती है कि उसने मुझे यही बताने के लिए बुलाया था। और फिर हम लीही और काशी को देखते हैं जो काशी को उसके घर तक छोड़ने जाता है और वो काशी से कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो। तो काशी उससे कहती है किस लिए। लीही काशी से कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और हमेशा मेरा ट्रस्ट करोगी और तुम्हें जब भी हेल्प की जरूरत होगी तो तुम मुझे जरूर बताओगी। और फिर लीही उसे गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। जिंक्शी को देखते हैं जो एयरपोर्ट के लिए निकल रहा होता है कि तभी वहां पर उसके सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो उसे गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि हम हमेशा तुम्हें याद करेंगे और अगर तुम्हें कभी भी हमारी हेल्प की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। और सभी बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। हुआंग काशी से कहती है कि मैं जिंक्शी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ हम लीही को भी देखते हैं जो अपने कोच के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। काशी और हुआंग जैसे ही वहां से जाने लगते हैं कि तभी काशी को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर वहां गिर जाती है। जी उसे उठाकर क्लिनिक लेकर जाता है। काशी को जैसे ही होश आता है तो वो हुआंग से पूछती है कि मुझे क्या हुआ था। तो हुआंग उससे कहती है कि तुम बेहोश हो गई थी और फिर जी तुम्हें यहाँ लेकर आया था। तभी वहां पर जी आ जाता है जो आकर काशी से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो गई हो और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अपनी डाइट और अपनी रेस्ट का बहुत ख्याल रखना होगा। लीही को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो भागता हुआ काशी के पास आता है। उससे आकर कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। काशी से कहती है कि कुछ नहीं, बस एक मामले से चक्कर आया था। लीही उसका फोन पकड़कर उस पर अलार्म सेट करता है। उससे कहता है कि अलार्म जब भी बजेगा तुम्हें उस टाइम खाना खाना है और उस खाने की पिक्चर लेकर मुझे सेंड करनी है। काशी से कहती है क्या ये करना जरूरी है। तो लीही कहता है हाँ जरूरी है, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र होती है और वैसे भी तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी हो और मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। तुम पहले भी दो तीन दफा बेहोश हुई हो। लीही से कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो काशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर लीही इससे आज रात डिनर के लिए पूछता है। तो काशी उसका कोई भी जवाब नहीं देती और वहां से भाग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि काशी अपने खाने की पिक्चर्स ले
लेकर लीही को सेंड करती है। नेक्स्ट डे हम काशी को देखते हैं जो इसी बारे में सोच रही होती है कि क्या लीही ने मुझे डेट के लिए बुलाया था, कि तभी वहाँ पर काशी का भाई आ जाता है और उससे पूछती है अगर तुम किसी लड़की से डेट के लिए पूछते और वो कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चले जाती तो तुम क्या करते। हंसी से कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, तो फिर वो कहता है कि अच्छा लीही ने तुम्हें डेट के लिए पूछा था और तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया और अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। काशी से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो हंसी से तंग करना शुरू कर देता है और काशी उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। और फिर हम काशी को देखते हैं जो लीही को डिनर के लिए कहने के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर लीही आ जाता है। लीही उसे बाहर घूमने जाने के लिए कहता है तो काशी कहती है कि मुझे नहीं जाना, और हम देखते हैं कि काशी बहुत ही खुश होती है और वो जाकर अपने ड्रेसेस चेंज करना शुरू कर देती है। बहुत सारा टाइम लगाने के बाद वो फाइनली रेडी हो जाती है और वो जैसे ही बाहर आती है तो लीही बस उसे देखता ही रहता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। लीही इसकी तारीफ करना शुरू कर देता है और काशी अपनी तारीफ सुनता देख बहुत ज्यादा खुश होती है। लीही से कहता है कि नेक्स्ट सैटरडे मेरा एक मैच है, तुम जरूर आना। और फिर हम इन दोनों को रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं और फिर वो उसके बाद शॉपिंग के लिए जाते हैं और फिर वो गेम्स भी खेलते हैं और इस टाइम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तभी लीही एक हॉरर मूवी का पोस्टर देखता है और वो इमेजिन करता है कि मूवी देखते वक्त काशी डर जाएगी और मुझे टच करेगी। ये सोचकर लीही बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि चलो इस मूवी को देखने चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो मूवी देखना शुरू करते हैं तो काशी के बजाय लीही खुद डरना शुरू कर देता है। मूवी देखने के बाद लीही काशी से कहता है कि वो मूवी बहुत ज्यादा हॉरर थी, तो काशी कहती है तो तुम्हें किसने कहा था वो मूवी देखने के लिए। और फिर हम जियो को देखते हैं जो लीही के घर उसको उसकी बर्थडे विश करने के लिए आया होता है, लेकिन लीही की मॉम कहती है कि वो घर नहीं है बल्कि स्कूल गया हुआ है। जियो ये बात सुनकर थोड़ा शॉक होता है और वहाँ से चला जाता है। तो इधर हम लीही और काशी को देखते हैं। लीही काशी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरी ट्रेनिंग करवाने में हेल्प करो, तो काशी से कहती है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं करवा सकती, तो लीही कहता है कि तुम मेरी ट्रेनिंग जरूर करवाओगी। और फिर हम इन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। लीही काशी से स्प्रिंग रेस के लिए कहता है, लेकिन काशी को स्प्रिंग रेस बिल्कुल नहीं करनी आती। जैसे ही लीही उसे खींचता है तो काशी उसके बहुत क्लोज आ जाती है, तो लीही से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई अब मेरी बारी, और उसे लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है। और फिर ये दोनों एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और टाइम को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं जो क्लासरूम में जाता है, तो वो देखता है कि क्लासरूम में कोई भी नहीं है। और फिर हम लीही और काशी को जिम में देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। लीही काशी से कहता है कि सैटरडे को मेरा मैच है और मैं चाहता हूँ कि तुम मैच देखने के लिए जरूर आओ, तो काशी कहती है कि मैं जरूर आऊंगी, कि तभी वहाँ पर जियो आ जाता है जो उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। और फिर लीही काशी को उसके घर तक छोड़ने जाता है। वो काशी से कहता है कि तुम मेरा मैच देखने जरूर आना, तो काशी कहती है कि मैं जरूर आऊंगी, और लीही फिर से यही रिपीट करता है कि तुम जरूर आना, तो काशी कहती है मैं जरूर आऊंगी। उन दोनों की बातें काशी का भाई सुन रहा होता है। वो काशी से कहता है अगर तुम दोनों की प्यार मोहब्बत वाली बातें खत्म हो गई हो तो तुम प्लीज अंदर आ जाओ। नेक्स्ट सीन में हम लीही और उसके पेरेंट्स को देखते हैं। लीही के पेरेंट्स उसे उसका बर्थडे विश करते हैं और उसके लिए गाना भी गाते हैं। और फिर हम इन तीनों को केक काटते हुए देखते हैं। लीही अपने मॉम डैड को थैंक्स बोलता है और वो तीनों मिलकर इस सेलिब्रेशन को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो तभी लीही की मॉम उससे कहती है कि आज जियो तुम्हारे बारे में पूछने आया था। और फिर लीही जियो के पास अपनी बर्थडे का केक लेकर जाता है, लेकिन जियो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो लीही से बहुत ही रूडली बात करता है। लीही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूं, तो वो कहता है कि मुझे केक नहीं चाहिए। लीही जियो से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो, तो जियो उससे कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ और वो अपना डोर बंद कर देता है। लीही देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसे क्या हुआ है। नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां लीही काशी से कहता है कि आज शाम को हम दोनों बारबेक्यू खाने चलेंगे, तो काशी कहती है कि मुझे स्टडीज करनी है और वो वहां से चली जाती है। लीही फिर ये बात जियो से कहता है, तो जियो भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। लीही उन दोनों के बिहेवियर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इन दोनों को क्या हो गया है। और फिर हम काशी और उसकी फैमिली को देखते हैं जिसके फादर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वो केक काट रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम लीही और जियो को देखते हैं। जियो उसे काशी के डैड के बर्थडे के बारे में बताता है और उससे कहता है कि काशी अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस करती है। उसकी बात सुनकर लीही थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि काशी और उसका भाई अपने पेरेंट्स की पिक्चर्स देख रहे होते हैं। वो अपने डैड की पिक्चर को देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। काशी का भाई इससे कहता है कि मैं डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर काशी भी सैड हो जाती है। और फिर हम लीही को देखते हैं जो घर आकर अपने डैड को हग करता है और उनको किस करता है। उसके डैड कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर लीही अपने डैड को आई लव यू बोलता है और अपनी मॉम के पास जाकर बैठ जाता है और उनसे कहता है कि मेरी फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई हुई है और उनसे पूछता है कि जब ग्रैंडपा की डेथ हुई थी तो फादर ने आपको कैसे कम्फर्ट किया था। तो लीही की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारे फादर ने मुझे कम्फर्ट में लाने के लिए मेरी फेवरेट डिशेज बनाई थी और अगर तुम चाहो तो तुम भी काशी के लिए उसकी फेवरेट डिशेज बना सकते हो। और फिर हम काशी को उसके रूम में देखते हैं जो अपने हाथ की चोट को देखकर अपने छोटे छोटे एक्सीडेंट्स को सोचती है और वो कहती है कि ये चोट मुझे 2 हफ्ते पहले लगी थी लेकिन ये अब तक हील नहीं हुई। और वो कहती है कि ना ही मुझे भूख लगती है और मैं पहले से बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो गई हूँ। इस बारे में सोचकर काशी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी उसे लीही का मैसेज आता है, वो उससे कहता है कि तुम अब तक सोई नहीं, तुम्हें अब तक सो जाना चाहिए।
था और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। और फिर काशी भी लीही से कहती है कि तुम्हें भी सो जाना चाहिए, जो सुनकर लीही खुश हो जाता है। नेक्स्ट टाइम काशी को देखते हैं जो क्लिनिक में जाकर डॉक्टर से इसी बारे में बात करती है। उनसे कहती है कि मुझे बहुत दिनों से चक्कर आ रहे हैं और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। तो डॉक्टर काशी से पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ और भी कहना चाहती हो। तो काशी उनसे कहती है कि मेरे फादर को ब्लड कैंसर था। उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए। काशी डॉक्टर की बात सुनकर डर जाती है और वहां से चली जाती है। वो बहुत ज्यादा अपसेट होकर अपने क्लासरूम में आकर बैठ जाती है। हुआंग उससे उसके नोट्स मांगती है और काशी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। काशी को इस तरह से बिहेव करता देख ली ही उसके फ्रेंड्स बहुत हैरान होते हैं। और फिर काशी वहां से उठकर बाहर चली जाती है। ली उसके पीछे जाने लगता है कि तभी ली ही वहां से उठकर उसके पीछे चला जाता है। ली उससे जाकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो काशी उसे कहती है कि कुछ नहीं। और फिर काशी उसे कहती है कि तुम्हारा तो परसों मैच है ना। तो ली कहता है कि हाँ परसों मेरा मैच है। ली उससे कहता है कि तुम्हें हुआंग से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और फिर काशी आकर हुआंग से सॉरी बोलती है और हुआंग उसे गले से लगा लेती है। और फिर हम काशी को देखते हैं जो एक बुक पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उस बुक को नहीं पकड़ पाती कि तभी वहां पर जीव आकर उस बुक को पकड़ लेता है, उसको देता है। तो वो देखता है कि वो बुक किसी और की नहीं बल्कि ब्लड कैंसर की होती है, जो देखकर जीव बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे फादर को ब्लड कैंसर था ना। और फिर जीव उसका हाथ पकड़ता है, उसके हाथ पर लगी हुई चोट को देखता है। काशी बहुत ज्यादा इरिटेट होती है और फिर जीव उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। और फिर काशी जीव को सब कुछ बता देती है। जीव उससे कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए और अपनी मदर को भी इस बारे में बताना चाहिए। तो काशी कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैं अपनी मदर को इस बारे में नहीं बता सकती। जीव से कहता है कि तुमने अब तक अपना चेकअप क्यों नहीं करवाया। तो काशी कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा था। और फिर काशी जीव से कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहोगे, स्पेशली लीही से। उसकी बात सुनकर जीव कहता है कि ठीक है, जब तक लीही का मैच नहीं हो जाता मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैच के बाद अगर तुम हॉस्पिटल ना गई तो मैं सब कुछ बता दूंगा। उसकी बात सुनकर काशी भी मान जाती है और कहती है कि ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ हम शवान को देखते हैं जो इन दोनों को देख लेता है और वो कहता है कि ये दोनों यहां पर क्या कर रहे हैं। और फिर जीव और काशी वहां से चले जाते हैं। इधर हम लीही को देखते हैं जो इन दोनों का वेट कर रहा होता है। जैसे वो वहां पर आते हैं तो लीही उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों का कब से वेट कर रहा हूँ, तुम लोग कहाँ गए थे। तो काशी से कहती है कि हम लोग ग्रुप स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी में गए हुए थे। और फिर लीही काशी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। लीही काशी से कहता है कि कल मेरा मैच है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा मैच देखने के लिए जरूर आओ और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरा मैच देखने के लिए जरूर आओगी। और फिर हम शवान को देखते हैं जो ये सोच रहा होता है कि मुझे लीही को काशी और जीव के बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं। और फिर वो लीही को कॉल करता है, उससे कहता है कि मैंने आज जीव और काशी को एक साथ देखा था। लीही से कहता है कि मुझे इस बारे में सब कुछ पता है, वो दोनों एक साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी में गए थे। शवान कहता है कि चीफ मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तो लीही से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पागल हो, वो फोन को रख देता है। और फिर हम जियो को देखते हैं जो काशी का वेट कर रहा होता है और जैसे ही काशी वहां पर आती है तो वो दोनों स्कूल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं कि तभी वहां पर लीही आ जाता है जो उन दोनों को जाता देख बहुत ज्यादा अपसेट होता है। लीही काशी से आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो दोनों उठकर बाहर चले जाते हैं। लीही उससे कहता है कि मैं आज तुम्हें पिक करने के लिए आया था। तो काशी से कहती है कि मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं आज जियो के साथ स्कूल आ गई थी। तो लीही उससे कहता है कि ऐसा क्या काम था कि तुमने मेरा वेट तक नहीं किया। काशी उससे कहती है कि मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, जो सुनकर लीही बहुत हैरान होता है। काशी कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा हमेशा ट्रस्ट करोगे और सही टाइम आने पर मैं तुम्हें उस बारे में बता दूंगी। उसकी ये बात सुनकर लीही कहता है कि ठीक है। और फिर वो दोनों क्लासरूम में आ जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद हुआंग काशी से कहती है कि चलो हम दोनों बाहर चलते हैं। तो काशी कहती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है इसलिए मैं नहीं जा सकती। उसकी ये बात सुनकर जीव भी क्लासरूम में रुक जाता है और बाकी सभी स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं। जीव काशी से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक लग रही हो और उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। काशी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो जीव कहता है कि तुम्हें एक ना एक दिन तो अपनी मॉम को ये सब कुछ बताना ही होगा। और फिर वो काशी से कहता है कि इमेजिन करो कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ बैठी हुई है, तुम्हें ये सब कुछ अपनी मॉम को बता देना चाहिए। और फिर काशी अपनी मॉम के साथ गुजारे हुए पलों को याद करती है और उन मोमेंट्स को याद कर रोना शुरू कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम सभी स्टूडेंट्स को स्ट्रेचिंग करते हुए देखते हैं। शवान कहता है कि मॉनिटर नजर नहीं आ रही। तो उसका फ्रेंड कहता है कि उसकी तबीयत खराब है और वो क्लासरूम में ही है। तो जी कहती है कि जीयू की भी तबीयत खराब है और वो भी क्लासरूम में है। ये बात सुनकर शवान बहुत हैरान होता है और वो उसके फ्रेंड्स क्लासरूम में चले जाते हैं। और वो जैसे ही क्लासरूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि जीयू काशी को चुप करवा रहा है और उनको लगता है कि शायद जीयू ने काशी से कुछ कहा है इसलिए काशी रो रही है। और फिर हम लीही और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। शवान लीही से कहता है कि चीफ आपको मॉनिटर से बात करनी चाहिए, वो आजकल जीयू से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है। उनकी बातों का लीही कोई भी जवाब नहीं देता। तो वो लीही से कहते हैं कि चीफ आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो लीही कहता है कि मैंने काशी से इस बारे में पूछा था लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसने मुझे कहा कि कुछ सीक्रेट है वो मुझे नहीं बता सकती। और फिर हम काशी उसकी फैमिली को देखते हैं। काशी बहुत हिम्मत कर अपनी मॉम से इस बारे में कह देती है। काशी की बात सुनने के बाद उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इवन उसका भाई भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। काशी की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। काशी का भाई बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, वो उससे कहता है कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा, अगर तुम्हें मेरी कभी भी हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझे जरूर बताया करो। और फिर हम लीही और जीव को देखते हैं। लीही जीव से काशी के बारे में पूछता है। तो जीव कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लीही कहता है कि मुझे पता है कि तुम
मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो जीव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सही टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और वो वहां से चला जाता है। और फिर हम लीही को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही होती और वो काशी के बारे में ही सोच रहा होता है और बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। और फिर वो काशी को मैसेज करता है, उससे पूछता है कि मेरा सैटरडे को मैच है, क्या तुम आ रही हो। तो काशी उसे रिप्लाई करते हुए कहती है कि मैं नहीं आ सकती। उसकी ये बात सुनकर लीही बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम काशी की मॉम को देखते हैं जो उसकी फेवरेट डिशेज बनाती है। उससे कहती है कि आज हम डॉक्टर से मिलने के लिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हम लीही उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। लीही ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि आजकल चीफ बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगे हैं। लीही ट्रेनिंग करते वक्त सिर्फ काशी के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी वो गिर जाता है और उसके पैर पर चोट लग जाती है। और फिर हम हुआंग और छुआंग को देखते हैं। छुआंग उससे कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड को आजकल क्या हो गया है। तो वो उससे कहती है कि मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। छुआंग उससे कहता है कि लीही का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। उसकी बात सुनकर हुआंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर हम हांची उसकी मॉम को देखते हैं। हांची अपनी मॉम से कहता है कि मुझे मेरी बहन की बहुत फिक्र हो रही है और मैं नहीं चाहता कि जिस बीमारी की वजह से हमारे फादर की डेथ हुई उसी बीमारी की वजह से मेरी बहन की भी डेथ हो। उसकी ये बात सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उन दोनों की बातें काशी सुन रही होती है और उन दोनों की बातें सुनकर काशी भी अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे हम लीही को क्लासरूम में देखते हैं जिसके पैर पर चोट लगी होती है। वो जैसे ही अपनी सीट पर बैठता है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होती है। उसका फ्रेंड उसे हेल्प के लिए बोलता है तो लीही कहता है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए। और फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहां हुआंग आकर काशी को लीही की सिचुएशन के बारे में बताती है। उससे कहती है कि लीही के पैर पर चोट लगी हुई है। उसकी ये बात सुनकर काशी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और वो लीही से मिलने के लिए जाने लगती है तो हुआंग उससे कहती है कि शुआंग ने मुझे ये बताने से मना किया था लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि लीही ने इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। और फिर हम लीही उसके कोच को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो कोच लीही से कहता है कि तुम्हारे पैर पर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है और तुम्हें ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बल्कि रेस्ट करना चाहिए। और फिर लीही काशी को देखता है जो उसके लिए कुछ मेडिसिन रख कर वहां से चली जाती है। लीही भागता हुआ उसके पास जाता है और वो काशी से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तो काशी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लीही से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। काशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो वहां से चली जाती है जो देखकर लीही बहुत हैरान होता है। नेक्स्ट डे हम काशी उसकी मॉम को देखते हैं जो डॉक्टर से चेकअप करवा रहे होते हैं और डॉक्टर काशी को कुछ टेस्ट करने के लिए कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम हुआंग और छुआंग को देखते हैं। हुआंग उससे कहती है कि हमें काशी के भाई से पूछना चाहिए कि काशी को क्या हुआ है। और फिर वो दोनों जाकर हांची से पूछते हैं कि काशी को आजकल क्या हो गया है, वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। हांची उन दोनों को कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो छुआंग उससे कहता है कि हम दोनों को साफ साफ बताओ। और फिर हांची उन दोनों को काशी के बारे में सब कुछ बता देता है। उन दोनों से कहता है कि काशी इस वक्त हॉस्पिटल में है। उसकी बात सुनकर हुआंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तो वहीं इधर डॉक्टर काशी की मॉम से कहते हैं कि हमें इसका चेकअप करते रहना होगा और इसे टाइम टू टाइम मेडिसिन देते रहनी होंगी। और फिर डॉक्टर काशी को बोन थेरेपी के लिए कहते हैं। हांची को भी इस बारे में पता चल जाता है। तो हुआंग उससे पूछती है कि तुम्हें क्या मैसेज आया है। तो हांची उससे कहता है कि डॉक्टर ने काशी को बोन थेरेपी के लिए कहा है। और फिर हुआंग आकर जीव से इसी बारे में बात करती है। तो लीही शुआंग से कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड को क्या हुआ है। तो वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस स्टडीज के बारे में उससे बात कर रही है। और फिर हुआंग जीव को काशी की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। तो जीव से कहता है कि तुम्हें इस बारे में पता चल गया है। तो वो कहती है कि हमने हांची से पूछा था, उसने हमें सब कुछ बता दिया है। और फिर हम काशी को देखते हैं जो स्टडी कर रही होती है कि तभी उससे जीव का मैसेज आता है। वो उससे कहता है कि आज तुम लीव पर थी इसलिए मैंने तुम्हारे नोट्स बनाए हैं। और उससे सारे नोट्स सेंड करता है जो देखकर काशी बहुत खुश होती है और वो जीव का थैंक्स करती है। तभी लीही भी काशी को कॉल करता है लेकिन काशी का फोन बिजी होता है और वो उसकी कॉल को पिक नहीं कर पाती जो देखकर लीही बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे हम जीव और उसकी फैमिली को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जीव के डैड उससे कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम अपनी स्टडीज पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे। और वो जीव से लीही से दूर रहने के लिए कहते हैं। उससे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे स्टडीज पर इफेक्ट हो। और फिर हमें पता चलता है कि आज लीही की रेस है और जीव का प्रोग्रामिंग का फाइनल्स है और ये दोनों एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। और फिर हम काशी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सैड होकर अपने रूम में बैठी होती है कि तभी वहां पर हांची आ जाता है जो उससे कहता है कि अगर तुम्हें लीही की बहुत ज्यादा याद आ रही है और तुम चाहती हो कि तुम उसकी रेस में जाओ तुम्हें जरूर जाना चाहिए। और फिर हम जीव को देखते हैं जो अपने प्रोफेसर से मिलता है। उसके प्रोफेसर उससे कहते हैं कि आज फाइनल्स है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस फाइनल्स को जीतो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस फाइनल्स को जरूर जीतोगे। और फिर हम लीही को देखते हैं जिसकी रेस स्टार्ट हो चुकी है, वो अपनी रेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हम काशी को देखते हैं जो लीही की रेस देखने के लिए आ रही होती है लेकिन वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ लीही भी सिर्फ काशी के बारे में ही सोच रहा होता है और वो इस रेस को हार जाता है। लीही और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जीव को जैसे ही पता चलता है कि काशी बेहोश हो गई है तो वो अपना कॉम्पिटिशन छोड़कर वहां से चला जाता है। और फिर हम जीव को काशी के पास बैठा हुआ देखते हैं, उसकी केयर करते हुए देखते हैं कि तभी काशी को होश आ जाता है। जीव काशी से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो काशी कहती है कि लीही कहाँ है, उसके मैच
इसका क्या हुआ। तो जियो से कहता है कि तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए। और फिर वो काशी से कहता है कि तुम्हें इस बारे में लीही को बता देना चाहिए। तभी काशी को उसके भाई की कॉल आती है और उससे इसकी तबीयत के बारे में पूछता है। जियो काशी से फोन लेकर उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं काशी को घर तक छोड़ दूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम जियो की मॉम को देखते हैं, जिन्हें इस बारे में पता चल जाता है कि आज जियो का एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन था और वो अपना कॉम्पिटिशन छोड़कर वहां से चला गया था। और रूल्स के मुताबिक जियो इस कॉम्पिटिशन को हार गया है। जब उन्हें इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि जियो ने उस बारे में उनसे कुछ भी नहीं कहा होता। और फिर हम लीही और उसके फ्रेंड को देखते हैं। लीही ऐसे अपने घर आता है तो उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि लीही इस मैच को आराम से जीत जाएगा। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि लीही इस मैच को हार गया है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। और फिर हम लीही को उसके रूम में देखते हैं जो बहुत ज्यादा सैड होकर अपने रूम में बैठा होता है। ये चारों लीही की रेस की वीडियो देख रहे होते हैं और वो चारों बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि लीही इस रेस को हार चुका होता है। वांग काशी से कहती है कि अगर तुम रेस देखने के लिए आती तो लीही इस रेस को जरूर जीत जाता। आंशी उससे कहता है कि काशी रेस देखने के लिए जरूर आ रही थी लेकिन वो बेहोश हो गई थी। उसकी ये बात सुनकर हुआंग बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो जियो उन दोनों से कहता है कि हमें कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम जियो को देखते हैं जो लीही से मिलने के लिए उसके घर आया होता है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि लीही अपने रूम में है, तुम उसके रूम में चले जाओ। जियो उसके रूम में आकर उसके सभी मेडल्स उसकी ट्रॉफीज को देख रहा होता है और अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा होता है। और वो लीही से कहता है कि तुम स्पोर्ट्स में हमेशा फर्स्ट आया करते थे और मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा जेलस हुआ करता था। उसकी बात सुनकर लीही अपने बचपन के दिनों को याद करता है और कहता है जियो कि तुम बहुत ज्यादा डम हुआ करते थे इसलिए मैं तुम्हें स्पोर्ट्स में नहीं खिलाया करता था। और लीही से कहता है कि तुम भी स्टडीज में बहुत ज्यादा अच्छे हुआ करते थे और मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हुआ करता था। और फिर हम जियो को देखते हैं जो जैसे ही घर आता है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम कहां से आ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं लाइब्रेरी बुक्स रीड करने के लिए गया था। उसकी मॉम कहती है कि तुम कौन सी बुक्स रीड कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैथ्स और चाइनीज की। उसकी मॉम कहती है कि तुम किसके साथ बुक रीड कर रहे थे। तो वो कहता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ। उसकी मॉम कहती है कौन से फ्रेंड्स। तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, वो कहता है कि मॉम आप पूछना क्या चाहती है। तो उसकी मॉम से कहती है कि तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। और फिर हम जियो के मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं। जियो के डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि अगर जियो लॉयर नहीं बनना चाहता तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे फोर्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो लॉयर बने। अगर उसका इंटरेस्ट कोडिंग में है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे वही करने देना चाहिए जो उसका दिल करता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम जियो को उसके रूम में देखते हैं जो काशी के मैसेज देख रहा होता है और अपने पुराने मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां जियो काशी से उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछता है। तो काशी कहती है कि मेरी रिपोर्ट्स का रिजल्ट कल आ रहा है। काशी उससे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो जियो उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर हम लीही और उसके डैड को देखते हैं। लीही रेस हारने के बाद बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गया होता है और उसका रेस करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता, इसलिए उसके डैड लेकर उसे ग्राउंड में आए होते हैं उससे रेस करने के लिए कहते हैं। लेकिन लीही साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मेरा रेस करने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुमने रनिंग को स्टार्ट क्यों किया था। तो लीही कहता है कि मुझे रनिंग से मोहब्बत है। तो लीही के डैड उससे कहते हैं कि फिर तो तुम्हें रनिंग जरूर करनी चाहिए। लीही के डैड उसको समझाते हैं, उससे कहते हैं कि हारने के बाद ही इंसान जीतना सीखता है और कहते हैं कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। अपने डैड की बात सुनकर लीही बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और अपनी 100% एफर्ट लगाकर वो रनिंग करता है। और फिर हम काशी और जियो को देखते हैं। जियो काशी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहां पर लीही भी आ जाता है। जियो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए और वो वहां से चला जाता है। लीही काशी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम आजकल इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो, लेकिन मुझे मेरा प्रॉमिस याद है और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा और तुम पर हमेशा ट्रस्ट करूंगा। लीही जैसे ही वहां से जाने लगता है तो काशी उसका हाथ पकड़ लेती है, उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वहीं दूसरी तरफ हम जियो उसकी मॉम को देखते हैं। जियो की मॉम उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कोडिंग करने के लिए पहले भी मना किया था लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। तो उससे कहती है कि मैं तुम्हारा स्कूल ट्रांसफर कर रही हूँ, जो सुनकर जियो बहुत ज्यादा हैरान होता है। जियो अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मॉम उसकी एक नहीं सुनती। तो जियो उससे कहता है कि ठीक है, अगर आपको यही बेहतर लग रहा है तो जैसे आपकी मर्जी, और वो उनकी बात मान जाता है। वो बहुत ज्यादा सैड होकर अपने रूम में आ जाता है और हम देखते हैं कि काशी लीही को अपनी हेल्थ के बारे में सब कुछ बता देती है। लीही ये सुनकर उसके भाई को बहुत ज्यादा मारता है, उससे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो काशी से कहता है कि एटलीस्ट तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो काशी से कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, अगर तुम्हें कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे जरूर बताओ। और फिर हम देखते हैं कि काशी लीही से सॉरी बोलती है, उससे कहती है कि मेरी वजह से तुम अपनी रेस हार गए। तो लीही उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें अपोलोजाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काशी बहुत ज्यादा सैड होती है तो लीही उससे कहता है कि जिंदगी
बहुत छोटी है और हमें छोटी छोटी बातों पर परेशान होकर सैड नहीं होना चाहिए बल्कि खुश रहना चाहिए। वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हर काम में तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसकी ये बात सुनकर काशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे हम काशी को स्टडी करते हुए देखते हैं कि तभी उसका भाई आकर उससे कहता है कि नीचे कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। काशी बहुत ज्यादा खुश होती है, उससे लगता है कि नीचे लीही आया हुआ होगा। तो उसका भाई उससे कहता है कि नीचे लीही नहीं है बल्कि कोई और है। और वो जैसे ही नीचे आकर देखती है तो सामने जीयू होता है। जीयू काशी से कहता है कि आज हमारा हॉलीडे है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बाहर घूमने के लिए चलें। तो काशी उससे कहती है कि मैं रेडी होकर आती हूँ। काशी का भाई उसके पास आकर उससे कहता है कि जिस दिन तुम बेहोश हुई थी उस दिन लीही के मैच के साथ साथ जीयू का एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन भी था और उसने वो तुम्हारे लिए स्किप कर दिया था। उसकी बात सुनकर काशी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम लीही और उसके कोच को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। लीही के कोच उससे कहते हैं कि तुम्हारा स्टेमिना और स्पीड पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है और वो लीही से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर जियो और काशी टेक्नोलॉजी गैजेट्स और रोबोट्स देखने के लिए एक मॉल में जाते हैं और बहुत ही यूनिक किस्म के गैजेट्स और रोबोट्स देखते हैं। तो वहीं इधर हम देखते हैं कि लीही काशी के भाई से पूछता है कि काशी कहाँ गई है। तो उसका भाई उससे कहता है कि जियो और काशी टेक्नोलॉजी गैजेट्स और रोबोट्स देखने के लिए टेक्नोलॉजी जोन गए हुए हैं। लीही उससे कहता है कि काशी ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, मैं भी उससे चला जाता। नेक्स्ट डे काशी की फैमिली डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर काशी की रिपोर्ट देखने के बाद उनसे कहते हैं कि काशी को ब्लड कैंसर बिल्कुल भी नहीं है बल्कि ये ब्लड कैंसर के सिम्टम्स है। अगर काशी टाइम से अपना इलाज ना करवाती तो उसे ये ब्लड कैंसर हो सकता था, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की ये बात सुनकर काशी और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ काशी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो अपने सभी फ्रेंड्स को आकर इस बारे में बताती है, उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर काशी हुआंग से पूछती है कि जियू कहाँ है। तो हुआंग उससे कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, वो आज स्कूल नहीं आया। तो इधर हम जियू को देखते हैं कि तभी उसे काशी का मैसेज आता है। उससे कहती है कि आज शाम को हम सब मिल रहे हैं और तुम भी जरूर आना। तभी जियू अपने ट्रांसफर फॉर्म को देख कर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। और फिर हम इनके पूरे ग्रुप को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ ये बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन काशी सबसे पूछती है कि जियू क्यों नहीं आया। तो वो कहते हैं कि हम इस बारे में कुछ नहीं पता। और फिर काशी जियू को मैसेज करती है, लेकिन जियू उस मैसेज को देखने के बाद उन्हें कोई रिप्लाई नहीं देता। और फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि आज जियू का स्कूल में लास्ट डे है, उसके पेरेंट्स उसका स्कूल ट्रांसफर कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स जियू की मॉम को रोकने के लिए और जियू को सपोर्ट करने के लिए वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में रात को ही पता चल चुका होता है कि जियू की मॉम उसका ट्रांसफर कर रही है। उनकी क्लास टीचर जियू की मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करती है, उनसे कहती है कि जियू बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और मैं नहीं चाहती कि स्कूल ट्रांसफर करने की वजह से उसकी स्टडीज पर बुरा इफेक्ट हो। और फिर काशी भी जियू की मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जियू की मॉम बिल्कुल नहीं मानती। और जियू ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा होता है। उसकी मॉम से जैसे ही वहां से लेकर जाने लगती है तो जियू अपनी मॉम से कहता है कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जियू अपनी मॉम को समझाता है, उनसे कहता है कि यही मेरे फ्रेंड्स हैं और यही मेरा स्कूल है, मैं इन सबको छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। जियू की बात सुनकर उसकी मॉम फाइनली मान जाती है और सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हम सभी स्टूडेंट्स को इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए देखते हैं, क्योंकि एक हफ्ते बाद इनका एग्जाम होता है। और फिर स्कूल के लास्ट डे उनकी क्लास टीचर सबसे कहती है कि मुझे आप सब पर बहुत ज्यादा प्राउड है कि मैं आप सबकी क्लास टीचर हूँ। और फिर हम इन सबको बहुत ज्यादा खुश देखते हैं, अपने इस टाइम को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। और फिर हम एग्जाम का दिन देखते हैं जहाँ ये सारे अपना एग्जाम दे रहे होते हैं, उनकी फैमिलीज एग्जाम हॉल के बाहर उनका वेट कर रही होती है। एग्जाम क्लियर होने के बाद ये सभी मिलकर एक दूसरे के साथ पिक्चर्स खिंचवाते हैं और अपने टाइम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और फिर हम हुआंग और काशी को देखते हैं। हुआंग काशी से कहती है कि तुम्हें लीही से मिलने जाना चाहिए। तो काशी से कहती है कि मैं लीही से ऐसे नहीं मिलूंगी बल्कि कुछ अलग करूंगी। और फिर हम लीही और उसके दोस्तों को देखते हैं जिसे काशी का एक लेटर आया होता है, लेकिन उस लेटर में पजल फॉर्म में कुछ लिखा होता है और लीही को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आता कि काशी ने इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। हुआंग उस पजल को सॉल्व करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो पजल उससे सॉल्व नहीं होती। तो वो कहता है कि हमें ये पजल जियू से सॉल्व करवानी चाहिए। तो तभी वहां पर जियू भी आ जाता है। तो छुआंग लीही से कहता है कि तुम्हें जियू को इस बारे में कहना चाहिए। और फाइनली लीही जियू से इस बारे में कह देता है। तो जियू लीही से कहता है कि पहले तुम्हें मुझे डैड कहना होगा। उसकी ये बात सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन पर लीही भी क्या करता, उसकी भी मजबूरी थी और वो उसे डैड कह ही देता है। और फिर जियू लीही से कहता है कि काशी ने इस पर लिखा है कि मैं 2 बजे तुम्हारा रेडियो रूम में इंतजार करूंगी, तुम टाइम पर आ जाना। और फिर हम इन दोनों को रेडियो रूम में देखते हैं जहां ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं किसी नए ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।